किसीयर कैपिटल गेंस में अपने सेक्शन वाइज कर रहे थे ना उसमें अपना नेक्स्ट सेक्शन देखो क्या सेक्शन फोर्टी एट एंड फिफ्टी सेक्शन फोर्टी एट एंड फिफ्टी सी ये समझने के लिए ये ट्राई करो ना ये देखना क्वेश्चन ट्राई करना तो ही तुमको सेक्शन फोर्टी एट और सेक्शन फिफ्टी पढ़ा पाऊंगा ये देखो क्या लिखा है एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जो दो हज़ार अठारह उन्नीस में परचेज़ की थी एट अ कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व लैक्स और उसको बेचा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी एट लैक्स अब ऐसा कभी एग्जाम में सम आ जाए ना तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करेगा कैपिटल अगेंस्ट निकालना है ना तो चालू हो जाता है वैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस फिर शॉर्ट टर्म में तो कॉस्ट ऑफ एक्वेसन लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स कॉस्ट और स्टूडेंट क्या सोचेगा ये तो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स तो कॉस्ट तो तो कर देगा लेकिन ये गलत है कभी भी क्वेश्चन में डेप्रिशियेबल एसेट दिया हो ना डेप्रिशियेबल एसेट तो अपने को ये मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहिए वो केयरफुल रहना ये देखो अपने क्वेश्चन में क्या दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब वो तो बिजनेस में यूज़ हो रहा है और बिजनेस में जो भी एसेट यूज़ होता है उस पर डेप्रिशिएशन मिलता है और एक बार किसी एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन लिया होता है ना डेप्रिशिएशन तो उस उसमें ये वाला फॉर्मेट नहीं लगता है फिर उसको तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर कैपिटल गेन्स क्रिएट करना पड़ता है ये देखो ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट से सॉल्व करना पड़ता है मतलब ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग जिस ब्लॉक में है ना उस ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यू लिखो फिर एर परचेजेस फिर ये जो फैक्ट्री बेची है ना ट्वेंटी एट में उसका सेल अपने को इधर लेस करना पड़ता है ब्लॉक में फिर इस तरह से कैपिटल गेंस निकालना पड़ता है और पता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो देर आर चार पॉसिबिलिटीज चार पॉसिबिलिटी क्या था या तो ब्लॉक में सब कुछ बेच दिया है है ना या फिर कुछ कुछ बेचा है और सब कुछ बेचा है उसमें पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है है ना तो वो हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ता है क्या आएगा इसका तो मैंने छोटा गाना बनाया था ना ऑल सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सटक लॉस सटक जी डेप्रिसिएशन सटक जी मीन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा बट वो सब बेच दिया तो कुछ कुछ बेचा तो डेप्रिसिएशन आता है लेकिन कुछ कुछ एसेट बेचे उसमें नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लेकिन ऐसे करना पड़ता है तो सी ये फॉर्मेट सबको यूज करने आता है लेकिन वो टाइम पे दिमाग नहीं चलता ना अपने क्या फैक्ट्री बिल्डिंग पे ध्यान ही नहीं देंगे अपने अपनी धुनकी में सम सॉल्व करके आ जाएंगे ये वाले मेथड से लेकिन ये रॉन्ग है ओके तो सुनो यही चीज़ लिखी है सेक्शन 48 एट और फिफ्टी में यू नो सेक्शन 48 क्या बोल रहा है कि अगर नॉन डेप्रिशियेबल एसेट हुआ ना तो ये फॉर्मेट यूज़ करो नॉन डेप्रीशियेबल एसेट मतलब जिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे जैसे अपने घर पे गोल्ड पड़ा है सोना चांदी शेयर्स डिबेंचर्स लैंड हो गया ये सब पे डेप्रिसिएशन नहीं आता तो उसके लिए ये फॉर्मेट होता है दिस इज रिटर्न इन सेक्शन 48 और सेक्शन 50 क्या बोलता है कि अगर कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ना तो ये फॉर्मेट मत यूज़ करो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करो तो सी नॉलेज तुमको है लेकिन अपने को एकदम क्लैरिटी आ गया कि बी केयरफुल के डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो ये वाला फॉर्मेट और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो ये वाला फॉर्मेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन वाला ओके और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए सेक्शन 50 है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का सेक्शन 48 है तो एक्चुअली सेक्शन 50 और 48 है ना लोगों को मेथड बता रहा है कैलकुलेशन का ये क्या लिखा मोड ऑफ कंप्यूटेशन मोड मतलब मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल अगेंस्ट तो मेथड ऐसा यूज करना है डेप्रिशियेबल हुआ तो ऐसा यूज करना है नॉन डेप्रिशियेबल हुआ तो एक और चीज अगर डेप्रिशियबल एसेट हुआ ना तो उसका कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही आता है इट इज़ ऑलवेज शॉर्ट टर्म ओके ब्लॉक ऑफ एसेट बनाते हैं ना तो उसमें एक बार डेप्रिसिएशन क्लेम किया ना तो उस पर जो भी कैपिटल गेन है ऑलवेज शॉर्ट टर्म लेकिन नॉन डेप्रिशियेबल एसेट होता है ना तो अपने को उसका पीरियड गिन के डिसाइड करना पड़ता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है ओके तो ये था अपना सेक्शन 48 एंड 50 ओके okay, अब हम लोग है ना वो चालू कर देंगे सेक्शन 54 वाले एग्जेमशन्स सेक्शन 54 वाले एग्जैमशन उसमें सी पहला सेक्शन है सेक्शन 54 ये सेक्शन किसके लिए मालूम है अगर हम लोग घर बेच के दूसरा घर लेते हैं तो जो घर बेचा है ना वो घर बेचने का कैपिटल गेन एग्जेम्ड हो जाएगा तो पहले तो सी घर बेचने पे कैपिटल गेन आता है कि नहीं आएगा है ना क्योंकि घर एक कैपिटल एसेट है तो उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स आता है लेकिन घर बेचने वाला कैपिटल गेन गवर्नमेंट टैक्स से माफ कर देगी अगर तुमने रिटर्न में दूसरा घर ले लिया तो ओके okay. और ये सेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों खोला है मालूम है पब्लिक इंटरेस्ट में क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी घर चेंज करना पड़ता है और गवर्नमेंट घर चेंज करने में लोगों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि सी घर चेंज करना को हम लोग फालतू में नहीं कर रहे अपने को घर चेंज करना ज़रूरी लग रहा है क्यों ज़रूरी लग रहा है क्योंकि अपनी फैमिली बड़ी हो गई अपना एग्जिस्टिंग घर छोटा लग रहा है तो अपने को बड़े घर में शिफ्ट होना है या फिर अपने पास बड़ा घर है भी लेकिन अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया तो अपने को बड़े से और भी बड़ा है। तो जो भी है किसी ना किसी कारण से हर इंसान को घर चेंज करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट क्या बोलती है चलो घर चेंज करने में हमारा टैक्स तुमको तकलीफ नहीं देगा तुम लोग बिंदास घर चेंज करो उसमें हमारा टैक्स तुमको तकलीफ नहीं देगा मतलब घर चेंज करने में जो पुराना घर बेचोगे ना वो कैपिटल गेन हम टैक्स से माफ़ कर देंगे बिकॉज हमको समझता है कि वैसे भी नया घर लेना मतलब बहुत टेंशन वाला काम है तो उसमें टैक्स भी बीच में आ गया तो तकलीफ हो जाएगी तो वो सोच के गवर्नमेंट ने सेक्शन खोला सेक्शन फिफ्टी तो इन शॉर्ट सी इतना तो पहले याद करना है कि घर बेच के घर लेना है ओके okay? लेकिन सी घर मतलब रेसिडेंशियल हाउस हाँ इट शुड नॉट बी ऑफिस फैक्ट्री शॉप सी ऑफिस फैक्ट्री शॉप में हम लोग बिजनेस करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी वा ना विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस परपज उसके लिए एग्जेम्पन नहीं है इट इज नॉट फॉर अ बिजनेस प्रॉपर्टी इट इज फॉर अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके लिए एक्जें्शन मिलेगा तो सी इसके लिए देखो बहुत सारे प्रोविजन है अब मैं तुमको ड्रॉइंग के थ्रू सिखा पाऊंगा ये देखना पहले अज्यूम करो मैंने ना सात अगस्त ये एग्जाम्पल से समझना खत्म हो जाएगा सब सभा अज्यूम करो सात अगस्त 2023 को मैंने घर बेचा है कौन सा मेरा पुराना घर बेचा है ये डेट ऑफ ट्रांसफर है और घर बेचने का मेरा कैपिटल अगेंस्ट कुछ ऐसा आ गया जो भी ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया है और मान लो मेरा कैपिटल गेन आ रहा है ट्वेंटी लैक्स अब ये ट्वेंटी लैक्स मुझे एग्जेंशन चाहिए ना तो मुझे नया घर लेना पड़ेगा तो ये देखो मैंने मान लो एक नया घर ले लिया और नए घर की देखो कॉस्ट क्या है ये देखो मेरा नया घर है पंद्रह लाख का लिया है और अगर तुम घर पंद्रह लाख का लोगे तो डैट मीन्स फिर कैपिटल गेंद बीस लाख का पूरा एग्जाम नहीं होगा सी अगर ये कैपिटल गेन मेरा बीस लाख का पूरा एग्जाम करवाना है तो पूरा पैसा डाल नए घर में लेकिन तू नया घर सस्ता वाला ले लेगा तो एग्जैम्सन सस्ता ही मिलेगा जैसे मेरे एग्जाम्पल में देखो नया घर पंद्रह लाख का ही है तो एग्जाम्शन इधर खाली फिफ्टीन लैक्स का ही मिलेगा बट खैर प्रैक्टिकली क्या होगा नया घर बहुत कॉस्टली होगा अरे ये तो मेरा खाली प्रॉफिट है पुराने घर को बेच के प्रॉफिट हुआ है और नए घर की कॉस्ट तो बड़ी होगी ना लेकिन सी अरे ये तो घर बेच के प्रॉफिट हुआ है और न्यू कॉस्ट न्यू हाउस लेंगे वो तो बहुत कॉस्टली होगा ऐसा चांसेस नहीं है कि मतलब इससे भी सस्ता घर आ जाए ओके क्योंकि हम लोग कभी भी घर स्विच करते तो थोड़ा अपर आ, लेवल पे जाते हैं ना थोड़ा और महंगे घर में और नया घर लेंगे तो और भी कॉस्टली होगा तो जो भी है भाई सब में ऐसा दिया ना कि बीस लाख का कैपिटल गेन से और नया घर सस्ते में पंद्रह लाख में आ गया तो एग्जेपन पंद्रह लाख का ही मिलेगा लेकिन अगर मेरा नया घर पंद्रह लाख का नहीं है नाइन्टी टू का नया घर है तो अपने को ये ट्वेंटी लैक्स फुल्ली एग्जेप्ट हो जाएगा ओके okay, क्योंकि नया घर तो बहुत महंगा लिया 92 टू लैक्स मतलब मैंने ये जो कैपिटल गेन था ना 20 लैक्स का ये पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम ओके इसका देखो फॉर्मूला है विच एवर इज लेस विच एवर इज लेस कैसे मालूम ये देखो या तो ये अमाउंट योर नए घर की कॉस्ट विच एवर इज लेस तो सी ये वाले में देखो ये ट्वेंटी लैक्स है और कॉस्ट पंद्रह लैख है तो वॉट इज लेस पंद्रह लाख तो पंद्रह लाख का एग्जेपन मिलेगा और वही अगर नया घर मेरा नाइन्टी टू लैक्स का है तो फिर इन दोनों में से विचर इज लेस क्या हो गया ट्वेंटी लैक्स तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया कैपिटल गेंस अमाउंट या फिर कॉस्ट ऑफ नया घर दोनों में से विचर इज लेस उतना एग्जेम्पन मिलेगा लेकिन उसका इफेक्ट कब देने का पहले पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो फिर लास्ट में उसका इफेक्ट आएगा ये देखो मैंने प्रेजेंटेशन रखा इधर ियर एक देखो मैंने क्या लिखा इधर सी जी और सीएनए सीएनए का मतलब क्या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और इधर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मतलब नया घर तो ये देखो फॉर्मूला कैसे लगा है कैपिटल गेन 20 लाख कॉस्ट ऑफ नया एसेट 15 लाख विचर इज लेस पंद्रह लाख इतना एग्जेंशन अपने को मिलेगा ओके okay? तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑन न्यू एसेट विचर इज लेस अब देखो ये नया घर अपने को कब लेना है तो सी लॉ ने क्या बोला है जिस दिन तुमने अपने पुराने घर को बेचा ना उसके बाद जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आएगी ना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तब तक तुम लोग को लेटेस्ट नया घर लेना पड़ेगा मतलब ये वाले पीरियड में मुझे नया घर लेना पड़ेगा ओके ये डेट क्या था इस दिन को तो मैंने पुराना घर बेचा था फिर उसके बाद पूरा साल पड़ा है और साल खत्म होने के बाद जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आती है ना इतने पीरियड में मुझे नया घर लेना पड़ेगा तो ही मुझे एग्जेम्पन मिलेगा क्योंकि सी हम लोग एग्जैम्पन रिटर्न फाइल करते टाइम क्लेम करते हैं ना तो तू एग्जाम्पन क्लेम करेगा तो तब तो तक तो घर तो ले ले तो किस बुनियाद पे एग्जेपन ले रहा है घर लेने के लिए ना तो घर ले तो सही लेगा तो एग्जैम्पन मिलेगा और तुम वैसे भी एग्जेम्सन रिटर्न फाइल करते टाइम क्लेम करते हो तो तब तक तेरे को नया घर ले लेना चाहिए लेकिन सी कोई कोई लोग क्या बोलते हैं इतनी घाहे गाह में हमसे घर नहीं लिया जाएगा क्यों घर लेना बहुत कठिन डिसीजन होता है और ये डिसीजन कोई इतना ईजी नहीं है तो कितने लोग को क्या लगता है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक इतनी घाहे गाय में मुझसे घर नहीं ले लिया जाएगा मेरे को अच्छा घर चॉइस वॉइस करके लेना है तो ऐसे लोग को ने क्या बोला है कि अगर तू ड्यू डेट तक घर नहीं खरीद पा रहा है और तेरे को फुर्सत में घर की चॉइस करके आराम से लेना है तो एक बार के लिए ना तुझे जो कैपिटल गेन हुआ है ना ये देखो बीस लाख उसको एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करके रख दे ओके एक कैपिटल गेन का स्पेशल अकाउंट खुलता है बैंक में बैंक में जाओ उधर बोलो मेरे को कैपिटल गेन का अकाउंट खोलना है वो अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये नाम का अकाउंट खोलो बैंक में और वहाँ पर पैसे डाल दो कब तक ड्यू डेट तक तो वो कर दिया ना तो भी चलेगा इन शॉर्ट लॉ क्या बोल रहा है हो सके तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नया घर ही ले लो डेट इज बेस्ट लेकिन अगर तुमको लग रहा है नहीं इतनी घाई में हमसे घर नहीं लिया जाएगा बहुत टाइम लगता है चॉइस करने में तो डिपॉजिट कर दो डिपॉजिट क्या करना है जो भी तेरा कैपिटल गेन हुआ है ना उसको डिपॉजिट कर दे और अकाउंट का नाम क्या है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऐसा एक अकाउंट खोल के उधर पैसा डिपॉजिट कर दो तो वो किया तो भी चलेगा लॉ में क्या लिखा है डिपॉजिट करना इज डीम्ड परचेज ऑफ न्यू हाउस इट इज़ डीम्ड टू बी परचेज ऑफ अ न्यू हाउस तो वो भी हम चला लेंगे ओके okay? लेकिन बाद में घर लेना पड़ेगा लेकिन एक बार के लिए एग्जेप्शन के लिए तुम लोग डिपॉजिट कर दो तो भी एग्जेप्शन मिलेगा इन शॉर्ट सी देर आर टू पॉसिबिलिटी या तो मैंने ड्यू डेट तक घर ही ले लिया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक या फिर मैंने घर नहीं लिया है तो डिपॉजिट किया होगा लेकिन सी फार्मूला वो हिसाब से चेंज होगा ये देखो मेरा फार्मूला देखो स्क्रीन पर अगर तुमने ड्यू डेट तक स्क्रीन पर देखो क्या हाईलाइट कर रहा हूँ अगर तुमने ड्यू डेट तक घर ले लिया है ना तो, तो अपने को घर की कॉस्ट पता होगी तो देखो फार्मूला में क्या आएगा कैपिटल गेन और सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एर इज लेस लेकिन ये घर ले लिया होगा तो मेरे को कॉस्ट पता होगा ना लेकिन अगर मैंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक घर लिया नहीं है डिपॉजिट किया है ना तो डिपॉजिट का अमाउंट फार्मूला में आएगा ये देख रहा है इधर मैंने डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ है तो इन शॉर्ट सी इधर मैंने क्या लिखा सी एन ए और डिपॉजिट और मतलब आइदर और अगर तुमने घर ले लिया है तो घर की कॉस्ट फॉर्मूला में डाल दो और अगर घर नहीं लिया है तो डिपॉजिट का अमाउंट फार्मूला में डाल दो अकॉर्डिंगली फार्मूला चेंज हो जाएगा ओके तो ये एग्जामेशन का फार्मूला था अब सुनो अगर पहले ये देखो ये दिमाग में छाप लो कि दो तरह के इंसान होते हैं एक वो जिन लोग ने घर ही ले लिया है और दूसरा जिसने डिपॉजिट किया है अब देखना जिसने घर ले लिया ना उसका तो मैटर खत्म हो गया घर लेने के बाद तो थी ले लिया बात खत्म लेकिन जिसने डिपॉजिट किया है ना कैपिटल अगेंस्ट अकाउंट स्कीम में उसका मामला अभी खत्म नहीं हुआ है उसको एक बार के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेंशन दे तो दिया है लेकिन घर तो लेना पड़ेगा ना अब वो घर कब लेगा डिपॉजिट करने वाले के लिए अभी पॉइंट क्या है कि अब वो घर कब लेगा तो सी उसके लिए रूल क्या है ये देखो बताता हूं इसको अभी घर कब लेना है मालूम है ये देखना स्क्रीन पर देखना देखो कुछ जादू से आएगा अभी ये देखना दिख रहा है दो साल के अंदर उसको घर लेना पड़ेगा किसको डिपॉजिट करने वालों आपको हमने एक बार का एग्जेपन तो दे दिया है लेकिन अभी आपको नया घर कब लेना है विद इन टू ईयर्स फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस दिन तुमने पुराना घर बेचा ना वहाँ से लेके विद इन टू ईयर्स तुमको नया घर लेना पड़ेगा और अगर तुम नए घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंस्ट्रक्ट मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्शन एक प्लॉट लेके अपनी पसंद का मकान बना रहा हूँ तो तीन साल का टाइम मिला है ओके इधर कंस्ट्रक्शन लिखा है मतलब ये बिल्डर लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो नहीं सेल्फ कंस्ट्रक्शन खुद एक प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करते ना वैसा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है ना तो तीन साल का टाइम दिया है और मेरे को एक पीरियड गिन के बताओ ये दो साल कभी एक्सपायर होंगे और तीन साल कभी एक्सपायर होंगे कहाँ से गिनना है सी लोग गड़बड़ क्या करते हैं उनमें लोग क्या सोचते हैं जिस दिन डिपॉजिट किया ना वहाँ से दो साल नहीं माना कि डिपॉजिट करने वालों के लिए टाइम लिमिट है लेकिन तू ये टू ईयर्स थ्री ईयर्स को गिनना कहाँ से डिपॉजिट की तारीख से नहीं फ्रॉम द दे डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पुराना घर जिस दिन हमने पुराना घर बेचा था ना उसके दो या तीन साल में नया घर आना चाहिए एंड अगेन एम सिंह ये पॉइंट है ना ऐसे लोग के लिए क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं ना एक तो वो जिसने घर ही ले लिया ना ड्यू डेट के पहले तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ डिपॉजिट करने वालों के लिए बात हो रही है ओके तो मेरे को बताए दो साल कब खत्म होगा अगर सात अगस्त दो को चालू होता है तो हमेशा ईयर एंडिंग डेट है ना एक दिन पहले होता है तो सात अगस्त के पहले अगस्त और 2023 है तो 2025 आ जाएगा ओके तो ये देखो 6 अगस्त और कंस्ट्रक्शन के लिए तीन साल का टाइम है ना तो डेडलाइन अपना छह अगस्त दो हजार छब्बीस हो जाएगा ओके इतने टाइम में अपने को नया घर लेना पड़ेगा अब देखो डिपॉजिट करने वाले में ना आगे और तीन पॉसिबिलिटी बनती है लुक अगर डिपॉजिट करने वाले ने टाइम पे जो बोला वैसा घर ले लिया मतलब उसने प्रॉपर यूज किया प्रॉपर यूज मतलब उसने डिपॉजिट किया एग्जेपन ले लिया और वक्त पे घर भी ले लिया तो क्या होगा और उसने पैसा यूज़ ही नहीं किया डिपॉजिट किया हुआ या फिर मिसयूज़ किया तो क्या होगा अरे तीनों पॉसिबिलिटी का आंसर चाहिए मेरे को क्योंकि सी डिपॉजिट करने वाले भी तीन प्रकार के हो सकते हैं एक अच्छे लोग होते अच्छे मतलब उसने ईमानदारी से डिपॉजिट किया था एग्जें्पन ले लिया और वक्त आने पे मतलब विद इन टू इयर्स और थ्री इयर्स उसने घर ले भी लिया तो क्या होगा तो अच्छी बात है गवर्नमेंट उसको वेरी गुड बोलेगी कितने लोग बोलते हैं तो एग्जैम्पन मिलेगा अरे एग्जैम्पन मिल चुका है भाई एग्जैम्पन तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया ना कभी किया था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले तभी एग्जेपन मिल चुका है और आगे जाके उसने टाइम पे घर ले लिया तो वेरी गुड ओके ये देखो मैंने लिखा हुआ है अगर तुमने प्रॉपर यूज़ कर लिया फ्यूचर में तो गवर्नमेंट वेरी गुड बोलेगी गुड बॉय ऐसा ही होना चाहिए और अगर तुमने पैसा यूज़ ही नहीं किया मतलब सोचो तुमने कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया और उसको यूज ही नहीं कर रहे हो मतलब बैंक में ऐसे ही पड़े और पड़े पड़े तू ब्याज खा रहा है एक से पड़े पढ़े ब्याज खा रहा है मतलब उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है बट वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है अभी उस पर ज़्यादा मत सोचना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल पर जो भी अभी क्या बोल रहा था कि डिपॉजिट कर दिया एग्जैम्पन भी लेके बैठ गया ये देखो एग्जेम्पन लिया ना एक से मैंने अज्यूम किया अपने पंद्रह लाख डिपॉजिट किए थे और कर सकते सी एग्जेम्पन मुझे बीस लाख का चाहिए लेकिन तो डिपॉजिट पंद्रह लाख ही करेगा तो एग्जेम्पन पंद्रह लाख ही मिलेगा ना तो ऐसा अज्यूम करो उसने डिपॉजिट पंद्रह लाख किया था और एग्जैम्पन पंद्रह लाख का लिया था लेकिन आगे जाके गद्दारी क्या की उसने नया घर लिया ही नहीं ये देखो डिपॉजिट अमाउंट को यूज ही नहीं किया तो क्या होगा एग्जाम्पन विड्रॉन मतलब जो ये पंद्रह लाख उसको माफा गया था अभी टैक्स आ जाएगा अरे माफा गया था मतलब जो माफ किया था ना अब वो टैक्सेबल हो जाएगा ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिट अगेंस्ट पंद्रह लाख जितना माफ हुआ था यही पंद्रह लाख टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन कब गवर्नमेंट को राह देखनी पड़ेगी ना तो सी नॉट यूज का मतलब वो यूज ही नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट कब तक वेट करेगी उसके यूज करने का सी गवर्नमेंट दो साल के बाद भड़कने नहीं वाली है सी, दो साल खत्म भी हो गए तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी क्या पता शायद कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा तो गवर्नमेंट ने ना पूरा तीन साल रुकेगी और तीन साल ख़त्म हो गए फिर भी अगर उसने घर नहीं लिया ना तब गवर्नमेंट की सटक जाएगी फिर गवर्नमेंट बोलेगी भाई तूने धोखा किया है तेरे को जो ये पंद्रह लाख माफ़ किया था ना अब वो टैक्सेबल हो जाएगा मतलब एग्जैम्शन विड्रॉ हो जाएगा किस ईयर में जब तीन साल अपना एक्सपायर हो रहा है तीन साल कब खत्म हो रहा है अपना 6 अगस्त 26 तो ईयर कौन सा होता है 26 27 तो ये देखो प्रीवियस ईयर 26 27 में एग्जेम्पन विड्रॉ हो जाएगा ओके okay? और प्रीवियस ईयर क्यों इनकम टैक्स में हर ईयर को प्रीवियस ईयर की तरह एड्रेस करते हैं तो ये कौन सा ईयर है 26, 27 तो एग्जाम में लिखना चाहिए सिंस द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज्ड द एग्जेपन ऑफ 15 लैक्स अलाउड अर्ली इयर शैल बी विड्रॉन इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और एग्जामेशन विड्रॉन का मतलब ये है कि जो अमाउंट माफ हुआ था अभी टैक्सेबल हो जाएगा ओके ये देखो लिखा ना टी फॉर टैक्सेबल ओके ये कब अगर उसने यूज़ ही नहीं किया तो और कभी कभी कोई क्या करता है डिपॉजिट करता है और ये देखो ले लेता है एंड फिर बाद में बैंक में से पैसा विड्रॉ करके कुछ गलत इस्तेमाल कर लेता है मतलब घर लेने का बोला था ना लेकिन घर ना लेके कुछ और ले लेता है तो अगर मिसयूज किया ना तो भी उसको चमाट पड़ेगी चमाट मतलब एग्जेम्पन विड्रॉन ओके और सिर्फ मिसयूज करेगा ना गवर्नमेंट को पता चल जाता है बैंक वाले खबरी होते क्योंकि हमने कैपिटल गेंस का पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था ना तो जैसे हम लोग बैंक में से पैसा निकालते हैं ना वो बैंक वाले इनकम टैक्स पे खबर दे देते हैं देख लो उसने डिपॉजिट किया हुआ पैसा विड्रॉ किया है अभी देख लो वो क्या कर रहा है एंड फिर गवर्नमेंट को पता चला कि उसने पैसा निकाल के घर नहीं लिया कुछ और लिया तो उसको क्या बोलते मिस यूज़ किया और जिस ईयर में मिसयूज किया ना उस ईयर में चमाट पड़ जाएगी ओके सी यूज़ नहीं करते तो लास्ट में एग्जैम्सन विड्रॉ होता है ना लास्ट में लेकिन मिस किया तो तुरंत जिस ईयर में मिस किया तभी एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगा बड़े नहीं वेजी सब फ्यूचर में होगा और इन लोग के यूजली एग्जाम में फ्यूचर तक पहुंचा के सब नहीं बनाएंगे हाँ ऐसा कभी पूछ लिया थियरी क्वेश्चन की तरह कि अगर डिपॉजिट अमाउंट का उसने इस्तेमाल नहीं किया या फिर गैर इस्तेमाल किया तो क्या होगा तो खाली एक नोट लिख के आना है एग्जामेशन विल बी विड्रॉन सिंपल और यूज कब करना डिपॉजिट अमाउंट परचेस कर रहे हो तो दो साल में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो तीन साल में सी एक और ऑप्शन इधर लुक हर ये देखना अगर मैं चाहू ना ये देख स्क्रीन पर देखो जादू से कुछ आने वाला है भैया अगर मैं चाहू तो देखा एडवांस में भी घर ले सकता हूं मतलब जिस दिन मैंने अपना घर बेचा था ना पुराना वाला और मैंने उसके पहले ही नया घर ले लिया पहले वर्ड विद इन वन ईयर बिफोर होना चाहिए मतलब सोच मैं पुराना घर बेच रहा हूँ और पुराना घर बिका नहीं उसके पहले नया घर आ गया तो वो भी चलता है और वो गवर्नमेंट क्यों चला रही है क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कई बार हम लोग अपना पुराना घर बेचने का सोच रहे लेकिन बिक ही नहीं रहे लेकिन पुराना घर बिक नहीं रहा है और अपने को किसी नई बिल्डिंग में नया फ्लैट पसंद आ गया और पसंदीदा फ्लैट हम खोना नहीं चाहते और बिल्डर अच्छा रेट भी दे रहा होगा तो हम लोग वो मौका नहीं गंवाना चाहते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि अपने पुराने घर को बेचे उसके पहले नया घर आके पड़ा है तो चलेगा वो विद इन वन ईयर हुआ तो चलेगा बट वो परचेस किया हुआ रहेगा तो मतलब रेडी रेडी हाउस होगा तो रेडी हाउस तो रेडी हाउस में क्या है बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी हम गंवाना नहीं चाहते इसलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग पुराने घर को बेचे उसके पहले ही नया घर ले लेते हैं और वो गवर्नमेंट अलाउ करती है लेकिन पहले कितना पहले वन ईयर के अंदर ही होना चाहिए विद इन वन ईयर बिफोर दी ट्रांसफर डेट ओके बट एडवांस में कंस्ट्रक्ट किया नहीं चलेगा एडवांस में परचेज किया हुआ चलेगा ओके तो इन शॉर्ट देखो अपने बस इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है नए घर लेने की और सी ये लोग जो एडवांस में लेते हैं ना स्क्रीन पर देखो इन लोग को डिपॉजिट नहीं करना पड़ता सी डिपॉजिट किसको करना पड़ता है ये देखो ये काला वाला लाइन देखो काला वाला लाइन ना ये देखो ये देखो मैं कुछ कुछ कर रहा हूं ना ये देखो जिन लोग को है ना ये पीरियड में घर लेना होता है ना मतलब ड्यू डेट के बाद उनको डिपॉजिट करने की आवश्यकता है ओके लेकिन अगर कोई ये देखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पहले ही घर ले लेता है तो डिपॉजिट करने का जरूरत थोड़ी है फिर तो घर ही ले लिया बात खत्म डिपॉजिट का कंडीशन किसके लिए? जिन लोग ने ड्यू डेट के बाद घर खरीदने का प्लान किया है उनको बोला है भाई डिपॉजिट कर दो ओके okay? तो ये सब हो गया इन शॉर्ट सी अपने को तो सम सॉल्व देना क्या चेक करना चाहिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक या तो उसने घर ले लिया होना चाहिए या फिर डिपॉजिट किया हुआ होना चाहिए एंड फॉर्मूला कैसा यूज करोगे घर ले लिया है तो घर की कॉस्ट और कैपिटल अगेंस्ट विचर इज लेस और डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट अमाउंट और कैपिटल इज लेस इस तरह से एग्जिप मिलेगा ओके फिर सुनो इधर एक और पॉइंट है वो जो नया घर लेते हैं ना हम लोग वो तीन साल तक बेच नहीं सकते ही देखो मैंने नया घर लिया है ये नए घर को मैं तीन साल तक नहीं बेच सकता इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड लॉक इन पीरियड मतलब एक बंधन है कि नए घर को तीन साल तक मत बेचो क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं ना इस एग्जाम्पन का गैर फायदा उठाते हैं क्यों पब्लिक को पता है ना घर बेच के नया घर लेते तो कैपिटल गेन एग्जाम होता है तो कितने लोग क्या करते हैं उन्होंने नए घर का जरूरत नहीं भी है ना तो भी एक बार का ले लेते क्योंकि नया घर लेंगे तो एग्जेम्पन मिलता है ना एंड फिर जैसे एग्जैम्पन मिल गया अपना काम पूरा हो गया नए घर को बेच देते मतलब उसको नए घर का जरूरत नहीं था एग्जेम्शन के लिए उसने किया तो ये देख के गवर्नमेंट को गुस्सा आ रहा है इससे गवर्नमेंट ने कंडीशन रख दी तूने नया घर लिया ना उसको बेचना मत कम से कम तीन साल तक उसको संभाल के रखना क्योंकि तुझे सच में अगर नए घर की ज़रूरत थी ना तो उसको बेचेगा ही नहीं और अगर तू बेच रहा है मतलब तेरे अंदर खोट थी तेरे मन में पाप था इससे गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया नए घर को खबरदार तीन साल तक बेचा तो और ये तीन साल कैसे गिनते हैं उन्होंने अरे लॉक इन पीरियड का तीन साल रूल है लेकिन तीन साल कहाँ से गिनना है कितने लोग क्या बोलते हैं यहां से गिनना है अरे ये यहां से क्या गिनते नया घर कितने टाइम में लेना है वो अभी नया घर आ गया आया उसके बाद तीन साल नहीं बेचना है तो वो तीन साल कैसे गिनेंगे वो घर कब आया वो देखना पड़ता है जिस दिन नया घर आया ना ये देखो मेरा नया घर है जिस दिन मेरा नया घर आया ना वहां से तीन साल नहीं बेचना है सी ये जो टाइम लिमिट थी ना ड्रॉइंग में ये जो वन बिफोर ये टू आफ्टर थ्री आफ्टर ये तो नया घर खरीदने का टाइम था अब खरीदने के बाद उसको और तीन साल तक तो नहीं बेचना है वो अलग तीन साल है जो मेरे ड्राइंग में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ओके तो इन शॉर्ट टेल मी अगर किसी ने नया घर ये डेट को लिया होगा पॉसिबल है ना इधर तो यहां से तीन साल तक तो उसको नहीं बेचना है, उसका बंधन है और कोई कोई लोग का तो नया घर यहां पर आया होगा कंस्ट्रक्ट किया होगा ये देखो तो यहां से तीन साल तक नहीं बेचना है तो ये जो मैं पॉइंट छेड़ा ना अभी नए घर को तीन साल तक मत बेचो वो तीन साल डिपेंड सबू तुमने नया घर कभी लिया है वहां से तीन साल तक नहीं बेचना है टेल मी बेच दिया तो क्या होगा बेच दिया ना तो हो जाएगा लेकिन पता है यहां एग्जामेशन विड्रॉ करने का यूनिक स्टाइल है वो यूनिक स्टाइल क्या है तुमको एक सॉल्व किया हुआ सम से ही बता पाऊंगा सॉल्व किए हुए सम से लेकिन इधर एग्जाम्शन विड्रॉ करने की यूनिक स्टाइल है किधर अगर तीन साल में नए घर को बेचा ना तो उसमें एग्जाम्शन विड्रॉ करने का यूनिक स्टाइल है तो ये देखो मैं एक लाइव सम से बताता हूँ तुमको ये देखो मैंने एक सॉल्व सम तुमको दिखाया उससे डायरेक्ट बता पाऊँगा मान लो एक क्वेश्चन है उसमें मैंने घर को बेचा था पूरी कहानी सुनो एक घर बेचा था मैंने थर्टी लैक्स में ओके और उसका इंडेक्स कॉस्ट नाइन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड वन एटी सिक्स है तो मेरा कैपिटल गेंस इतना आया था ये तो मेरा पुराना घर है जो ओरिजिनल घर मैंने बेचा था फिर वो घर बेच के मान लो मैंने नया घर परचेज भी किया है और अज्यूम करो थर्टी टू लैक्स का नया घर है तो एग्जामेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ फॉर्मूला क्या था ये देख कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है थर्टी टू लैक्स ये रहा देखो और कैपिटल गेन कितना आया था बीस लाख 55,814 दोनों में से विचर लोअर करेंगे तो मेरा विचर लोअर ये आ गया ओके फिर पूरा एग्जाम हो गया नहीं लो गया अब ये देखो ये जो 32 टू ,00 है ना ये जो भी सम है ना उसमें ये नए घर की कॉस्ट है अब है ना ये नए घर मुझे तीन साल तक नहीं बेचना है ठीक से ना ये जो नया घर है ना अपने को तीन साल तक नहीं बेचना है ये अपने को प्रॉमिस करना पड़ता है लेकिन अगर नए घर को तीन साल में बेचा तो क्या होगा अगर नए घर को तीन साल में बेचा तो क्या होगा तो पता है दो दो कैपिटल गेन आएंगे एक तो नए घर को बेचा है तो बेचने का तो कैपिटल गेन वैसे भी आता है और तूने तीन साल में बेचा तो तेरे को जो गवर्नमेंट इधर एग्जेम्शन दी थी वो भी छीनेगी अरे मतलब दो दो कैपिटल गेन आएंगे दो दो अगर हम तीन साल में नए घर को बेचते हैं तो सबसे पहले तो क्या सोचना चाहिए कुछ बेचा है और बेचने पे तो वैसे ही कैपिटल गेन आता है वो चाहे तुम तीन साल में बेचो कि तीन साल के बाद बेचो वो तो कैपिटल गेन आएगा ही और अगर तुमने तीन साल के अंदर बेचा है तो तुमने गलती की है तो उस गलती की सजा अपना जो पुराने घर का एग्जामेशन था ना वो भी विड्रॉ हो जाएगा और वो कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखो लुक हियर लुक ये देखो मैंने अज्यूम किया है कि अपने वो थर्टी टू लैक्स का घर है ना वो बेच दिया तीन साल में तो सी पढ़ो क्या लिखा है कंप्यूटेशन ये पढ़ो क्या हाईलाइट करो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल कैपिटेगेन्स ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस और वो विद इन थ्री ईयर्स बेचा और कंप्यूटेशन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि घर बेचा है तो बेचने का तो कंप्यूटेशन होता ही है ना ये देखो मैंने कैसे किया है मैंने अज्यूम किया है वो नए घर को हमने फोर्टी टू लैक्स में बेच दिया था विद इन थ्री ईयर्स फोर्टी टू लैक्स में बेचा फोर्टी टू लैक्स में बेचा है और उसका कॉस्ट क्या था वो तो 32 टू लैक्स ना 32 टू लैक्स का था नया घर और उसको 42 में बेचा तो अपना 10 लाख का गेन हुआ है और ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं अपने नया घर लेते फटफट बेच दिए थे ओके फटफट बेच दिए तो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म भी हो सकता था सी तीन साल तक नहीं बेचना है तो अगर कोई तीन साल तक नहीं मतलब शायद दो साल रख के बेचे तो लॉन्ग भी हो सकता है अरे घर जैसी चीज़ तो एम प्रॉपर्टी है एम प्रॉपर्टी तो दो साल के बाद लॉन्ग हो जाती है और अपने अभी क्या बात करें तीन साल तक मत बेचो तो सी तीन साल तक मत बेचो मतलब शायद किसी ने टू एंड हाफ इयर्स में बेचा होगा तो भी गलत काम है ना लेकिन टू एंड हाफ़ इयर्स में लॉन्ग हो जाता है लेकिन मैंने इधर जो सम सॉल्व किया है ना इधर कैसा था कि वो तीन साल तो छोड़ो दो साल के भी अंदर बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म है तो मेरा दस लाख का शॉर्ट टर्म गेन आ गया एंड फिर ये क्या है मालूम बीस लाख पचपन हज़ार बीस लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये तो अपने को पहले एग्जैम्पन मिला था ना पुराने घर बेचने का वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है विड्रॉ कर लिया मतलब पहले जो माफ़ा गया था अब वो टैक्स आ जा रहे थे ऐड हो गया मतलब मेरे को दो दो कैपिटल गेन आ गए नए घर बेचने का तो दस लाख ही है ओके और पुराना एग्जैम्पन ट्वेंटी लैक्स फिफ्टी फाइव भी विड्रॉ हो गया तो मेरा टोटल कैपिटल अगेंस्ट कितना हो गया थर्टी लैक्स फिफ्टी फाइव थाउजेंड ओके खैर ये ऐड करके दिखाना जरूरी नहीं है देखो जो चीज़ मैं इधर ऐड की है ना सुनो वो मैं नोट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ नोट में क्या लिखना चाहिए कि बिकॉज उसने तीन साल में नए घर को बेच दिया है तो उसको पहले जो ट्वेंटी लैक्स फिफ्टी फाइव का एग्जाम मिला था तो विड्रॉ हो जाएगा ओके अब सुनो ऐसा करोगे तो जीरो मिलेगा ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है फिर भी क्यों किया मालूम है मैंने क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट ऐसे ही सोचेगा यूजुअली स्टूडेंट ऐसे ही सोचेगा स्टूडेंट क्या सोचेगा हाँ ठीक है ना नए घर को बेच दिया तो बेचा उसका कैपिटल गेन निकाल लो जो आ गया ट्वेंटी लैक्स और तीन साल में बेचा वो गलत है तो पहले का एग्जामेशन विड्रॉ कर दो ऐसा ही करेंगे ना लेकिन कानून में क्या लिखा है देखो कि अगर तुमने नए घर को तीन साल में बेचा तो जो एग्जैम्पन हमने तुमको दिया है ना वो तुम्हारे घर की कॉस्ट में से कट कर देंगे मतलब बताऊंगा क्या है लेकिन एक्ट में क्या लिखा सुनो पहले एक बार कि अगर तुमने तीन साल के अंदर नए घर को बेचा तो देखना क्या बैंड बजाएंगे तुम्हारी ये जो तुमको एग्जामेशन दिया है ना हमने ये एग्जाम्पन तुम्हारे नए घर की कॉस्ट में से काट देंगे सी इसका मतलब क्या लू इधर मैंने करके बताया ये देखो पहले मैं ऊपर वाला जो है ना इसको मैं रॉन्ग कर देता हूँ ये रॉन्ग है राइट वाली चीज देखो मैंने नीचे की है नीचे वाली वर्किंग देखो अपने आप समझ जाएगा ये देखो कंपटेशन कैपिटल अगेंस्ट क्या लिखा ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस अब देखो अपने नया घर कितने बेचे थे फोर्टी टू लैक्स में फिर बाद में जब उसकी मैं कॉस्ट माइनस कर रहा हूँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ जो घर का कॉस्ट है ना वो ही रिड्यूस कर देंगे सी ऊपर मैंने क्या किया था घर की पूरी पूरी कॉस्ट माइनस की थी जिसको मैं रॉन्ग बोला ना रॉन्ग वाले में क्या किया था घर का फुल थर्टी टू लैक्स कॉस्ट माइनस किया था लेकिन एक्ट में क्या बोला है हम घर के कॉस्ट को ही काट डालेंगे क्योंकि इस घर ने गद्दारी की है क्या गद्दारी की इसको बोला था कि तीन सालों में मत मत बिकना मत बिकना मत बिकना बिक भी गया तो सिंस वो घर ने गद्दारी की है तो घर की कॉस्ट को ही काट डालो और घर का कॉस्ट था कितना ये देख थर्टी टू लैक्स था ना और उसको कितना काटेंगे उतना काटो जितना तुमने धोखे से एग्जामेशन लिया था और ये देखो कॉस्ट कटेगी तो आंसू निकलेंगे क्यों क्यों कॉस्ट छोटा हो गया तो अपना गेन बड़ा आएगा ये देखो अपना चेक करके देखो मेरा कहाँ थर्टी टू लैक्स का कॉस्ट था लेकिन मेरी कॉस्ट कट पिट के कितनी हो गई ग्यारह लाख फोर्टी फोर थाउजेंड वन एटी सिक्स तो मेरा कॉस्ट छोटा हो गया तो कैपिटल गेन बढ़ा है ना लेकिन सी ऊपर जो मैंने सॉल्व किया था उधर भी आंसर तो सेम ही आ रहा है लेकिन सेम नहीं है ऊपर देखो दस लाख शॉर्ट टर्म था लेकिन वो बीस लाख फिफ्टी फाइव को लॉन्ग ही रखा था क्योंकि अपने को लॉन्ग वाला एग्जाम्शन मिला था ना लेकिन इधर तो मैं कॉस्ट में से कट कर दिया और कॉस्ट में से कट कर दिया तो रिजल्टिंग गेन तो शॉर्ट टर्म ही है मतलब पूरा शॉर्ट टर्म हो गया और ये रिजल्टिंग है शॉर्ट टर्म क्यों है क्योंकि मेरे इस सम में क्या था कि हमने नए घर को जल्दी जल्दी बेच दिया नया घर लिया था एग्जाम्सन मिल गया और उसको फटफट बेच दिया शॉर्ट पीरियड में बेच दिया था और शॉर्ट पीरियड में बेचा तो शॉर्ट टर्म गेन है तो पूरा शॉर्ट टर्म गेन आ गया मतलब उस चक्कर में क्या हो गया कि अपना जो पहले लॉन्ग की तरह जो माफा गया था ना वो भी शॉर्ट बन गया क्योंकि अपने पुराने एग्जामेशन को कॉस्ट में से कट किए ना और कॉस्ट में से कट किया तो अपने आप जो आंसर बड़ा हो है वो शॉर्ट टर्म की तरह आया था ओके अब से इसके पीछे डीप गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम लोग खाली अभी रिविजन लेक्चर है तो खाली इतना समझ लो कि अगर हमने नए घर को बेचा ना तो ये मत करना ऐसा क्या करोगे नए घर को बेचने की जो कंपटीशन होगी ना उसमें कॉस्ट को ही कम कर देना ओके okay. कितने से कम करोगे जितना तुमने एग्जामेशन लिया था उतने से कॉस्ट को कम कर दो ओके okay. लेकिन सी सुनो 54 वाले ना अपने सिलेबस में और भी सेक्शन है ये देखो अभी तो 54 चल रहा है लुक फिर इसके बाद 54 बी आएगा सुनना मैं काम की बात बोल रहा हूँ अभी 54 चल रहा है फिर 54 बी आएगा 54 डी आएगा 54 ई सी फिफ्टी एफ ऐसे पांच 54 वाले सेक्शन सिलेबस में लेकिन सी इन पांचों में से कोई कोई सेक्शन में अपने को यह मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसको मैंने रॉन्ग बोला था ये जो ऊपर जिसको रॉन्ग बोला था ना वो वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कोई कोई सेक्शन में हाँ अभी कौन सा सेक्शन चल रहा है प्लेन 54 54 वाले में तो ये रॉन्ग है इसमें तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा लेकिन और भी 54 है टोटल पांच 54 वाले सेक्शन है से, ओके तो सी उसके लिए टेक्निक बता रहा हूं तुम लोग को इतना तो नॉलेज होगा ही रिविजन लेक्चर है तो हर 54 में क्या होता है कुछ बेच के खरीदना है कुछ बेच के खरीदना है जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है घर बेच के घर ले रहे हैं ना तो किसी और सेक्शन में कुछ और बेच के कुछ और लेंगे लेकिन हर एक में क्या कुछ बेच के खरीदना है और सब में एक रूल कॉमन है कि नई चीज़ जो आपने लिए तीन साल तक मत बेचो तीन साल तक मत बेचो और अगर बेचा तो हर सेक्शन में ना ऐसा ही बोला है कि अगर तुमने नई चीज़ को बेचा तो वो चीज़ को कॉस्ट का एक उस चीज़ का कॉस्ट ही कम कर देंगे ना लेकिन कोई कोई सेक्शन में गवर्नमेंट ये मेथड बता रही है और पता है कहाँ है जिन जिन सेक्शन में डिफरेंट एसेट्स है जैसे इधर क्या है घर बेच के घर ही लिया ना तो एसेट डिफरेंट है कि सेम है सेम नेचर है और आगे कोई कोई सेक्शन में क्या होगा बेचा कुछ और था खरीदा कुछ और है तो वैसे भी सेक्शन आएंगे अरे टोटल पांच फिफ्टी फोर वाले सेक्शन है इस सेक्शन में क्या था बेचा घर खरीदा भी घर तो चीज अलग है कि सेम है सेम है तो वैसा जिन जिन सेक्शन में सेम एसेट होता है ना उसमें ये वाला अप्रोच फॉलो करो कौन सा अप्रोच कि अगर उस नई चीज़ को तीन साल में बेचे तो उसकी कॉस्ट कोई काट डालो तो ये नीचे वाली अप्रोच कहाँ फॉलो करोगे जहाँ जहाँ एसेट सेम है जैसे सी आगे एक सेक्शन आएगा उसमें एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड लूँगा फिर एक सेक्शन में आएगा फैक्ट्री का कैपिटल गेन आने के बाद फैक्ट्री खरीद रहे तो मतलब जहाँ जहाँ सेम एसेट्स होंगे ना मतलब जो बेचा और जो खरीदा वो सेम है उधर अपने को ये अप्रोच फॉलो करना है कौन सा कॉस्ट को रिड्यूस कर दो लेकिन कुछ सेक्शंस प्रिसाइसली बताओ दो सेक्शन तुम लोग के सिलेबस में ऐसे है ना जिसमें हमने बेचा कुछ और है खरीदा कुछ और है जैसे तुम लोगों को पता होगा फिफ्टी फोर ई अगर सुना है फिफ्टी फोर ई में क्या होता है हम लोग बेचते इमुवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बॉन्ड से तो उधर डिफरेंट एसेट हो गया ना और जहां जहां डिफरेंट एसेट है उधर अपने को ये ऊपर वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा जिसको फिलहाल मैंने रॉन्ग दे दिया था और बताओ तो दोनों मेथड में फर्क क्या है ऊपर वाले मेथड में क्या कॉस्ट को नहीं छेड़ते वो कॉस्ट को पूरी पूरी माइनस कर देते और एग्जें्पन विड्रॉन का अलग से नोट लिख दो मैंने नोट नहीं लिखा मैंने इधर ऐड करके बताया ना लेकिन व्हाट यू शुड डू एग्जामेशन विड्रॉन का नोट लिख दो मतलब पहले कंप्यूटेशन कर देना ओके अरे खाली फर्क है दूसरे सेक्शन में क्या घर के भले कोई और चीज़ होगी ना लेकिन ये इसके थ्रू समझ लो पूरे फिफ्टी की कहानी तो क्या बोला पूरा कंपटीशन कर लो फिर एग्जामेशन विड्रॉन की नोट लिख देना ऐसा कब करोगे जिन जिन सेक्शंस में डिफरेंट एसेड होंगे और जहाँ सेम ही एसेट है कि घर बेच के घर ही लिया था फिर वो नए घर को हमने गद्दारी की तीन साल में बेचने की तो उसमें ये वाला मेथड यूज़ करना है और इस मेथड में क्या है अपना जो पहले का एग्जेपन कॉस्ट बेसिक कम हो जाता है ओके तो ये मैं इसको पता है दोनों मेथड को नाम दिया हूँ इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट अप्रोच कॉस्ट ही रिड्यूस कर दो और इसका मैंने नाम रखा है फुल कॉस्ट अप्रोच मतलब कॉस्ट को पूरी माइनस करो और एग्जामेशन विड्रॉन की नोट डाल दो तो ये क्या बात चल रही है देखो बात यहाँ से चालू हुई थी मैं फिफ्टी फोर ही पढ़ रहा हूँ अभी तो क्या बात हुई थी नए घर को तीन साल तक नहीं बेच सकते ये लॉक इन पीरियड है और अगर तीन साल में बेचा तो वो घर को बेचने का जो कंप्यूटेशन होगा उसमें कॉस्ट ही कट जाएगा और ऐसा हर सेक्शन में करना जिधर जिधर एसेट सेम है लेकिन जहां ऐसे डिफरेंट है उधर कॉस्ट को रिड्यूस मत करना कॉस्ट पूरा माइनस करना एग्जेपन विड्रॉन की नोट डाल देना ओके तो ये 54 अपना खत्म हो गया लेकिन सी 54 में कुछ कुछ पॉइंट बाकी है देखो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जाम्पन मिलता है 54 का एग्जेपन इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इट इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म मतलब जो पुराना घर बेच के मैंने नया घर लिया ना तो मेरा पुराना वाला घर लॉन्ग टर्म होना चाहिए तो ही एग्जेम्पन मिलेगा और एक पॉइंट था ये एग्जामेशन इंडिविजुअल एच यू लोग के लिए क्योंकि घर वर चेंज करना कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म की रिक्वायरमेंट थोड़ी है इट इज फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ इन शॉर्ट सी मैंने तुमको अभी जो सेक्शन पढ़ा ना उसमें कुल बच्चों को आठ पॉइंट याद रखना है जितने भी 54 फोर है टोटल 554 वाले सेक्शन है हर सेक्शन में गिन के आठ पॉइंट याद होने चाहिए तो देखो ये अपना चेकलिस्ट है चेक करते आठ पॉइंट याद हुए कि नहीं आठ गिनोगे से ये देखो ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट है ये चौथा पॉइंट है ये पांचवा ये छठा ये सातवा और ये आठवा। तो आठ पॉइंट याद हो गया मतलब फिफ्टी फोर हो गया मतलब मान लो कभी एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आ गया थियरी तो पूछते नहीं लोग बट ऐसी जो थियरी पूछा तो आठ पॉइंट लिख के आने का ऐसा पूछते नहीं लेकिन पुराने जमाने ये भी पूछते थे फिफ्टी फोर के एग्जामिशन की थियोरी लिखो तो आठ पॉइंट लेकिन आजकल ये थियरी ऐसा नहीं आता है सम्स में नॉलेज काम आता है लेकिन याद तो करना पड़े ना आठ पॉइंट तो पहला पॉइंट क्या था लॉन्ग टर्म को मिलेगा फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट सेक्शन क्या है और लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सेक्शन 54 है फिर दूसरा पॉइंट क्या है बेचना क्या है रेसिडेंशियल हाउस फिर खरीदना क्या है रेसिडेंशियल हाउस फिर टाइम लिमिट वन बिफोर टू आफ्टर थ्री आफ्टर मतलब ये देखो या तो वन बिफोर या टू आफ्टर या थ्री आफ्टर ये टाइम लिमिट था वन बिफोर टू आफ्टर थ्री आफ्टर फिर स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम मतलब ये हर सेक्शन में सेम है और स्कीम ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या होता है दे देखो अगर हम ड्यू डेट तक घर नहीं खरीद पा रहे हैं फ्यूचर में बाद में खरीदने का प्लान है तो पहले डिपॉजिट करो एंड फिर डिपॉजिट करने वालों मस्ती मत करना ये देखो मस्ती किया तो एग्जें्शन विड्रॉ हो जाता है तो ये स्कीम ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं और सेम लिखा मतलब ये तो हर सेक्शन में सेम है फिर अमाउंट ऑफ एग्जैम्पन एग्जैम्पन का अमाउंट देखो ना मैंने क्या बताया था पढ़ो क्या लिखा था अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या फिर फिर सी एन ए सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज लोअर और ये ऐसा ही एग्जैम्शन का फॉर्मूला हर सेक्शन में लागू होता है ये देखो तो सेम लिखा है ना मतलब जितने भी फिफ्टी फोर वाले सेक्शन है सब में एग्जेम्पन का अमाउंट इज द सेम फिर लॉक इन पीरियड थ्री ईयर्स ओके एंड फिर एलिजिबल अस एस इंडिविजुअल एंड एच यू एफ तो अपना 54 का सेक्शन खत्म हो गया फिर सुनो दूसरा सेक्शन है ना डिटो है।, है? घर बेच के घर लेने के बदले खेत बेच के खेत लेना है इट इज अबाउट एग्रीकल्चरल लैंड हाउस का था अगला सेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड का है और अगला सेक्शन है फिफ्टी फोर बी देखो इसका मैं तुमको ये ड्राइंग से बता दो ये लुक वेट 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 अगला सेक्शन है फिफ्टी फोर बी है लेकिन ये सेक्शन चालू करने के पहले तुमको अमेंडमेंट बताना बाकी रह गया है फिफ्टी फोर बी पे मैं जाता हूँ मैं वापस रिवाइंड कर रहा हूँ आई एम गोइंग बैक टू फिफ्टी फोर वाला सेक्शन वो घर वाले सेक्शन मैंने क्या बताया था घर बेच के नया घर ले तो एग्जाम मिलता है ना तो देखो ये ट्राई करो ये ट्राई करो अच्छा पॉइंट आएगा देखो मान लो मैंने घर बेचा है मैं वापस 54 की बात कर रहा हूँ 70 करोड़ रोज़ में बेचा है और उसका इंडेक्स कॉस्ट चालीस करोड़ है और मुझे तीस करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है एंड फिर बाद में मैंने नया घर अठारह करोड़ का लिया है ये देखो सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट तो अपने क्या करते फॉर्मूला कैसे लगाते बताओ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स और सी एन ए स्लैश डिपॉजिट सिर्फ डिपॉजिट लिख के काट दिया है क्योंकि ये बंदे ने डिपॉजिट नहीं किया डिपॉजिट तो कौन करता है जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद लेता है और मैंने अज्यूम किया कि इसने तो नया घर ड्यू डेट ऑफ फाइल रिटर्न के पहले ही ले लिया तो उसका कॉस्ट ही इधर आ गया तो दोनों में से विचर इज लेस क्या आता है अठारह लाख तो अपने अठारह लाख इधर माइनस करें सोचेंगे ना लेकिन गलत हो जाएगा अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है नए घर की कॉस्ट मतलब ये दस करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती है फिक्स रूल है दस करोड़ दस करोड़ से ज्यादा एग्जेपन नहीं मिल सकता है लेटेस्ट अमेंडमेंट है मे ट्वेंटी और नवंबर 24 के बच्चों के लिए नया रूल क्या है कि 54 में हम लोग जो नया घर लेते हैं ना उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम 10 करोड़ तक ही चलेगा ये देखो मैंने लिखा हुआ है पढ़ो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस कैन बी टू करोड़ सॉरी टेन करोड़ और पता है ये लिमिट क्यों डाले क्योंकि पता है कितने अमीर लोग हैं ना बड़े बड़े बंगला बेचते हैं अपना इतना बड़ा बंगला बेचा है उनको तो क्या तीस पच्चीस पच्चीस करोड़ का प्रॉफिट होता है अरे कोई अमीर अमीरजादे ने अपना बंगला बेचा होगा तो उसको तो करोड़ों में प्रॉफ़िट हुआ होगा एंड फिर बाद में वो प्रॉफिट को नए घर में इन्वेस्ट कर देता है तो पूरा एग्जेप हो जाता है और अमीर लोग पूरा एग्जेप्शन ले लेते हैं ना गवर्नमेंट को दर्द होता है चलो मिडिल क्लास आदमी को एग्जेम्पन दिया तो गवर्नमेंट को अच्छा भी लगता है लेकिन अमीरों को एग्जैम्पन दे दिया मतलब उनको टैक्स से छुट्टी मिल गई तो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है इससे खास अमीर लोग के लिए क्या बोला अमीर तुम्हारा एग्जामिशन दस करोड़ में अटक जाएगा अमीर क्यों बोला क्योंकि अमीर आदमी इतना महंगा घर लेगा ना यार एक मिडिल क्लास आदमी कितना लेगा एक करोड़ का घर लेगा दो करोड़ का उससे ज्यादा क्या सो देर इज अ लिमिट मैक्सिमम टेन करोड़ तो ये देखो मेरे आंसर में चेंज क्या होगा ये जो मैंने एटीन करोड़ लिखा था इधर देखो ये कट कर रहा हूं देख मैं काट रहा हूं वो गलत हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा टेन करोर्स तो मेरा एग्जामेशन कितना हो जाएगा टेन करोर्स का अरे फिर विचर इज लेस क्या हो गया दस करोड़ मतलब घर की कॉस्ट को ही रेस्ट्रिक कर दो तुमको चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं तीन अमाउंट डाल दो कैपिटल गेन कॉस्ट ऑन न्यू एसेट और दस करोड़ को फॉर्मूला में घुसेड़ दो फिर तीनों में से विचर इज लोअर ओके okay? तो ये देखो मैंने तो क्या किया कॉस्ट को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फिर इन दोनों में से लोअर क्या है टेन करोर्स तो टेन क्रोस माइनस क्या तो ट्वेंटी क्रोस इज आंसर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है ओके याद रखना इन लोग ऐसा सब पॉइंट तो एग्जाम में पूछते ही में, टेम में तो खास करके तो ये 54 खत्म हो गया फिर सुनो अगला सेक्शन है 54 बी ये देखो इधर इट इज फॉर एग्रीकल्चर लैंड लुक एग्रीकल्चर लैंड अगर अपना रूरल एरिया में होता है ना तो मैंने पता है मिसिस जीएस में बताया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया उसको तो हम लोग कैपिटल एसेट ही ट्रीट नहीं करते और उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं होता ऐसे भी नहीं कि कंप्यूट कर लो फिर माफ़ करो कंप्यूट ही नहीं होता है क्योंकि इसको हम लोग कैपिटल एसेट ही नहीं ट्रीट करते तो इसमें कैपिटल गेंस भी नहीं आता है लेकिन वो रूरल हुआ तो ना मान लो अगर किसी का खेत अर्बन एरिया में ये देखो तो मैंने गोल करके बना नहीं मैंने खेत की ड्राइंग की है अगर किसी का खेत अर्बन एरिया में है तो वो बेचने में तो कैपिटल गेन आता है ये देखो मैंने कैपिटल गेन कंप्यूट भी किया है और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है लेकिन बाद में ये कैपिटल गेन एग्जेंट हो जाएगा अगर मैं नया घर खेत परचेस करता हूँ तो नया खेत परचेस करना है और जैसे फिफ्टी में क्या था घर बेच के नया घर ले लें इधर खेत बेच के नया खेत ले लें एंड फिर अगर नया खेत लेते हो तो वो नया खेत चाहे रूरल एरिया में हो अर्बन एरिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता नया खेत लेना है क्योंकि नया खेत में परचेस कर रहा हूँ ना परचेस करना तो एक कंडीशन है तो कहीं भी परचेस करो चलेगा लेकिन जिस खेत को बेचा है वो रूरल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अगर रूरल हुआ तो तो कैपिटल गेन आता ही नहीं है और अपने को 54 वाले सेक्शन में क्या है ऐसा माहौल बनाना है कैपिटल गेन कंप्यूट हो रहा है फिर ये देखो पीछे से पीछे से मतलब लास्ट में नीचे से एग्जेपन मिलेगा लेकिन पहले कंप्यूटेशन होनी चाहिए और कंप्यूटेशन तो अर्बन खेत में ही होती है ना इसमें तो कंप्यूटेशन ही नहीं होती है ये तो ऐसे ही जड़ से ही माफ है ओके तो इन शॉर्ट इधर याद क्या करना है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचो तो उसका एक बार कैपिटल गेन कंप्यूट होता है फिर बाद में एग्जेम्पन मिलेगा प्रोवाइडेड नया खेत परचेस किया है वेदर इन अर्बन एरिया और रूरल एरिया और इधर भी फॉर्मूला सेम है कैपिटल गेन जो इधर अपना कैलकुलेट किया वो और नए खेत की कॉस्ट विच एर इज लेस और अगर ड्यू डेट तक तुमने नया खेत नहीं लिया तो डिपॉजिट किया होगा डिपॉजिट अमाउंट अरे सब सेम है लेकिन पता है इसका लॉजिक क्या है फिफ्टी फोर का सेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों खोला था लोगों को घर चेंज करने में हेल्प करना था हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में घर चेंज करना पड़ता है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला चलो तुम लोग बिंदास अपना घर चेंज करो हमारा टैक्स आपको लड़ेगा नहीं हम टैक्स की छुट्टी दे देंगे घर चेंज करने वालों को क्योंकि घर चेंज करना ज़रूरी है ना वैसे ही खेती की लाइन में खेत चेंज करना भी ज़रूरी होता है यू नो जो खेती की लाइन में ना उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम तो है एक किसान पूरे एक्साइटमेंट में खेत तो खरीदता है एक किसान पूरे एक्साइटमेंट में खेत तो खरीदता है लेकिन पता चला खेत अनप्रोडक्टिव है लैंड इज़ नॉट फर्टाइल उसमें फसल ही नहीं उग रही है उसने बड़े जोश में खेत लिया था एक खेत लूंगा मस्त मेहनत से खेती करूंगा फसल उगेगी लेकिन कभी कभी ज़मीन ही अनप्रोडक्टिव होती है लैंड इज़ नॉट फर्टाइल उसमें फसल ही नहीं उग रही है तो बेचारा किसान फ्रस्ट्रेड हो गया तो ऐसे में क्या करेगा वो खेत को उसको बदलना पड़ेगा और ऐसा उनके साथ अक्सर होता है क्योंकि इसी लैंड को देख के थोड़ी मान पड़ेगा उसमें फसल उगेगी नहीं वो तो क्या अपने को एग्रीकल्चर ट्राई करके देखना पड़ता है ट्राई करके ही मालूम पड़ता है और कई बार ऐसा होता है ना हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ लैंड ऐसा आता है जो अनप्रोडक्टिव होता है लेकिन वो अनप्रोडक्टिव लैंड पे किसान कितना सिर पीटेगा इधर ऐसा तो नहीं बोल सकते ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड क्या ट्राई एंड ट्राई अगर लैंड ही अनप्रोडक्टिव है तो फसल उगेगी नहीं तो त् बेचारे किसानों को क्या करना पड़ता है अपना खेत बदलना पड़ता है और खेत बदलने में गवर्नमेंट ने बोला है टेंशन मत लो हम तुम्हारे साथ हैं तभी तो सेक्शन खोला है फिफ्टी फोर भी कि किसानों हमको पता है तुम लोगों की जिंदगी में कॉमन समस्या है कि कभी कभी अनप्रोडक्टिव खेत आता है फिर तुम लोग फ्रस्ट्रेड हो उसको चेंज करते हो और उसमें चेंज करने में टैक्स की तकलीफ आ गई तो और तकलीफ हो जाएगी टैक्स की तकलीफ मतलब खेत चेंज करना मतलब पुराने को तो बेचना पड़ेगा और बेचने का टैक्स आ गया तो और तकलीफ बेचारा किसान और फ्रस्ट्रेटेड है इससे गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया किसानों ओ किसानों तुम लोग तुम्हारा खेत भी भी चेंज करोगे ना बेफिक्र होके चेंज करो हमारा टैक्स तुमको तकलीफ नहीं देगा इसलिए ये सेक्शन खोला है ये देखो फिफ्टी फोर बी था ना बी फॉर बंजर जमीन बंजर जमीन का मतलब क्या होता है लैंड अनप्रोडक्टिव है अरे जिस जमीन पे खेती नहीं हो पाती ना फसल नहीं उगती उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बंजर जमीन इंग्लिश में बात करना है तो बैरन लैंड बैरन लैंड, लैंड बंजर जमीन अनप्रोडक्टिव लैंड नॉट फर्टाइल सब एक ही बात है ये तो मैं बी से कुछ बनाना चाह रहा था बी फॉर बंजर जमीन बैरन लैंड ओके लेकिन सी इसमें एक शर्त है हा? जिस खेत को तुमने बेचा था स्क्रीन पर देखो जिस खेत को तुमने बेचा वहां कम से कम तुमने दो साल खेती की हुई होनी चाहिए या तूने खेती की हुई होनी चाहिए या तेरे मम्मी पापा ने कम से कम दो साल खेती किया हुआ रहना चाहिए क्योंकि सी अगर तूने दो साल खेती की है तब जाके बोल सकता है तो फालतू लैंड है सी आज हम लोग एग्जेंशन के लिए काबिल क्यों बन रहे क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि बेचारे को अनप्रोडक्टिव लैंड मिल गया होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा लेकिन लैंड का प्रोडक्टिविटी जज करने के लिए दो साल तो खेती कर इससे गवर्नमेंट ने बोला दो साल खेती किया हुआ है ना तो हमको भी लगेगा यार दो साल से बेचारा खेती कर रहा है खेत फसल ही नहीं उग रही है सी फसल उग रही होती तो बेचता क्यों इसलिए दो साल खेती करना चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं कि फालतू लैंड है मेरा ओके तो डेल मी अगर ये वाला खेत है इसको खरीदे हुए पांच छह महीने हुए नहीं और पांच छह महीने बोल रहा नहीं मजा नहीं है इस खेत में मजा नहीं मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो एग्जेपन नहीं मिलेगा पांच छह महीने में तूने खेत के परफॉर्मेंस को जज कैसे कर लिया कम से कम दो साल खेती किया हुआ होना चाहिए अब खेती अगर तूने नहीं की है तो तेरे माँ बाप ने किए तो भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट टू ईयर्स खेती होना चाहिए और पता है एटलीस्ट टू ईयर्स खेती करेंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म ही हो जाएगा अरे दो साल के बाद तो लॉन्ग टर्म हो जाता ना लेकिन इधर एक्ट में मिस्टेक है कानून में क्या लिखा है हम शॉर्ट लॉन्ग दोनों को एग्जेपन देंगे अरे गड़बड़ है कानून में एक तरफ कानून क्या बोलता है कि जिस खेत को आपने बेचा हुआ कम से कम दो साल खेती हुआ होना चाहिए तो सोचो दो साल खेती कर लिया फिर बेचा तो दो साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग ही हो जाता है ना लेकिन इधर कानून में मिस्टेक है इन लोगों ने क्या लिखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को एग्जाम मिलेगा लेकिन जाने दो अभी अपने को कानून बदलने का टाइम नहीं अपने को तो अभी पढ़ाई का भी टाइम नहीं है ज्यादा रिविजन कर रहे तुम लोग खाली इसको मैकेनिकली रटो कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों को एग्जाम मिलेगा बट चिंता मत करो सम बनाएंगे ना इन लोग सम बनाते टाइम इन लोग उसको लॉन्ग जैसा ही बनाएंगे क्योंकि एग्जाम्शन की कंडीशन है कम से कम दो साल खेती किया हुआ रहना चाहिए फिर ये देखो ये नया खेत कितने टाइम में लेना है तो उसके लिए देखो रूल क्या है हो सके तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले ही ले, ले। लेकिन अगर तुझे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक इतना जल्दी जल्दी नया खेत नहीं ले पा रहा है ना तो तू बाद में भी ले सकता है लेकिन पहले डिपॉजिट करके रख दो और बाद में मतलब कब टोटल टाइम क्या है टू ईयर्स और ये टू ईयर्स कहा से क्या ट्रांसफर डेट से और ट्रांसफर डेट मतलब जिस दिन अपने पुराना वाला खेत बेचे ना वहाँ से विद इन टू ईयर्स नया खेत आ जाना चाहिए ओके लेकिन एक किसके लिए जिन लोग ने डिपॉजिट किया है सी अगर ड्यू डेट के पहले ही में नया खेत ले लेता हूँ तो तो बात ही खत्म हो गया ना ये बाद में लेना है तो पहले डिपॉजिट कर दो अरे ऐसा तो 54 में भी था हर सेक्शन में रूल क्या है ड्यू डेट तक खरीद के ख़त्म हो गया तो बात ही खत्म लेकिन ड्यू डेट के बाद लेगा तो पहले डिपॉजिट करो और बाद में कब लेना है वो टाइम डिफर करता है जैसे इधर बाद में कब टू इयर्स तक लेकिन गिनती यहां से हो गया और फिफ्टी फोर में क्या था उधर भी टू इयर्स ही था लेकिन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो थ्री इयर्स खैर उसमें तो एडवांस में खरीदा हुआ भी चलता था लेकिन ये इतना ये वन टू थ्री जो लिखा था ना ये 54 फोर बी में सिंपल हिसाब है दो साल में लेना है बस ये देखो दो साल ओके okay. और ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मैंने थर्टी फर्स्ट जुलाई बार बार दिखा रहा हूँ ना वो ऐसे ही मेरा एग्जाम्पल है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर भी होती है कोई कोई लोग के तो वो देख के करना पड़ता है तो ये फिफ्टी फोर बी हो गया फिर सुनो जैसे ही कोई सेक्शन होता है ना मैं तुमको एक चेकलिस्ट बताऊंगा हर सेक्शन में ना अपने को चेक करने का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पॉइंट होने चाहिए तो चेक करो आठों पॉइंट हुए कि आपने ये देखो ये देखो पहला पॉइंट क्या था ये सेक्शन फिफ्टी फोर भी है शॉर्ट के लिए के लॉन्ग के लिए दोनों के लिए दोनों के लिए लेकिन इधर मैंने बताया कानून में कुछ मिस्टेक है जाने दो शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए फिर बेचना क्या है एग्रीकल्चर लैंड ब रूरल नहीं है रूरल बेचोगे तो कैपिटल गेन आता ही नहीं है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जहां कम से कम दो साल खेती हुई हो और खरीदना क्या है एग्रीकल्चर लैंड वो तो अर्बन रूरल कहीं पर भी खरीदो खरीदने वाला लैंड तो कहीं पर भी हो सकता है तो जो भी है खेत बेच के खेत लेना है और टाइम लिमिट टू इयर्स आफ्टर ये टू ए का मतलब क्या टू आफ्टर मतलब जब भी ट्रांसफ़र किया ना पुराने खेत को वहां से दो साल में आफ्टर वर्ड्स टाइम है और स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम वही ड्यू डेट तक खेत नहीं लिया तो डिपॉजिट कर दो फिर अमाउंट ऑफ एग्जें्शन भी सेम सेम मतलब वही कैपिटल गेन अमाउंट या फिर सी एन ए स्लैश डिपॉजिट विचर इज लेस सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट फिर लॉक इन पीरियड थ्री ईयर्स नए खेत को तीन साल तक मत बेचना और एलिजिबल सेम इंडिविजुअल तो अपना फिफ्टी फोर बी खत्म हो गया फिर अगला सेक्शन सुनो फिफ्टी फोर बी के बाद आता है फिफ्टी फोर डी ये दो फिफ्टी फोर डी इज फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन मैं आगे पढ़ो उसके पहले दिमाग बिठाना ये सेक्शन कंपलसरी एक्विजिशन के लिए ही बना है अब सुनो कभी भी गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी का छीना झपटी करती है तो उसमें पर कैपिटल गेन आता है ना कंपल्सरी इक्वेशन में भी कैपिटल गेन तो आता है ना लेकिन फर्क इतना है इधर अपने को सेलिंग प्राइस नहीं कॉम्पेंसेशन दिया होता है कॉम्पेंसेशन की मदद से हम लोग कैपिटल गेंस निकालते हैं बेचते तो सेल प्राइस होता है इधर कॉम्पेंसेशन होगा लेकिन आता है ना लेकिन सुनो इसमें एक रूल है अगर किसी की फैक्ट्री का छीना झपटी हुआ है ना फैक्ट्री का तो उसका कैपिटल गेन एक्जेंट हो जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन का कैपिटल गेन ऐसे टैक्सेबल होता है लेकिन अगर किसी की फैक्ट्री क्या बोला फैक्ट्री का छीना जप्टी हुआ है और उसमें अपने को गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन मिला है तो एक बार तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन बाद में पीछे से अपने को एग्जाम्पन मिल जाएगा फॉर्मूला वही है एग्जेम्पन अंडर सेक्शन 54 डी देखो कैसा दिखा है कैपिटल गेन्स या फिर सी एन एस टैक्स डिपोजिट विच इज लेस लेकिन इधर शर्त क्या है एक नई फैक्ट्री परचेस करनी पड़ेगी मतलब तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री का छीना जब हुआ है तो नया फैक्ट्री ले लो तो तुमको एग्जाम्पन मिल जाएगा ओके अब ये एग्जाम्पन देने के पीछे लॉजिक क्या मालूम है क्योंकि सी गवर्नमेंट को इधर दया आ रही है किस बात की दया मतलब मालूम है कंपल्सरी एक्विजिशन की नहीं अरे कंपल्सरी एक्विजिशन की दया होती है ना तो उस पर कभी कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं होता लेकिन कंपल्सरी एक्विजन का भी कैपिटल गेन तो आता है ना तो गवर्नमेंट को इधर छीना झपटी की उसकी दया नहीं है दया किस बात की और मैं छीना झपटी हुई तो हुई किसी की रोजी रोटी के साथ हुई ये देख फैक्ट्री मतलब ये किसी की रोजी रोटी है सोच ये मेरी फैक्ट्री थी इधर मैं गुड्स बना बना के बेचता था कमाता था अपने बीवी बच्चों को पालता था मतलब ये मेरा रोजी रोटी का साधन है और ये अगर गवर्नमेंट मुझसे छीन लेगी तो सीधा पेट पे लात मार के गई है तो इस बात का गवर्नमेंट को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि हम ऐसे क्यों गंदे हैं लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है हमारे पास कोई चारा नहीं था तेरी फैक्ट्री ऐसी जगह में थी ना कि उधर हमको फ्लाईओवर बनाना है उधर हमको सीलिंग बनाना है या फिर उधर हमको रेलवे स्टेशन बनाना है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है लेकिन हमें भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि यार तेरी फैक्ट्री छीन ली तो मतलब तेरी रोजी रोटी के साथ छीना जपती हुई है तो ये सोच के गवर्नमेंट ने आउट ऑफ दया क्या बोला चलो कोई बात नहीं आपकी फैक्ट्री छीननी तो पड़ेगी क्योंकि क्या करें हम हमारा वो फ्लाईओवर बनाने का काम रोक तो नहीं सकते लेकिन डोंट वरी आपको जो पैसे मिलेंगे ना आप नई फैक्ट्री ले लो आपका कैपिटल कैपिटेगेन माफ हो जाएगा तो ये दया करके किया है सी इसको कैसे याद रहते सेक्शन क्या था 54 डी डी फोर दादागिरी एंड दया मतलब पहले गवर्नमेंट दादागिरी करती है कि चल तेरी फैक्ट्री ले लेंगे हम छीन लेंगे फिर बाद में बड़ी दया दिखा रही है तो सी दादागिरी और दया दोनों में डी का साउंड आ रहा है ना तो याद कैसे ना फिफ्टी फोर डी डी फोर पहले तो दादागिरी करती है फिर बाद में बड़ी दया दिखा रही है ओके और पता है तुम लोग सोचो कि फैक्ट्री के लिए क्यों सी ऐसे तो रोजी रोटी मेरे लिए कोचिंग क्लास भी है मेरी कोचिंग क्लास भी अगर गवर्नमेंट छीन लेती है तो वो भी मेरे को पेट पे लाद पड़ा ना अरे कोचिंग क्लास का छीना जबती हुआ तो भी मेरी रोजी रोटी छीन ली मेरे लिए रोजी रोटी क्या है मेरी कोचिंग क्लास लेकिन गवर्नमेंट ने कोचिंग क्लास वालों के लिए एग्जाम्शन नहीं रखा है ये खास फैक्ट्री वालों के लिए रखा है क्यों मालूम है क्योंकि अक्सर कंपलसरी एक्विजिशन का शिकार ये फैक्ट्री वाले होते हैं क्यों मालूम है क्योंकि सी लोगों की फैक्ट्री है ना रिमोट एरिया में जो होती है जो मेन शहर होता है ना वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाता जैसे मुंबई में रहने वालों तुमको मालूम है अपनी मेन सिटी में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती नहीं है इधर धुआं करेंगे तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है अक्सर लोगों की फैक्ट्री होती रिमोट एरिया में और रिमोट एरिया मतलब वो सुनसान जगहें होती है और वहाँ गवर्नमेंट को अचानक डेवलपमेंट का भूत चढ़ता है कि चलो वो रिमोट एरिया का डेवलपमेंट करते उधर फ्लाईओवर बनाते रेलवे स्टेशन बनाते ये करते तो वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लेके बैठे ना वो बेचारे कंपल्सरी एक्वेसन के शिकार होते हैं वो सोच के गवर्नमेंट ने किया है सिर्फ मुंबई वाले भी देखेंगे ना मुंबई वाले जितने भी हैं उनकी फैक्ट्री मुंबई की मेन सिटी में नहीं है कोई पालघर में फैक्ट्री खोलेगा को कोई धाणू में और ये सब रिमोट एरियाज है अभी रिमोट एरियाज़ के अभी सुनसान है लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट उसको डेवलप करने का सोचेगी और डेवलपमेंट के प्लान्स में तो कंपल्सरी इक्वेशन होता है तो बेचारे फैक्ट्री वाले शिकार बनते इससे हर फैक्ट्री वालों को बोला है देखो फैक्ट्री वालों तुम लोग फिलहाल रिमोट एरिया में बैठे हो लेकिन कभी भी वहां पर कंपल्सरी एक्वेशन हुआ ना तो बुरा ना मानो तुम उनको कैपिटल गेन माफ कर देंगे अगर तुम सामने नई फैक्ट्री ले लोगे तो तो सी इधर भी सब सेम है खाली चेंज क्या हो गया घर बेच के घर लेना है खेत बेच के खेत लेना है कि फैक्ट्री टू फैक्ट्री फैक्ट्री टू फैक्ट्री लेकिन सी फैक्ट्री बेचना नहीं है फैक्ट्री की छीना जपटी हुई तो बाकी सेक्शन में क्या था बेचा था ना लेकिन इधर फैक्ट्री की छीना जपटी बाद फैक्ट्री लेने का है और सी ये जो मैं फैक्ट्री फैक्ट्री बोल रहा हूँ ना ये मेरा लैंग्वेज है कानून में क्या लिखा हो ना ये देखो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग और कभी भी इंडस्ट्री वर्ड बोलते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब ही मैन्युफैक्चरिंग होता है इनकम टैक्स में इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो ये देखो ये मैंने नीचे लैंड बनाया है और ये बिल्डिंग है और सो तो जिस लैंड एंड बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फैक्ट्री नहीं तो क्या है खाली क्या फैक्ट्री लोकल वर्ड है गवर्नमेंट अपने कानून में फैक्ट्री नहीं लिखती है क्योंकि लोकल वर्ड है ना तो ये दिखने में अलग लग रहा है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बट वो फैक्ट्री ही है ओके और लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कभी कभी है न, ऐसा भी हो सकता है ओपन लैंड भी हो सकता है सी मैंने तो इधर एक ज़मीन के ऊपर ऊपर फैक्ट्री बनाई है ना लेकिन कभी कभी क्या है एक खुली ज़मीन भी होती है अरे खुली जमीन मतलब ओपन लैंड वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी तो ही उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैपनिंग देयर तो अगर कोई ओपन लैंड पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो ओपन लैंड भी गवर्नमेंट ने छीन ली तो भी रूल सेम है मतलब इधर दो टाइप का कंपल्सरी इक्वेशन हो सकता है या तो किसी का खुला खुला जमीन छीन लिया या फिर खुली ज़मीन नहीं थी ऊपर फैक्ट्री बनी हुई थी वो छीना है चलेगा ना बट वो इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा था ओके फिर देखो इसका टाइम लिमिट क्या है तीन साल में नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी अरे नई फैक्ट्री लेनी ना अपने को कितने टाइम में लेनी है तीन साल में देखिए इधर भी रूल वही है हो सके तो ड्यू डेट के पहले नई फैक्ट्री ले लो और ड्यू डेट के पहले ही नई फैक्ट्री आ गई तो बात खत्म लेकिन कोई बोले नहीं 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 हम तो बाद में ही लेने वाले तो अगर बाद में लेना है तो डिपॉजिट करके रखो अभी और डिपॉजिट करके एग्जाम ले लो फिर बाद में ले लेना और बाद में कब तीन साल में और तीन साल गिनना कहां से ये देख रिसीट डेट से जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ ना तभी से सी पिछले सेक्शन में क्या था ट्रांसफर डेट से गिना था लेकिन ये सेक्शन तो एक्टिवेट कब होता है कंपल्सरी एक्विजिशन में ना और कंपल्सरी एक्विजिशन का तो टैक्स ही कब आता है व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द कॉम्पेंसेशन तो अपने को जब कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ होगा ना तभी टैक्स आया होगा तो वहां से इन थ्री ईयर्स नई फैक्ट्री या तो परचेस कर या कंस्ट्रक्ट कर इधर कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तो टाइम अलग नहीं है तो चाहे रेडी फैक्ट्री ले के सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर टाइम सेम है ये तो घर वाले सेक्शन में क्या था रेडी लिया तो दो साल सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो तीन साल इधर तीन साल कॉमन है चाहे तू परचेस कर कंस्ट्रक्ट कर ये देखो तो लिखा है ना लेकिन कहाँ से गिनना है जब अपनी पुरानी फैक्ट्री का छीना जपटी हुआ तब से नहीं उसके जब पैसे मिले तब से रिसीट डेट से काउंट करना पड़े ओके तो ये 54 डी था ओके 54 डी देख के समझ ये फैक्ट्री है फैक्ट्री पे डेप्रीशियशन क्लेम कर दे मालूम है नहीं समझा क्या बोला अरे फैक्ट्री मतलब बिजनेस का एसेट है ना और बिजनेस के तो हर एसेट पे डेप्रीसिएशन आता है और जिन जिन एसेट्स पे डेप्रिशिएशन आता है तो उसमें ये वाला फॉर्मेट थोड़ी चलता है ये तो मैंने ऐसे कैजुअली लिख दिया था लेकिन देखो असली में तो फॉर्मेट ऐसा होगा ये देखो ये देख रहा है कैसे होगा ओपनिंग डब्ल्यू ये फॉर्मेट क्यों आ रहा है आज मैंने बताया था ना कभी भी कोई एसेट में डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं ना तो ऐसा वाला फॉर्मेट नहीं लगता है तो कैसा होगा बताओ चलो बताओ फॉर्मेट पूरा बताओ पहले वो फैक्ट्री का ओपनिंग डब्ल्यू डी लिख देंगे फिर उसका एड परचेज मतलब और कोई दो तीन फैक्ट्री ब्लॉक बनाते हैं ना दस पंद्रह एसेट्स का तो परचेज ऐड करेंगे फिर लेस सेल्स के बोले कॉम्पेंसेशन सी फैक्ट्री बेचते तो सेल रहा है लेकिन इधर बेचा है कि छीना जपटी हुआ छीना जपटी तो कॉम्पेंसेशन लेस हो जाएगा फिर इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म आता है अरे ब्लॉक ऑफ एसेट के सिस्टम में तो कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है तो फिर उसका एग्जेसन लेंगे ऐसे सी एग्जेमशन का फॉर्मूला सेम है कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑन एस एस स्लैश डिपोजिटर इज लेस लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूट करने का मेथड अलग हो जाएगा लेकिन सी सुनो मैंने ये भी तो बोला था ना मैं कभी कभी एक खुली जमीन होती है ना खुली जमीन उसका छीना जबती होता है और खुली जमीन पे डेप्रिसिएशन आता है कि नो डेप्रिसिएशन नो अरे लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं आता बचपन से अकाउंट्स में कहा है लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है कैसा लैंड खुला खुला जमीन ऊपर खुला आसमान तो अगर ओपन लैंड पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसका छीना जपटी हुआ है तो लैंड इज नॉट अ डेप्रिशियेबल एसेट और अगर डेप्रिशियेबल एसेट नहीं है तो ऐसा फॉर्मेट यूज़ करना अरे इन शॉर्ट मैंने देखो ये दो दो वर्किंग क्यों किया उन्होंने डिपेंड करता है अगर एक खुली ज़मीन का छीना जपटी हुआ है तो लैंड इज नॉट अ डेप्रिशियेबल एसेट तो ये फॉर्मेट करेंगे और इस फॉर्मेट में तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी आ सकता है फिर एग्जेबन तो वही एज यूजल लेकिन अगर ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है ना तो फिर ज़मीन का अस्तित्व खत्म हो जाता है फिर उसको बिल्डिंग की नज़र से ही देखते हैं और बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन आता है और इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा था बिल्डिंग पे टेन परसेंट डेप्रिशिएशन आता है और डेप्रिशिएशन आया तो मेरा मेथड ऐसा हो जाएगा इन शॉर्ट है ना फिफ्टी फोर डी का समय तो चेक करना कि खुली जमीन का छीना जब हुआ है कि जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी अगर बिल्डिंग बनी हुई थी तो डेप्रिशियेबल एसेट हो जाएगा अगर खुली जमीन थी तो नॉन डेप्रिशियेबल नॉन डेप्रिशियेबल है तो ऐसा फॉर्मेट डेप्रिशियेबल है तो ऐसा फॉर्मेट बट जैसा भी फॉर्मेट करो लास्ट में एग्जैम्शन का मेथड सेम है कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑन न्यू एसेट स्लैश स्लैस डिपोजिट इज लेस ओके ये देखो मैंने इधर बिल्डिंग क्यों लिखा था ना मैं मतलब बिल्डिंग हुई ना ये लिखा ना बिल्डिंग बिल्डिंग हुई तो डेप्रिशियेबल होता है और अगर वो लैंड है तो नॉन डेप्रिशियेबल ओके सी बिल्डिंग बनती है तो उसको लैंड को इग्नोर करते उसका क्योंकि तो बिल्डिंग हवे में तो नहीं हो सकती ना उसको बिल्डिंग है और इधर लिखा है ना लैंड एंड बिल्डिंग तो ये फिफ्टी फोर डी हो गया फिर सुनो इसके बाद अगला सेक्शन देखना एक से पहले ये दिखा दे दो तुम लोग को मैं कोई भी सेक्शन खत्म होता है ना बच्चों को ये दिखा दो ये देखो चेक कर फिफ्टी डी फिर बेचना क्या है बेचना मतलब ट्रांसफर क्या होगा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आईएनडी का मतलब इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन हाँ इधर भी एक पॉइंट बोला नहीं है ये देखो जो फैक्ट्री का छीना जप्टी हुआ था ना वहां कम से कम तूने दो साल फैक्ट्री चलाई हुई होनी चाहिए कम से कम दो साल फिर ही गवर्नमेंट को दया आएगी अरे दया वाला सेक्शन है ना और दया कब आएगी जब गवर्नमेंट को लगेगा यार बेचारा इधर फैक्ट्री पिछले दो साल से ज़्यादा से चला रहा है तो मतलब बेचारा सेट हो चुका है अब कोई बंदा फैक्ट्री चला के दो साल से ज़्यादा से सेट हो चुका है अब उसकी फैक्ट्री छीन लेंगे तो ज़्यादा हर्ट होगा अरे मतलब जो फैक्ट्री का छीना झपटी हुआ है ना वहाँ कम से कम दो साल तूने फैक्ट्री चलाई हुई होनी चाहिए तो ही गवर्नमेंट तेरे पे दया करके एग्जेप्शन देगी दैट मीन्स तूने ये जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री डाले हुए खाली पाँच छः महीने हुए तो गवर्नमेंट को दया नहीं आएगी गवर्नमेंट बोलेगी पाँच छः महीने ही हुआ है चल निकल ले तेरे को पैसा मिल रहा है दूसरी जगह फैक्ट्री खोल इधर क्यों खोला तूने फैक्ट्री तो गवर्नमेंट एग्जेप्शन नहीं देगी सी ऐसा टू इयर्स वाला पॉइंट पिछले सेक्शन में भी था लेकिन उस दर क्या था एग्रीकल्चर लैंड में कम से कम दो साल खेती किया हुआ होना चाहिए तब लगेगा कि अनप्रोडक्टिव है और इधर दो साल फैक्ट्री चलाया हुआ होना चाहिए तब जाके गवर्नमेंट को दया आएगी कि बंदा सेट हो चुका था तो ये देखो लुक ये था ना जैसे पिछले सेक्शन में था ना कि वो खेत जिसको बेचा तो वहां कम से कम दो साल खेती हुई होनी चाहिए हैदराबाद एस एस और इस पेरेंट्स भी था उधर वैसे इधर भी है इधर जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि फैक्ट्री का छीना जबती हुआ है वहाँ कम से कम दो साल तूने फैक्ट्री चलाया हुआ होना चाहिए और इधर पेरेंट्स ने लिखा है एस ने किया हुआ होना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री में वैसे भी मम्मी पापा लोग नहीं आते इट शुड बी यूज फॉर फैक्ट्री पर्पज बाय द एस फॉर मिनिमम टू ईयर्स एंड फिर उसकी छीना जब्ती होनी चाहिए एंड फिर बाद में नई फैक्ट्री लो ये क्या लिखा आई एन डी मतलब इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग लो तो अपने को एग्जैम्पन मिलेगा और कितने टाइम में लेना टाइम लिमिट थ्री ईयर्स बता थ्री ईयर्स के अंदर लेकिन थ्री ईयर्स कहाँ से क्या रिसीव डेट से जिस दिन कॉम्पेंसेशन रिसीव होना वा वहाँ से तीन साल लेकिन तीन साल का पूरा टाइम को फ़ायदा कौन उठा था डिपॉजिट करने वाले कोई कोई लोग तो ड्यू डेट के पहले फटाक से ले लेते उन लोग के लिए तीन साल बीन साल नहीं है वो तो ड्यू डेट के पहले ही ले लिया लेकिन वो ड्यू डेट के पहले नहीं खरीद रहा है डिपॉजिट कर रहा है तो तीन साल का फुल टाइम है उनके लिए थ्री इयर्स फ्रॉम द रिसीट डेट फिर स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम अमाउंट ऑफ एग्जेम्सन सेम लॉक इन पीरियड सेम अरे वही सेम मतलब हर पिछले सेक्शन के जैसा ही है लेकिन इधर एलिजिबल एस एस ऑल एस है क्योंकि सी फैक्ट्री चलाने वाला तो पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है कंपनी भी हो सकता है तो कंपल्सरी एक्वे एक का शिकार तो कोई भी हो सकता है और ये सबके लिए एग्जेपन है पिछला सेक्शन तो इंडिविजुअल एक्चुअप के लिए था ना लेकिन ऑल फिर सुनो अगला सेक्शन क्या नुम ये देखो 54 डी के बाद ई इधर क्या करना है कोई भी लटका बेचो लटका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इमोबल मतलब या जमीन है या घर है कोई इमोबल चीज बेचनी है और वो लटका होना चाहिए लटका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और इमोबल वाली चीज़ लॉन्ग कब बनती है दो साल से ज़्यादा तक होल्ड किया मतलब लॉन्ग बन जाता है एंड फिर ये देखो मैंने कोई इमोबल प्रॉपर्टी बेची और उसमें मेरा कैपिटल गेन आया मान लो नब्बे लाख तो ये एग्जैम्ड हो जाएगा बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स देर आर सर्टन बॉन्ड्स जिसमें हम लोग पैसा डालेंगे ना तो अपना ये नब्बे लाख का कैपिटल गेन जो आया था ना इमवोबल प्रॉपर्टी बेच के वो एग्जेंट हो जाएगा ओके कौन से बॉन्ड्स पर तो पैसा डालना है बताऊंगा लेकिन ऐसा 54 फोर ई में लिखा है तो 54 फोर ई है ही क्या कुछ भी तूने इमोबल प्रॉपर्टी बेची और वैसे भी इमोबल प्रॉपर्टी में भारी गेंद आता है छोटा मोटा शेयर्स बेच के क्या गेंद कर लेगा लेकिन घर जमीन जैसी प्रॉपर्टी बेचोगे तो जोरदार गेन आता है लेकिन गवर्नमेंट बोलती चिंता ना करो तेरे को जितना भी गेन है गवर्नमेंट माफ करने को तैयार लेकिन शर्त क्या है तुझे जो घर या जमीन बेच के कैपिटल गेन हुआ है वो पैसा तुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कौन से बॉन्ड्स से मानो ये देखो ये सब बॉन्ड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे पहले नाई लिखा नाई मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड फिर पी मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फिर अदर्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट मतलब एक दो तीन चार पाँच चीज़ याद रखनी है पांचवा तो क्या अदर्स एज में भी नोटिफाइड तो इनमें से किसी भी बॉन्ड्स पे पैसा डाला तो क्या होगा अपना इमोबल प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन आया होगा ना और कैपिटल गेन आया मतलब बेचा होगा ना कुछ तो इमोबल प्रॉपर्टी बेच के जो कैपिटल गेन आएगा एग्जेप्ट हो जाएगा तो ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन वन पॉइंट ये इमोवल प्रॉपर्टी के लिए ही है चाहे वो कुछ भी हो बटो इमोबल प्रॉपर्टी होना चाहिए ओके एक जमाने में ना कुछ भी बेचते थे चलता था 54 फोर में कुछ भी बेचते थे चलता था लेकिन आज की तारीख में रूल क्या है कुछ भी नहीं इमोबल प्रॉपर्टी हुआ तो ही एग्जेपन मिलेगा और सुनो मान लो मेरा इमोबल प्रॉपर्टी बेच के गेन हुआ है नाइन्टी लैक्स तो एग्जेम्पन के लिए फॉर्मूला क्या था ये देखो हर सेक्शन की तरह फॉर्मूला इधर भी वही है कैपिटल गेन्स और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज लेस और मान लो मैंने बॉन्ड्स में 80 लाख डाला देख इधर तो जितना मैंने बॉन्ड्स खरीदा उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और अपने परंपरा के अनुसार फॉर्मूला क्या है कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज लेस तो वॉट इज लेस एटी लैक्स लेकिन इस सेक्शन में मैक्सिमम पचास लाख का एग्जेपन मिलता है पचास लाख से ज्यादा एग्जेपन नहीं मिलेगा तो सी इधर फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या आ रहा है 90 और एटी विच एर इज लेस तो एटी और बच्चा इनोसेंटली एटी लैक्स माइनस करके आएगा तो रोंग आ जाएगा इधर लिमिट क्या है मैक्सिमम पचास लाख का एग्जाम्स मिलेगा तो देखो मैंने इधर अस्सी लाख को लिख के कार्ड भी दिया है क्योंकि रॉन्ग है फिफ्टी लैक्स का ही मिलेगा तुम लोग को चाहिए ना फॉर्मूला को ऐसा कर दो कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स और पचास लाख वन टू थ्री विच एर इज लेस क्योंकि 50 लाख ,00 से आधा एग्जाम्स इधर मिलेगा ही नहीं और इन लोग तो जान पूछ के बच्चों को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे 80 लाख का बॉन्ड्स लिया है 90 लाख का लिया है और बच्चा अगर गलती से रॉन्ग कर दिया तो गए ना तो इधर मैक्सिमम 50 लाख ,00 का एग्जामेशन है घर वाले में क्या था मैक्सिमम टेन करोड़ घर में था ना लेटेस्ट अवेंट बता टेन करोड़ वैसे 54 ईसी वाला जो बॉन्ड्स वाला सेक्शन है इधर मैक्सिमम फिफ्टी लैक्स का एग्जेपन है ओके okay? लेकिन सी इधर अपने को नया बॉन्ड्स लेना ना और बॉन्ड्स लेने का एग्जेम्पन गवर्नमेंट क्यों दे रही ताकि लोग बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है इतना ज़्यादा भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें हम डेस्परेट नहीं है हमको थोड़ा टैक्स भी चाहिए इसलिए कोई ज़्यादा जोश में आके दो तीन करोड़ इन्वेस्ट कर देगा ना तो रिलैक्स पचास लाख से ज़्यादा एग्जेपन नहीं मिलेगा लिमिट क्यों डाली है क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स भी तो चाहिए एंड गवर्नमेंट को एट द स्टेड में ये भी चाहिए कि लोग बॉन्ड्स में पैसा डालें बट इतना भी मत डालो कि टैक्स ज़ीरो हो जावे इससे मैक्सिमम फिफ्टी लैक्स का एग्जेम्पन मिलेगा और ये पता है बॉन्ड्स कितने टाइम में लेने छः महीने में इसका टाइम लिमिट चौदह सा है छः महीना अरे अपने हर टाइम कैसे गिन रहे ट्रांसफ़र डेट से मतलब ट्रांसफर डेट मतलब जिस दिन मैंने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा ना वहाँ से विद इन सिक्स मंथ्स में मेरे को बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा विद इन सिक्स मंथ्स क्योंकि इधर बॉन्ड्स लेना है इसमें क्या चॉइस करना है लेना है तो ले नहीं लेना है तो मत ले जो करना है छः महीने में करना पड़ेगा सिक्स मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर डेट टू डेट गिनना है डेट टू डेट और डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब इमोबल प्रॉपर्टी बेचने का डेट वहाँ से छः महीना और इधर डिपॉजिट का स्कीम नहीं है छः महीने के अंदर ही बॉन्ड्स लेना है ना तो डायरेक्टली खरीद लो सी बाकी सेक्शन में क्या दो दो तीन तीन साल का टाइम था तो गवर्नमेंट क्या बोली अगर तू तो दो, दो तीन तीन साल का पूरा लाभ उठाना चाहता है तो भाई डिपॉजिट कर दे अभी लेकिन इधर तो छह महीने के अंदर लेना ना तो देर इज नो नीड टू तो डिपॉजिट इन कैपिटल अगेंस्ट अकाउंट स्कीम तो ये देखो ये सेक्शन के पॉइंट क्या थे ये देखो जैसे ही कोई सेक्शन होता है ना मैं पॉइंटर सिखाता हूं तुमको ये देखो चेक करते हो 54 फोर ई है ए एल लिखा ना एल दिख रहा है एल मतलब लॉन्ग टर्म और था ना क्या बेचना क्या है एनी लटका बींग इमूबल प्रॉपर्टी एनी लटका बींग इमूबल प्रॉपर्टी और खरीदना क्या है बॉन्ड्स और कितने टाइम में छ महीने में खरीदना है और स्कीम ऑफ डिपॉजिट नॉट एप्लीकेबल इधर डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं छह महीना है ना तो डायरेक्टली खरीद लो फिर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पन सेम है सेम मतलब वही वन टू विचर इज लेस कैपिट अगेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विचर इज लेस लेकिन इधर एक पॉइंट था पचास लाख से आधा एग्जेम्पन नहीं मिलेगा तो सेम मतलब वो मेन फॉर्मूला सेम है विचर इज लोअर वाला ओके okay? बट एक पॉइंट है कि फिफ्टी लाख से आधा नहीं मिलेगा और इधर लॉक इन पीरियड पाँच साल है इधर ही एक अलग है बाकी सब में क्या था नए एसेट को तीन साल तक मत बेचना और इधर नए एसेट को पाँच साल तक नहीं बेचना है लॉक इन पीरियड इधर पाँच साल है और पता इधर पाँच साल में बेचा ना एक से इधर नया एसेट क्या है बॉन्ड्स है अरे बॉन्ड्स इज माई न्यू एसेट ना तो इन बॉन्ड्स को अगर पाँच साल में बेचा ना तो कहू क्या होगा सुनो नए बॉन्ड्स को बेचने का जो कैपिटल गेन आएगा ना उसमें कॉस्ट को मत छेड़ना कॉस्ट पूरा ही माइनस करना और एग्जेंशन विड्रॉन की नोट लिखना अरे मैंने बताया था लॉक इन पीरियड कोई तोड़ता है तो उसमें दो मेथड है कभी कभी क्या करते हैं अगर लॉक इन पीरियड में तूने वो चीज़ बेची तो हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं कॉस्ट को ही काट डालते और दूसरा मेथड क्या है कॉस्ट को मत छेड़ो कंप्यूटेशन कर लो और एग्जाम से विड्रॉन की नोट लिख दो तो इधर एग्जाम से मिड्रॉन की नोट लिख दो वाला सिस्टम है क्योंकि इधर ऐसे डिफरेंट है ना ये दिख रहा है मैंने बीच में नॉट इक्वल टू साइन किया है ये मैं क्या हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि बच्चे नोट कर इधर बेचा क्या था इमोबल प्रॉपर्टी खरीदा क्या था बॉन्ड्स सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ सेम एसेट के डिफरेंट एसेट डिफरेंट एसेट और जिधर भी डिफरेंट एसेट होते हैं ना उसमें अगर लॉक इन पीरियड में मस्ती किया मस्ती किया मतलब वो नए चीज को बेच दिया तो अपने कॉस्ट को नहीं छेड़ता है एग्जाम्सन विड्रॉन का नोट लिखते है. लेकिन ये देखो इन तीन सेक्शन में क्या था एसेट डिफरेंट है कि सेम है सेम है और जिधर भी एसेट सेम होते हैं ना उसमें अगर लॉक इन पीरियड वाली मस्ती की मतलब तीन साल में बेचने की जरूरत की तो हम लोग बेचने की कंप्यूटेशन में कॉस्ट को ही कम कर देते ओके फिर देखो लास्ट सेक्शन है फिफ्टी फोर हो गया ना बॉन्ड्स वाला इसके बाद अगला सेक्शन फिफ्टी फोर ये थोड़ा लेंदी सेक्शन है ये देखना, और इंपॉर्टेंट भी है लुकियर अगर हम लोग घर बेच के घर लेते तो 54 में एग्जाम्स मिलता है ना 54 में वही तो था लेकिन लुक कुछ और बेच के घर लिया ना तो 54 फोर एफ में एग्जाम्स मिलता है मेरे को बताओ ये क्या है ये जो जलेबी जैसा दिख रहा है चकली जैसा ये क्या है कुछ भी हो सकता है घर नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे घर टू घर तो 54 हो जाएगा ना तो ये क्या है मैंने ऐसे ऐसी एक्चुअली स्क्रिबलिंग कर रहा है कुछ भी कुछ भी होना चाहिए घर के अलावा कुछ भी बेच जैसे गोल्ड बेच दिया सिल्वर बेच दिया शेयर्स बेच दिए बॉन्ड्स बेच दिए गांव में एक जमीन पड़ी जमीन बेच दी कुछ भी बेच घर के अलावा कुछ भी बेचो और बाद में घर लो तो फिफ्टी फोर एफ में एग्जैम्पन मिलता है और पता है लॉजिक क्या है देखो इधर हस्से घर चेंज कर रहा है लेकिन इधर हस्ते घर अरेंज कर रहा है अरेंज कर रहा है क्यों बोला क्योंकि सी आज अगर किसी के पास घर ही नहीं है बेचारा बेघर है तो घर अरेंज करने के लिए क्या करता है घर में कुछ ज्वेलरी पड़ा है बेच देगा घर में कुछ शेयर पड़े बेच देगा कुछ भी सामान बेच के क्या करेगा पैसों का जुगाड़ करेगा ताकि घर ले सके अरे कितने गरीब लोग के बस अपना घर ही नहीं होता है वो भाड़े के घर में रह रहे के जीवन काट रहे लेकिन भाड़े के घर में रह रहे के फ्रस्ट्रेशन आता है तो ऐसा इंसान बेचारा क्या करता है उसको घर की ऐसी तलब होती है ना अब घर तो मेरे को चाहिए ही अब घर के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा घर में पड़े गहने ज्वेलरी बेच देगा घर में का कुछ भी सामान बेचेगा मतलब ये देखो कुछ भी बेचेगा क्यों क्योंकि उसको घर अरेंज करना है ओके अब देखो जैसे घर चेंज करना जीवन में जरूरी है घर अरेंज करना भी जरूरी है और दोनों के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है घर चेंज करने वालों आपको 54 में एग्जेपन मिलेगा और घर अरेंज करने वालों 54f फोर एफ में एग्जेपन मिलेगा अरेंज करने वालों मतलब वो कुछ भी बेच के घर लेने चला तो इनको 54f फोर एफ में एग्जाम्शन दिया है और जो घर कोई घर में बदल रहा है चेंज कर रहा है उसके लिए 54 सॉरी गलती से बोला जो घर अरेंज रहा है उसके लिए फिफ्टी फोर एफ और जो घर को ही घर में बदल रहा है चेंज कर रहा है तो फिफ्टी फोर ओके लेकिन सी सिंस दोनों में लेने वाली चीज तो कॉमन है ना अरे बेचा वो अलग है इधर क्या घर बेच के घर लिया है इधर कुछ और बेच के घर लिया है लेकिन लिया तो घर है तो इसलिए टाइम लिमिट सेम है सेम मतलब ये देखो वन बिफोर टू आफ्टर थ्री आफ्टर जैसा फिफ्टी फोर में टाइम लिमिट था ना वैसा ही इधर है लेकिन फिफ्टी फोर के सम में क्या होगा घर बेच के घर लिया होगा इस सम में क्या होगा कुछ और बेच के घर लिया होगा तो सी मैंने इसका एग्ज़ाम्पल बना के रखा है ज्वेलरी देख रहे हो कुछ चेंज ड्राइंग मेरी फिफ्टी फोर जैसी दिख रही है लेकिन फिफ्टी फोर में तो घर टू घर था ना इधर मैंने कैसा एग्जाम्पल लिया है ज्वेलरी बेच के मैंने घर लिया देखो और ज्वेलरी मेरा ऐसे एग्जाम्पल है कुछ भी हो सकता है बट ये देखो साथ में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लटका होना चाहिए लटका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये जो मेरी जलेबी दिख रही है जलेबी चकली ये जो भी चीज है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म को पसंद नहीं करती है लॉन्ग टर्म को ही प्रेफर करती है तो जो बेचा हो लॉन्ग टर्म होना चाहिए तो ये देखो एग्जाम्पल देखो ना अभी सी फिफ्टी फोर एफ सुनने में लग रहा है ये तो सेम ही सही है थोड़ा ही चेंज है इसके अंदर एक से एक मजेदार पॉइंट आएंगे देखते जाना वेट एंड वॉच अब देखना पहले अज्यूम करो मैंने कुछ जेवर है ना वो लॉन्ग टर्म है मतलब जेवर लॉन्ग टर्म को होता है तीन साल से ज्यादा होता है तो, तो तीन साल पुराने जेवर है और मुझे बहुत अटैचमेंट था ज्वेलरी से है ना हो सकता है मेरे पुरखों की जायदाद थी बहुत अटैचमेंट था लेकिन मुझे क्या करना पड़ा नहीं अब ये जेवरों को बेचना पड़ेगा क्योंकि जेवर बेचूंगा तब जाके पैसे आएंगे तब जाके घर ले पाऊंगा उससे घर अरेंज करने के लिए दिल पे पत्थर रख के अपने जेवरों को बेच दिया अब देखो जेवरों को बेच के कैपिटल गेन देखो मैंने कैसे निकाला है एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो मैं कुछ सिखा पाऊंगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन फिफ्टी लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब अज्यूम करो मैंने जेवरों को पचास लाख पच्चीस हज़ार में बेचा और दलाली दी ब्रोकरेज मतलब किसी एजेंट के थ्रू जेवर बिकवा है तो मेरे को कमीशन कितना देना पड़ा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड काट के मेरी जेब में नेट कितना आया फी लैक्स फिर इंडेक्स कॉस्ट मैंने डायरेक्टली लिख दिया चालीस लाख तो मेरा कैपिटल गेन दस लाख आ गया एंड फिर ये सब करके मैंने अपना नन्ना सा प्यारा सा घर खरीद लिया और ये देखो मेरे घर की कॉस्ट क्या है पच्चीस लाख इसको सी एन ए बोलते सी एन मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और वो मान लो पच्चीस लाख है अब फार्मूला क्या लगाते हैं हम लोग यूजुअली क्या करते हैं हम लोग फार्मूला ऐसा लगाते हैं ना कैपिटल गेन्स ये देखो ना और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विचर इज लेस तो इधर कैपिटल गेन्स क्या 10 दस लाख है और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या 25 पच्चीस लाख है तो दोनों में से विचर इज लेस क्या आया दस लाख तो हम लोग क्या इधर दस लाख माइनस कर देते लेकिन रॉन्ग हो जाएगा फिफ्टी फोर एफ में ये विचर इज लेस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा क्यों बताऊंगा लेकिन अभी तक तो मैंने जितने भी सेक्शन करा है ना देखो अपने में 54 वाले है। ये अपने लेकिन इधर विचर इज लेस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा क्यों बता रहा ये देखो पहले मेरे को इसको है ना, लिखा है ना इसको एक बार रॉन्ग करने दो तो, ये देखो ये देखो मैं देखो किसको रॉन्ग कर रहा हूं ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसा नहीं चलेगा ओके okay? क्योंकि सी इधर गवर्नमेंट क्या बोलती है लुक कि तूने जेवर को क्यों बेचा क्यों बेचा तो अस क्या बोलेगा नहीं जेवर बेच के कुछ पैसे आएंगे तो मैं घर ले पाता ना मुझे घर अरेंज करना था मुझे घर अरेंज करना था तो अभी देखो गवर्नमेंट क्या बोलेगी भाई तुझे तो 25 लाख का घर चाहिए था तो तूने 50 लाख जितने जेवर क्यों बेचे तू तो क्या है पाँच पाँच करोड़ का बेचा बेची करेगा दस दस करोड़ का बेचेगा और इधर शादी है सब थोड़ी माफ़ करेंगे हमने एग्जेम्शन क्यों दिया है घर की नेसेसिटी को महसूस करते हुए लेकिन तेरी नेसेसिटी का कॉस्ट तो ट्वेंटी फाइव लैक्स ही है तो तू पच्चीस लाख जितना बेचा बेची करेगा ना तो उतना तो माफ़ भी कर देंगे लेकिन तूने जेवरों को बेचा वो भी बेच के पचास लाख मैं पचास लाख को क्यों हाईलाइट कर रहा करो मैं क्योंकि सी आज अगर मैं गहनों को बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट दस लाख हुआ है लेकिन प्रॉफिट तो कॉस्ट को काट के आता है ना मुझे कैश इन हैंड देखना है कैश इन हैंड फील कर कैश इन हैंड जैसे मैंने जेवरों को वो सब जेवर बेच दिए और बेच के मुझे रोकड़ा कितना आया एक्चुअली तो मुझे पचास लाख पच्चीस हजार आया था लेकिन दलाल को पच्चीस हजार देना पड़ा तो काट पीट के नेट तो मेरे हाथ में पचास लाख है तो गवर्नमेंट की आंखों में आ रहा है वाओ पचास लाख आ गया उसी कोई भी पैसा कमाता है तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का लाद जागता है ना लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एग्जेपन दिया क्या सोच के कि हमें घर की एक नेसेसिटी अरेंज करनी थी लेकिन गवर्नमेंट भी शाणी है गवर्नमेंट क्या बोलती है तेरी नेसेसिटी का कॉस्ट तो पच्चीस लाख था तो तूने पचास लाख जितना रोकड़ी क्यों किया तो हम तेरे को पूरा तो नहीं माफ़ करेंगे आधा ही माफ करेंगे क्योंकि तू आधा जेन्यून है मैं आधा क्यों बोला मैं पचास और पच्चीस को कंपेयर कर पचास पच्चीस गया हाफ मतलब ये बंदा आधा जेन्यून लग रहा है आधा जेन्यून क्यों क्योंकि पचास लाख के जेवरों को बेच के पच्चीस की तो मेरी नेसेसिटी थी और घर की नेसेसिटी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उसमें बिलीव करती है तो लेकिन वो तो फिफ्टी परसेंट ही हुआ ना हाफ़ तो तू आधा ही जेन्यून है तो गवर्नमेंट बोलेगी देख तेरा फिर जो कैपिटल गेन आया ना कैपिटल गेन कितना मेरा टेन लैक्स उसमें गवर्नमेंट बोलेगी सॉरी आधा ही माफ़ होगा सॉरी तू पूरी माफ़ी के लायक नहीं है पूरी माफ़ी के लायक तो कब होता जब तूने जेवरों को बेच के जो पचास लाख लिया होता सारा घर में डाल देता पच्चीस लाख सॉरी पचास लाख का कंसिडरेशन पूरा घर में इन्वेस्ट कर दिया होता ना तब को तब तो हमको लगता कि तेरे जेवरों के पैसे पूरी नेसेसिटी अरेंज करने में खर्च हो गए तो तो तू तो फुल्ली जेन्यून है तो पूरा एग्जाम कर दे लेकिन तूने नेसेसिटी के लिए तो खाली पच्चीस लाख ही डाला और विच इज हाफ तो आधा ही माफ करेंगे तो ये देखो मुझे ये वाले फॉर्मूला से तो विचर इस ले में दस लाख आ रहा था वा ना में पहले लेकिन दस लाख नहीं खाली पांच लाख का एग्जाम मिलेगा पांच लाख आया कैसे मैंने इसी फिगर को आधा कर दिया और ऐसे रट मत लो आधा कर है वो मेरे एग्जाम्पल में आधा है भाई इट डिपेंड्स अपॉन तुमने नेट कंसिडरेशन में से नए घर में कितनी इन्वेस्ट किया है ये रेशियो देखना पड़ता है सी इसका एक फॉर्मूला ही बना दिया मैंने ये दे� देखो लुक क्लियर ये देखो मैंने कैसे किया था बताओ ये दस लाख को आधा किया था ना तो ये देखो ये मैंने इधर वर्किंग दिखाया हुआ है और दस लाख को आधा भी क्यों किया था बताओ आधा कैसे आया था ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी तो फॉर्मूला ही बन गया देखो मैंने लिखा हुआ है तो फार्मूला क्या है ग्रॉस लटक जी मतलब ये वाला आंसर ग्रॉस ग्रॉस मतलब एग्जेपन के पहले वाला ग्रॉस लटक जी मल्टीप्लाई बाय सी एन ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मतलब नए घर का कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन ओके ये फॉर्मूला यूज करना फिफ्टी फोर एफ में बाकी सेक्शन में ऐसा नहीं है बाकी सेक्शन में फॉर्मूला क्या था कैपिटल गेन्स और द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स स्लैश डिपॉजिट विच एयर इज लोअर लेकिन इधर ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेकिन सी इधर मतलब कौन सा सेक्शन चल रहा है फिफ्टी फोर एफ लेकिन सी फिफ्टी फोर एफ में भी है ना ये फॉर्मूला हमेशा चालू मत कर दो पहले चेक करो नेट कंसिडरेशन पूरा यूज़ हो गया है ना जैसे ये पचास लाख जेवर बेच के जो आया था ना पचास को देखो ये पूरा पैसा नए घर में खर्च हो गया मतलब नया घर मान लो एक करोड़ का लिया है एक करोड़ का घर है उसका मतलब ये पचास लाख तो पूरा खर्च हो गया तो पूरा माफ़ कर दो बंदे को क्योंकि फिर तो उसके जेवरों को बेच के जो तो पैसे मिले सारे ही खर्च हो गए वो भी नेसेसिटी में खर्च हुए घर में तो उसको पूरा ही माफ कर देंगे लेकिन अगर नेट कंसीडरेशन पचास है और घर की कॉस्ट थोड़ी कमती है तो उसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन को थोड़ा ही यूज किया है तो एग्जामेशन प्रपोस्टेड हो जाएगा ओके तो पहले चेक करना नेट कंसिडरेशन पूरा खर्च हुआ तो डोंट यूज दी फॉर्मूला फिर जो आंसर आया ना अपना दस लाख पंद्रह लाख जो भी जीरो कर दो लेकिन अगर नेट कंसिडरेशन में से घर सस्ते का लिया है कम अमाउंट का लिया है तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना ओके तो फिफ्टी फोर एफ की एक यूनिक बात क्या है इसका फॉर्मूला विचित्र है अब सुनो इसमें ना बहुत सारी विचित्र बातें फिफ्टी फोर एफ में बहुत सारी विचित्र बातें हैं लुक दूसरी विचित्र बात क्या है सुनो इधर पहले तो इसका फॉर्मूला यूनिक है याद रखना अब दूसरा पॉइंट सुनो लुक ये अभी जो पॉइंट बोल रहा हूँ सुनो भले 54F चल रहा है लेकिन द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू से इट इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर 54 फोर एज वेल एज फिफ्टी दोनों के लिए कॉमन में पॉइंट बता रहा हूँ तो सी लॉ क्या बोलता है चाहे तू घर चेंज कर के तू अरेंज कर लेने का एक ही घर है एक से ज्यादा घर नहीं ले सकते एक ही घर लेना अलाउड है ये पॉइंट मैंने 54 के वक्त बोला नहीं था क्योंकि मुझे इस वक्त पढ़ाना था 54 के टाइम तो मैं खाली इतना ही बोला 10 करोड़ से ज़्यादा एग्जैम्सन नहीं मिलेगा एक्चुअली वो दस करोड़ वाली लिमिट तो इधर भी है फिफ्टी फोर एफ में भी है वो था ना दस करोड़ से ज़्यादा एग्जेसन नहीं मिलेगा वो इधर भी है लेकिन पहले नंबर ऑफ हाउसेस के बारे में कुछ नहीं बोला था ना वो अभी बोल रहा हूँ तो सुनो रूल क्या है चाहे तू घर चेंज कर के अरेंज कर जो नया घर लेगा ना वो एक से ज़्यादा मत ले एक ही घर लेना पड़ेगा और वो भी इंडिया में लेना पड़ेगा क्योंकि हमने भारत के लोगों के लिए सेक्शन खोला है तो मतलब कोई नया घर इंडिया में ले रहा है उसके लिए एग्जेपन है और अगर तुम दुबई में लंदन में नया घर लोगे तो एग्जैम्पन मिलेगा ही नहीं तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन सुनो पहला तो मैंने दस करोड़ का बताया ही था और वो दस करोड़ में वापस बोल रहा हूँ दोनों सेक्शन में हाँ तो सी पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है घर चेंज करने वालों अरेंज करने वालों नया घर बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं चलेगा बहुत महंगा है तो दस करोड़ तक सीमित करेंगे है ना दूसरा पॉइंट क्या था कितने घर लेने चाहिए एक ही घर लेने चाहिए वो भी इंडिया में लेना है एक से ज्यादा लेना अलाउड ही नहीं है अब सुनो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया ना सुनो असेसी ने दो तीन घर ले लिए सुनो बहुत इम्पोर्टेंट है क्या है दो तीन घर ले लिए तो अपने को शौक लगा दो तीन घर नहीं सर ने बोला तो एक ही घर ले सकते एक ही घर ले सकते लेकिन सम में अगर ऐसा बोला दो तीन घर लिया है तो पता है क्या करना चाहिए देखो अगर 54 वाला सम है ना तो दो तीन घर लिया है तो अपने क्या करेंगे कोई एक घर को पकड़ लेंगे एक घर जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी है और वो एग्ज़ैम्पन में काउंट कर लेंगे मतलब दो तीन घर ले लो सदाई लो तुम्हारे पैसे कौन मना करेगा लेकिन दो तीन घर अगर तूने लिया है तो एग्जेम्पन सिर्फ एक ही घर का मिलेगा और वो कौन सा घर वो अपनी चॉइस है एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा घर चुनूंगा जिसका कॉस्ट ज़्यादा है जैसे मान लो मैंने एक मुंबई में फ्लैट लिया है एक करोड़ का दिल्ली में फ्लैट लिया है दो करोड़ का चेन्नई में फ्लैट लिया है चार करोड़ का तो जो महंगा वाला घर है वो लूँगा ना क्योंकि अपने को मानू है एग्जामेशन कैसे मिलता है ये देखो एग्जेपेशन में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आता है तो कॉस्ट अगर बड़ा होगा तो एग्जाम्पन ज़्यादा मिलेगा ना तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया ना कि उसे दो तीन घर ले लिए दो तीन घर ले लिए तो टेंशन मत लो सब घर पे ध्यान मत दो ना कोई एक घर को पकड़ दो जिसकी कॉस्ट बड़ी है फिर फॉर्मूला कैसे आएगा कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ डेट महंगा वाला घर स्लैश डिपॉजिट अगर डिपॉजिट होता है तो फिर विच इज लेस ओके इस तरह से फॉर्मूला यूज करना अगर दो तीन घर लिया हो तो यूर टू सेलेक्ट द वन हुज कॉस्ट इज हायर लेकिन फिफ्टी एफ के सम में अगर देखा ना कि उसने दो तीन घर लिया है एग्जेम्सन मिलेगा ही नहीं फिफ्टी एफ में पता है लॉ क्या बोल रहा है एक से ज़्यादा लेना ही मत अगर तू एक से ज़्यादा लेता हुआ दिखा ना तो तू एग्जैम्सन के लिए डिसक्वालीफाइड पता है क्यों ये देखो क्योंकि 54 एफ का सेक्शन गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए खोला है गरीब मतलब जिनके हालत इतने बदतर है सुन जिसका अपना कोई घर ही नहीं है घर में पड़े कुछ गहने कोई पुराने शेष पड़े उनको बेच के पैसों का जुगाड़ करके मर मर के घर ले रहा है तो ऐसे गरीब लोग गवर्नमेंट को माइंड में दिमाग में थे और गरीबों का सोच के सेक्शन खोला है तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है तू अपनी गरीबी साबित कर और अगर मैं सोच ये जो जलेबी दिख रहा है ना इसको बेच के चार चार घर ले लिया तो तो मैं अमीर दिख रहा हूँ फिर गवर्नमेंट फिफ्टी फ़ोर एफ़ का एग्जाम्शन ही नहीं देती है ये एग्ज़ैम्पन खोला ही गरीबों के लिए पता है मैं कैसे याद कर रहा हूँ बच्चों को फिफ्टी फ़ोर एफ़ एफ़ का मतलब फ़क़ीर फ़कीर मतलब जो रोड छाप है गरीब है कुछ पैसे देसे नहीं होते हालत खराब होते फ़कीर बोलते ओके तो एफ फॉर फकीर तो टेल मी एक मैंने बहुत कीमती पॉइंट बोला था सुनो थोड़ी देर तक कुछ सेम ही लग रहा था लेकिन अभी 54 और 54 फोर एफ में भी दरार आ गई सी जब तक सेम लग रहा था मैंने क्या बोला 54 में भी 10 करोड़ का लिमिट है 54 फोर एफ में भी 10 करोड़ का लिमिट है इधर भी एक घर लेना है इधर भी एक घर लेना है इधर भी इंडिया में लेना है इधर भी इंडिया में लेना है सेमसंग ले लेना और किसको पकड़ेंगे दवा नो उस कॉस्ट इज हायर और वही फिफ्टी फोर एफ का सम है और उसमें दो तीन घर लिया हुआ दिखा तो एग्जेम्पन मिलेगा ही नहीं बोल देना एग्जेम्पन इज नॉट अलाउड इज नॉट एलिजिबल लॉजिक क्या है देखो फिफ्टी फोर का सेक्शन अमीर गरीब सबके लिए जैसे मान लो सलमान खान को भी तो घर चेंज करना पड़ता है कि नहीं तो आज सलमान खान बोले मैं अपना घर चेंज कर रहा हूं तो उसको भी तो चेंज करने का राइट है ना तो उसको भी 54 का एग्जेपन मिलेगा लेकिन वो सलमान खान है इतना अमीर आदमी है तो शायद एक घर बेचने का छः छः घर भी ले सकता है तो गवर्नमेंट रोक थोड़ी सकती है ले ले भाई तू सलमान खान है तो छः घर भी ले पाएगा लेकिन हम एग्जेपन तो एक ही घर का देंगे बट एग्जाम्पन दे तो रही है लेकिन इधर अपने को पुअर बन के दिखाना है और पुअर बन के दिखाना है तो अगर तूने दो तीन घर ले लिया ना तो एग्जैम्पन मिलेगा ही नहीं और एक चीज गरीबी साबित करनी है ना लुक इधर ये बहुत अच्छा पॉइंट है फिफ्टी फोर पे एक और पॉइंट है कि तेरे पास एट प्रेजेंट जीरो घर होना चाहिए या एक ही घर होना चाहिए मतलब मैं पुराने घर की बात कर रहा हूँ सी नया तो अभी लेने वाला हूँ मैं नया छोड़ ऑलरेडी मेरे पास क्या होना चाहिए ऑलरेडी मैं या तो रोड पे हूं जीरो घर या एक घर है दैट मीन्स अगर ऑलरेडी मेरे पास सात आठ घर पड़े तो मैं गवर्नमेंट की नज़रों में गरीब नहीं बन पाऊँगा और ये सेक्शन गवर्नमेंट गरीबों के लिए खोली है और गरीबी कैसे बताने का सुन ऑलरेडी तेरे पास घर ही नहीं है या फिर एक घर है और तू ये जो जलेबी था ना ये जलेबी वगैरह बेच के जो नया घर लेगा वो भी तू एक ही ले पाना चाहिए इन शॉर्ट लोग इतना समझ लोगे ना फिफ्टी फोर एफ में अपने को गरीबी दिखानी है बस अपने आप बुद्धि चलेगी और गरीबी दिखाने के लिए दो पॉइंट क्या बताए एक तो जो ऑलरेडी मेरे पास मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए या बेघर या एक घर ये मेरा ऑलरेडी वाला स्टेटस है एंड फिर ये जो मैंने ज्वेलरी वेलरी जो भी बेचा होगा ना उसके बाद में एक ही घर लेना चाहिए एक से ज़्यादा लिया तो वापस अमीर दिख जाऊंगा और अमीर दिखाना तो एग्जें्शन नहीं मिलेगा लेकिन ये मगजमारी इधर नहीं है सी 54 वाले में तो क्या अमीर गरीब सबके लिए सेक्शन है ना आज शाहरुख खान सलमान खान अम्बानी को भी घर चेंज करना है उनके लिए भी है और मिडिल क्लास आदमी के लिए भी फिफ्टी का सेक्शन है तो टेल मी इधर अगर ऐसा हुआ तो फिफ्टी में ऑलरेडी मेरे पास दस घर पड़े और उन दस में से मैंने सातवें वाले घर को चेंज कर दिया चलेगा ना सी 54 में तेरे पास ऑलरेडी कितना है नया कितना ले रहा है जो करना है कर लेकिन हाँ नए में एग्जेम्शन एक ही का देंगे वन उस कॉस्ट इज हायर इन शॉर्ट दोनों के डिस्टिंक्शन है मेन पॉइंट क्या है इधर गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट है और लीनियंट क्यों है क्योंकि इधर ये सेक्शन अमीर गरीब सबके लिए तो वो ऐसा गरीबी दिखाओ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है लेकिन ये नीचे वाला सेक्शन तो खोला ही गरीबों के लिए है ना तो मुझे बताओ दोनों सेक्शन है मेन डिस्टिंक्शन क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन बताओ कॉमन पॉइंट नीचे डिस्टिंक्शन इधर हम घर चेंज कर रहे इधर अरेंज कर रहे और तो इधर घर बेच के घर लेना है इधर कुछ और बेच के घर लेना है फिर इधर हम चार पांच घर भी लेते तो चलता है एग्जेपन एक का मिलता है और इधर हम चार पांच लिए तो एग्जाम्पन मिलेगा ही नहीं फिर इधर मेरे पास ऑलरेडी कितने भी घर पड़े चलता है गवर्नमेंट को उसकी फिक्र नहीं है लेकिन इधर मेरे पास ऑलरेडी में या जीरो घर है या एक घर होना चाहिए ये फर्क वाले पॉइंट बताए कॉमन चीज क्या है वो टेन करोड़ जितना एग्जेपन मिलेगा और दोनों में एक वाला पॉइंट है लेकिन दोनों का वन हाउस वाला सिस्टम अलग है इधर वन मतलब चार पांच भी लिया चलता है बट एग्जेम्पन वन का मिलेगा और इधर नीचे में तो वन मतलब वन ही लेना है वन से ज्यादा लिया तो एग्जाम्पन मिलेगा ही नहीं तो ये था फिर सुनो लंबी सांस में अच्छा पॉइंट आएगा और एक अभी जो पॉइंट कहने वाला हो ना वो 54 के लिए ही है ओके सी 54 में मैंने क्या बोला तू चार पांच घर लिया चलेगा अरे मतलब जो घर बेचा उसके बाद घर बेच दिया लेकिन बाद में मैंने चार पांच घर लिए चलता है ना चलता तो है लेकिन एग्जेपन सिर्फ एग्जेपन सिर्फ एक ही का मिलेगा किसका लेंगे द वन विथ हायर कॉस्ट उसका एग्जें्शन लेंगे लेकिन 54 में क्या कभी कभी दो घर लेना भी अलाउड है कभी कभी दो घर लेना भी अलाउड है लेकिन वो कब मालूम है जब ये देखो पुराने घर का कैपिटल गेन जो हुआ था ना दो करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर तेरा कैपिटल गेन ओल्ड घर को बेच के दो करोड़ से ज़्यादा नहीं है ना तो तू दो दो घर भी ले लेगा ना तो भी हम चला लेंगे लेकिन ये हम खाली जिंदगी में एक ही बार चलाएंगे ये मौका सुनहरा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलेगा मतलब बाकी सी एक्चुअली 54 का एग्जाम में मैं हर साल ले सकता हूँ लेकिन हर साल क्या एक ही घर एक ही घर एक ही घर एक ही घर लेकिन जिंदगी में एक बार ऐसा होगा ना कि दो घर लिया तो भी चलाएंगे लेकिन शर्त क्या है कि अपने जो पुराने वाले घर को बेचे ना सिर्फ मैं घर बेच के ले रहा हूं ना तो जो घर को बेचा उसका कैपिटल गेन टू करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम टू करोड़ तो ये एग्जेम्पन मेरे को दो दो घर का मिलेगा तो पता है क्या करना चाहिए देखो मैंने पता है हाउस का एक सम सॉल्व करके बताया था इधर ये देखो किधर गया ये देखो ये हाउस वाले फिफ्टी है फिफ्टी दिखा रहा हूँ ड्रॉइंग में मिक्स मत होना ये अपना फर्स्ट सेक्शन है तो ये देखो इधर मेरा आंसर क्या आया था अरे मैंने घर बेच के ये मेरा पुराना घर का कैपिटल गेन है ट्वेंटी लैक्स आया था ना तो मतलब दो करोड़ से कम है तो इस समय मैंने अगर दो दो घर भी ले लिए होते हैं ना तो भी चलेगा पर दो से ज्यादा नहीं है दो का शर्त क्या है अपना जो कैपिटल गेन आया था ना ओल्ड घर को बेच के अरे इन शॉर्ट सम सॉल्व करना अपना आंसर आता है ना वो टू करोड़ या कम होना चाहिए फिर क्वेश्चन में चार पांच घर भी दिखे ना दो ले लो बिंदास दो ले लो ऑब्वियसली दो वो लेंगे जिनकी कॉस्ट थोड़ी बड़ी बड़ी होगी वो लेंगे फिर इधर फॉर्मूला कैसा आएगा कैपिटल गेन्स जो कि दो करोड़ से ज़्यादा तो होगा ही नहीं और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में कॉस्ट ऑफ दो दो घर फिर भी सविज लेस करेंगे लेकिन लाइफ में एक ही बार मिलता है खैर अपने पास तो एग्जाम में जो सम आता है सम में अगर ऐसा है तो क्या सोचेंगे लाइफ में उसका पहला मौका ही है अगर एग्जाम में बोल दिया ना कि वो पास्ट में ऑलरेडी दो घर वाला फायदा उठा चुका है तो अपने को करंट सम में नहीं लेना है ऐसा बोलेंगे तो अदरवाइज सम में कुछ भी नहीं दिया ना अपने तो बिंदास दो कर का एग्जाम लेंगे प्रोवाइडेड अपना ये लॉन्ग टर्म गेन का आंसर दो करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी गवर्नमेंट ने 54 के लिए रखा है लेकिन 54 एफ में तो गवर्नमेंट एकदम ही खड़ूस है अरे इधर तो गवर्नमेंट एक से ज्यादा लिया तो देने का ही नहीं एग्जामेशन जा एक से ज्यादा लेने वाले लोग तो अमीर है और हमने तो गरीबों के लिए सेक्शन खोला है तो मेरे को बताओ क्या क्या डिस्टिंक्शन है वहां पर डिस्टिंक्शन पॉइंट सी सिमिलर पॉइंट क्या मालूम है सिमिलर पॉइंट दोनों में आखिर में, में घर ही लेना है और दोनों में इंडिया में ही लेना है और दोनों में एक लो एक लो ऐसा एक एक का कुछ है और दस करोड़ का कुछ है दोनों में और दोनों में क्या टाइम लिमिट वगैरह सेम ही है ये मिलते जुलते पॉइंट है ओके डिफरेंस क्या है अभी बारीकी से एक के डिफरेंस बता ना इधर घर टू घर और इधर कुछ और टू घर फिर दूसरा इधर बोला एक लो लेकिन चार पांच भी लेते तो चलता है लेकिन एक्जन किसी एक का मिलता है जो उसकी कॉस्ट बड़ी है और उसमें भी कभी कभी तो दो घर का भी चला लेगी लेकिन प्रोवाइडेड अपने पुराने घर का कैपिटल गेन दो करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो भी जिंदगी में एक बार और नीचे वाले सेक्शन में तो भाई एक से ज़्यादा लिया तो डिसक्वालीफाई एग्जेपन मिलेगा ही नहीं इधर लॉ एक घर को लेके कट्टर एक मतलब एक ही लेने का बोले मैं दो ले लिया तो नहीं नहीं देने का ही नहीं एग्जेम्शन एक का तो नहीं देने का ही नहीं है कट्टर है बोले जिंदगी में एक जिंदगी में एक बार भी नहीं एक से ज़्यादा ले तो एग्जेम्शन ही नहीं मिलता अगला डिफरेंस क्या था 54 में ऑलरेडी मेरे पास पचासों घर भी पड़े गवर्नमेंट को एतराज नहीं है लेना तो अमीर आदमी है तो ले हो सकते है ते तेरे पास ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी कितने भी घर है चलेगा लेकिन 54 फोर एप वाले के पास ऑलरेडी वाला या ज़ीरो घर या एक घर होना चाहिए सी नया लेने के बाद तो एक और ऐड हो जाएगा नए को नहीं गिन रहा हूँ जो पुराने घरों में या तो मेरे पास घर ही नहीं है या फिर एक ही घर है ये डिफरेंसेस याद रखना और एक डिफरेंस डिफरेंस की जब बात ही हो रही है इधर एग्जामेशन का फॉर्मूला क्या था कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑन न्यू एसेट स्लैश डिपोजिट विच इज लेस इधर एग्जामेशन का फॉर्मूला भी अलग है भाई इधर फॉर्मूला कैसा था देखने का अगर नेट कंसीडरेशन पूरा ही नए घर में खर्च हो गया ना तो जीरो कर दो एग्जामेशन लेके पूरा आंसर नील कर दो फुल एग्जामेशन मिलेगा फिर फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है लेकिन नेट कंसिडरेशन 50 है और घर सस्ते का लिया है पच्चीस का कम अमाउंट का कम अमाउंट का तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा लेकिन ऐसा सब फिफ्टी फोर में नहीं था ये फिफ्टी फ़ोर एफ में फार्मूला भी अलग है ओके तो ये डिस्टिंक्शन माइंड में रहेगा तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी तो ये देखो फिफ्टी फोर एफ खत्म हो गया ना तो ये देखना मैं तो उनको तो टेबल दिखा रहा ये देखो सारे सेक्शन हो गए जो सिलेबस में एक्चुअली तो और भी फिफ्टी फोर से लेकिन अपने सिलेबस में इतना ही है लास्ट मैंने क्या करवाया था फिफ्टी फोर एफ विच इज एग्जैम्पन फॉर लॉन्ग टर्म क्या बेचना है एनी लटका वो था जलेबी बनाया था कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट बेचो लेकिन बाद में रेसिडेंशियल हाउस लो टाइम लिमिट वन बिफोर टू आफ्टर थ्री आफ्टर स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम सेम इधर अमाउंट और एग्जेम्पन थोड़ा डिफरेंट था वो बता ना फॉर्मूला था उसका लॉक इन पीरियड थ्री ईयर्स वाला ही इधर एलिजिबल असर से इंडिविजुअल एच ओके इधर मैंने ना कुछ चीज किए हो क्यों किए बता दो ये देखो इधर इक्वल टू साइन दिख रहा है इधर नॉट इक्वल टू ये पता है किसके लिए ध्यान देना चाहिए कि अगर लॉक इन पीरियड में पता है लॉक इन पीरियड में गवर्नमेंट ने धमकी दी है वो नई चीज को तीन साल तक मत बेचना मत बेचना तो बेचा तो क्या हो जाएगा जिधर भी एसेट सेम है ना तो वो नए चीज को बेचा तो बेचने की कंप्यूटेशन में कॉस्ट ही कम हो जाएगा ओके okay? लेकिन जिधर एसेट डिफरेंट है ये दो नॉट इक्वल टू साइन दिख रहा है जिधर एसेट डिफरेंट है तो उसमें अगर नई चीज को बेचा भी ना तो बेचते टाइम कॉस्ट को मत छेड़ो एग्जामेशन विड्रॉन का नोट लिख दो और कंप्यूटेशन को अलग से रखो फुल कॉस्ट माइनस करके ओके okay? एंड फिर ये देखो मैंने इधर कुछ है देखो टाइम लिमिट कैसा था पहले सेक्शन में क्या था वन बिफोर टू आफ्टर थ्री आफ्टर फिर बाद में देखो ऐसे भी वन टू थ्री सेट हो गया है देखो मस्त पैटर्न बना है अरे ऐसे भी वन टू थ्री ऐसे भी वन टू थ्री लेकिन सी ये one, two, तो एक ही सेक्शन का था ये टू आफ्टर फिफ्टी फोर बी में था ये थ्री आफ्टर फिफ्टी फोर डी में था लेकिन पैटर्न मस्त बन रहा है ऐसे भी वन टू थ्री ऐसे भी वन टू थ्री फिर वन प्लस टू प्लस थ्री करो सिक्स हो जाता है तो देखो सिक्स मंथ्स आ गया मतलब ऐसा सोचो वन टू थ्री पहले मिल गए फिर वापस बिछड़ गए और बिछड़ के वापस वन टू थ्री हो गए अरे पूरा वन टू थ्री का गेम है ऐसे भी वन टू थ्री ऐसे भी वन टू थ्री फिर पहले वन टू थ्री मिल गए मिल के छः हो गए फिर वापस बिछड़ गए बिछड़ गए मतलब देखो वन टू थ्री हो गया अरे मतलब लास्ट सेक्शन में वापस वही आ गया था वन टू थ्री अरे मतलब ये टेबल वाले पैटर्न में याद करूंगा सिंपल लगेगा ओके तो दिस वॉज समरी ऑफ ऑल फिफ्टी फोर वाले सेक्शन फिर लुक हेयर इसके बाद अपना देखो चैप्टर में क्या बचा है मैं तुमको एक बार सेक्शन पे नजर घुमा देता हूं स्टेटस चेक करो अपना अपने अभी देखो कल के लेक्चर में फिफ्टी बी स्लम सेल करके गए थे ना अपने ये दो फिफ्टी बी स्लम सेल को मैंने मार्क किया एक से है ना ये कल जाते जाते अपना हुआ था ओके 51 भी हो गया था कल अपना है ना ये सब हो गया था फिर बाद में अभी मैंने क्या करवाया आज 48 और 50 करवाया है, सेक्शन 48 और 50 ये हुआ था ना ये फिर 54 वाले सारे सेक्शन हो गए 54 फोर हुआ फिफ्टी फोर बी हुआ फिफ्टी फोर डी हुआ फिफ्टी फोर ई सी हो गया फिफ्टी फोर एफ हो गया ओके अब ऑलमोस्ट खत्म है थोड़ा बहुत बचा है अपना अब है ना पहले मैं ये कर देता हूँ बाकी जो बचा भी तो इतना कुछ खास है पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हंड्रेड एंड 112 ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व है ये शेयर्स की दुनिया का कैपिटल शेयर्स की दुनिया का ये देखो वन 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 ए और वन वन टू हियर ये देखो इधर लुक हियर ये जो चार्ट बना इस objective है इसमें अपना ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हंड्रेड एंड लेवन ए एंड व्हाट इज हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए तो लुक हियर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की दुनिया में क्या क्या आता है हमें इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड मैंने उन चीजों की बात कर रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में मिलता है ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की दुनिया में देखो अगर तुम्हारे पास इक्विटी शेयर्स है या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ना म्यूचुअल फंड भी कैसा इक्विटी ओरिएंटेड फंड इन शॉर्ट या तो तेरे पास इक्विटी शेयर ही है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है मतलब तूने अगर इक्विटी में ज्यादा रुचि ली रुचि मतलब इंटरेस्ट अगर तुम इक्विटी में ज़्यादा रुचि लेते हो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो गवर्नमेंट को भी उसमें टैक्स चाहिए एक एस सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और पता एक रूल क्या है कि अगर किसी ने अपने इक्विटी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको एस भरना पड़ेगा एस का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लेकिन ये कब लगता है अगर तुमने इक्विटी आइटम्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा और पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है गवर्नमेंट क्या बोलती है यार आज किसी को ये देखो मेरे पास कुछ इक्विटी शेयर्स पड़े आज अगर मेरे को इक्विटी शेयर्स बेचना है तो बेचना कितना आसान हो गया है बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट मतलब जैसे ही मुझे बेचने का मन हुआ ना स्टॉक एक्सचेंज में दो मिनट में बेच देता है अगर सोचो अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट नहीं होता तो मुझे इक्विटी शेयर्स बेचने के लिए बायर ढूंढना पड़ता कोई मेरा शेयर्स खरीद लो कोई खरीद लो इक्विटी शेयर्स बेचना कितना कठिन हो जाता क्योंकि सिर्फ मैं बेचने को तैयार हूँ लेकिन कोई ख़रीदार तो मिलना चाहिए और मैं खरीदार ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता पता चला मैं बेचने की ट्राई बिक ही नहीं रहे कितनी तकलीफ़ होती लेकिन ये तकलीफ इक्विटी शेयर्स में नहीं है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है ना जिस पल मुझे ख्याल है ना यार ये इक्विटी शेयर्स बेचता है अगले पल एक चुटकी में बेच सकता हूँ क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा सॉफ्टवेयर बना के रखा है ना कि मैं तो मोबाइल के थ्रू भी अपना शेयर्स को बेच सकता हूँ और इतना इजीली सेल होता है क्यों होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का बनाया हुआ स्टॉक एक्सचेंज तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का दो मज़ा ले रहा है ना तो उसका सजा है और सजा क्या है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भरना पड़ेगा तेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा है ग्रेटफुल फील कर तो आसानी से ने शेयर्स बेच पा रहा है लेकिन क्यों बेच पा रहा है गवर्नमेंट के स्टॉक एक्सचेंज के कारण इससे रूल ही बन गया कि कोई भी गवर्नमेंट के बनाए हुए स्टॉक एक्सचेंज का लाभ उठाता है लाभ उठाता है मतलब अपने शेयर्स बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से बेचता है तो उसको एस भरना पड़ेगा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स मतलब तुमने ट्रांजेक्शन किया ना स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रांजेक्शन का टैक्स लेकिन सी अगर मैं बोलूं मुझे गवर्नमेंट आपके स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है मेरे को अपना शेयर्स बेचना है मैं अपने आप अप बेच दूंगा मेरे दोस्त को यार को मतलब मैं गवर्नमेंट के स्टॉक एक्सचेंज का मदद ही नहीं ले रहा हूँ तो तो मैं एस टी डी भरूंगा भी नहीं अरे एस टी डी लगता ही क्यों है क्योंकि हम गवर्नमेंट के बनाए हुए स्टॉक एक्सचेंज का फायदा उठा रहे हैं और फायदा उठाना मतलब मैं उसके स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचता हूँ अगर मैं अपने इक्विटी शेयर्स को इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट बेचता हूँ वॉट डू मैंने ऑफ मार्केट ऑफ मार्केट में शेयर मार्केट के थ्रू नहीं मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया और हम लोग के बीच में आपस में डील हो गई तो तो मैंने शेयर मार्केट का फायदा ही नहीं उठाया तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगता इससे देखो चार्ट में क्या लिखा पढ़ ध्यान से ट्रांसफर थ्रू आर मतलब क्या होता है रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रेकग्नाइज मतलब स्टॉक एक्सचेंज अपना रेकग्नाइज ही है रेकग्नाइज वर्ड को इतना दिल पे मत लो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए तूने क्या लिखा है ट्रांसफर किया तो भाई तेरे को एस भरना पड़ेगा एस मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और अदरवाइज का मतलब क्या है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा ऑफ मार्केट मतलब मैंने अपने फ्रेंड को दोस्त को यार को किसी को भी बेच दिया मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मैंने मदद ही नहीं लिया तो मदद नहीं ली तो मैं टैक्स क्यों भरू एस ओके okay. और सुनो एस का मगजमारी गवर्नमेंट ने खाली इक्विटी भी रखा है इक्विटी के अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है जिंदगी में बताओ प्रेफरेंस डिबेंचर्स बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा इन सब चीज़ के ऊपर एस लगता ही नहीं है जबकि पता है मैं डिबेंचर बॉन्ड बेचने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज का मदद लेता हूँ लेकिन गवर्नमेंट बोलती चल स्टॉक एक्सचेंज की फोकट में मदद ले ले तेरे को टैक्स नहीं मारेंगे क्योंकि डिबेंचर्स बॉन्ड्स के ट्रेड करने वाले लोग होते ही बहुत कम है हाँ इक्विटी में तो पूरी दुनिया घुसी पड़ी है इससे गवर्नमेंट बोलती है इक्विटी में जहाँ पूरा जहाँ घुसा पड़ा है पागल की तरह वो अगर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया तो हमको टैक्स मांगता है बट अदर आइटम्स अदर देन इक्विटी इवन इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको एस भरना नहीं पड़ेगा सी तुमको पता है जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा एस कब आता है कब नहीं आता है आगे मैं कैपिटल गेन के खास पॉइंट नहीं बता पाऊंगा तो पहले ये चार्ट दिमाग में छापो क्या रूल है, है बताओ एस आता है कब आता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट इक्विटी आइटम होना चाहिए रट लो इक्विटी या तो इक्विटी का शेयर हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का यूनिट हो फिर उसको बेचने का कैसे मार्केट के बाहर के थ्रू मार्केट थ्रू रेगनाइज स्टॉक एक्शन बेचो तो एस आएगा और वरना एस नहीं आता है अब सी एस आया ना तो कैपिटल गेन अलग हो जाता है और एस नहीं आया तो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है ओके तो ये देखो मैंने क्या किया है इधर दो पैच बनाए ये जो रेड वाला पैच है ना ये एस पेड़ वाला इलाका है और इधर कैपिटल गेंस के प्रोविजन थोड़े अलग है स्क्रीन पर देखो क्या कर रहा हूं फिर राइट right साइड में दिख रहा है ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर में क्या है पेड है क्या नॉट पेड है तो इधर कैपिटल गेंस की दुनिया थोड़ी अलग हो जाती है स्क्रीन पर देख क्या कर रहा हूं नॉट इक्वल टू साइन छाप लो सीन दिमाग में तो रेड वाले एरिया में कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट अलग होता है और जो ऑरेंज वाला एरिया उसमें कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट अलग होता है तो ये चार्ट को है ना दो कॉलम की तरह समझो तो मैं क्या करूंगा पहले मैं ये चीज सिखा दूंगा फिर बाद में मैं ऑरेंज वाला एरिया पकड़ूंगा ओके तो ये देखो लुक यार अगर एस टी डी बढ़ते ना तो अपने को क्या फायदा मिलता लुक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सिर्फ दस परसेंट टैक्स आएगा जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बीस परसेंट टैक्स आता है लेकिन गवर्नमेंट को दया क्यों आई बेचारा ऑलरेडी एस भर के बैठा यार और एस भरा वो भी तो एक तरह का टैक्स ही है सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स अब कैपिटल गेन के नाम का भी टैक्स ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे गवर्नमेंट ने बोला चल तूने एस भरा है ना तो तेरे को लॉन्ग टर्म पे खाली दस परसेंट टैक्स आएगा और उसमें भी एक लाख तक तो माफ़ी है मतलब मेरा जो भी कैपिटल गेन आएगा ना उसमें से एक लाख तो माफ़ी है बैलेंस के ऊपर दस परसेंट टैक्स आएगा और ये सुनहरा ट्रीटमेंट क्यों क्योंकि मैं ऑलरेडी एस भर के बैठा हूँ तो कैपिटल गेन में थोड़ी रहम करो और ये रहम की है और एक चीज़ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा मीन्स इधर गवर्नमेंट कैपिटल गेंस कैसे कंप्यूट कराएगी विदाउट इंडेक्सेशन ये थोड़ी दुख की बात है लेकिन खुशी की बात क्या है एक लाख तक माफ है भाई और बैलेंस के ऊपर 10 परसेंट टैक्स आ रहा है ओके वरना तो कैपिटल गेन तो पूरे पे 20 आता है लेकिन इधर तो एक लाख छोड़ के बैलेंस पे 10 ही आ रहा है लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा एक और फायदा दिया गवर्नमेंट ने बेनिफिट ऑफ ग्रैंड फादरिंग जी मिलेगा जी मतलब गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं जी का मतलब ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट ऑफ ग्रैंड मिलेगा अब बेनिफिट ऑफ ग्रैंड क्या हो तो बता दो जो भी इतना समझो कुछ बेनिफिट है वो मिलेगा और एक नुकसान बता रहा हूँ रिबेट अंडर सेक्शन 87 सेवन नहीं मिलता है पता इधर दो नुकसान है तीन फ़ायदे हैं मैंने पांच पॉइंट बताए तो तुम लोग सुने ही नहीं उसमें दो नुकसानदायक पॉइंट है तीन अच्छे पॉइंट है दो गंदे पॉइंट के हाल में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन नहीं मिलेगा अच्छी अच्छी बात बताओ एक लाख तक माफ है बैलेंस पे खाली 10 परसेंट टैक्स वाओ बेनिफिट और ग्रैंड मिलता है तो ये देखो इधर लिखा है सब पढ़ो पांच डिग्री गिन लो ना तुम लोग भी टेन टैक्स इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा ग्रैंड का बेनिफिट मिलता है वो अच्छी चीज है वॉट इज ग्रैंड बताता हूं रिबेट नहीं मिलेगा एक लाख का एग्जेम्शन मिलेगा लेकिन ये लॉन्ग हुआ तो शॉर्ट टर्म हुआ तो भी अच्छा ही है लेकिन शॉर्ट टर्म पे पंद्रह परसेंट टैक्स आएगा मतलब इधर दस नहीं इधर पंद्रह है क्योंकि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म से नफरत करती है और शेयर मार्केट में तो शॉर्ट टर्म वाले गवर्नमेंट को ज़रा भी पसंद नहीं है क्योंकि अपना शेयर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्यों होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर लोग के कारण वो लोग शेयर्स खरीदे फटाक से बेच देते हैं तो अपना स्टॉक एक्सचेंज एकदम वॉलेटाइल हो जाता है इससे शॉर्ट टर्म से नफरत है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इधर एक लाख का एक्जेम्पन भी नहीं है तेरा शॉर्ट टर्म गेन जितना भी है पंद्रह टैक्स भरना पड़ेगा बट फिर भी कंसेशनल है नॉर्मली शॉर्ट टर्म पे स्लैब वाइज टैक्स आता है लेकिन इधर स्लैब वाइज में तो थर्टी भी हो सकता है इधर पंद्रह ही लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तो टेन ही है इधर पंद्रह लगेगा और ये पंद्रह परसेंट लगेगा कहां लिखा सेक्शन 111 ए और लॉन्ग टर्म का सेक्शन 112 ए और शॉर्ट टर्म में तो एक ही पॉइंट याद रखना ना पंद्रह परसेंट लॉन्ग टर्म में पांच पॉइंट पॉइंट याद रखने अब सुनो ये पांचों पॉइंट में मुझे क्या सिखाना बाकी है अरे ये सब सीख लिया ना अभी ग्रैंड क्या होता है बताना पड़ेगा तो सी ग्रैंड फादरिंग लुक क्या होता है लुक यार इधर देखो लुक ग्रैंड फादरिंग के पीछे तुमको थोड़ी स्टोरी बतानी पड़ेगी देखो 2018 के पहले ना एस भरा हुआ था ना तो अपने को कैपिटल गेन पे टैक्स ही नहीं आता था मैं तुमको पुरानी स्टोरी क्यों बता रहा हूं तो तुमको क्या कन्विंस करना इजी हो जाएगा मेरे लिए ओके सी सन 2018 के पहले की बात है पहले गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या थी यार तूने एस भरा है तो तो तू टैक्स भर दिया ना अब कैपिटल गेन पे क्यों टैक्स आना चाहिए ये तो डबल हो जाएगा तो गवर्नमेंट पहले लॉन्ग टर्म गेन को एग्जेपी रखी थी ये देख एक सेक्शन था 1038 उसमें क्या लिखा था एस भरने वालों आपने ऑलरेडी एस भर दिया है तो अभी कैपिटल गेन जो होता है ना इनकम टैक्स का वो माफ़ है बट लॉन्ग टर्म को ही माफ किया था शॉर्ट टर्म से तो गवर्नमेंट को ठसन है लेकिन लॉन्ग टर्म तो जो अभी दस परसेंट है ना एक लाख माफ करके वो तो पहले कंप्लीटली एग्जाम था और ये 2018 के पहले कई सालों तक था तो पता है 2018 के बजट में एक तहलका मच गया ये देखो लोग क्या तहलका मचा बढ़ बजट 2018 में बजट का बात है फेब के महीने में तो फेब के महीने में बजट आया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई अभी जो लॉन्ग टर्म आपका एग्जेंट होता था ना अभी से टैक्सेबल होगा पब्लिक को शौक लग गया और खास करके किसको शौक लगा जो शेयर मार्केट के ओल्ड इन्वेस्टर है ओल्ड इन्वेस्टर मतलब जिन लोग ने बजट आया ना उसके पहले शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए डाल के रखा था उनको शौक क्यों लगा वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर को गालियां देके बोले शर्म है इतना जो एग्जाम रखा था उसको टैक्सेबल कर दिया हमने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए डाले थे क्या सोच के कि कभी भी हम शेयर बेचेंगे हमारा कैपिटल गेन तो एग्जेप होगा तो, तो हमने एग्जेपन की उम्मीद में शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्ट करके रखा था लेकिन आपने तो दगा दिया अचानक कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर दिया माना के 10 परसेंट टैक्स है लेकिन ये तो शौक है हमने कितना सारा पैसा डाला है सी शेयर मार्केट में गेंद तो बेचने पर आता है लेकिन बेचने के पहले पैसा डाल के रखना पड़ता है ना और जिसने पैसा डाल के रखा था 2018 -201 के पहले उसने यही सोच के इन्वेस्ट किया था कि चलो शेयर मार्केट में पैसा डालते इट इज अ गुड प्लेस बिकॉज वेन एवर आई सेल कैपिटल गेन विल बी एक्सैम इस उम्र दो -201 के बजट में इट वाज अ शॉक फॉर ओल्ड इन्वेस्टर सी नए इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ता है जैसे कोई शेयर मार्केट का भी पैसा डालता ही नहीं था उस पर जब अठारह में बजट सुना होगा वो क्या सोचा ओके शेयर मार्केट में अभी टैक्स आता है ठीक है सोच के इन्वेस्ट करेंगे मतलब जो न्यू इन्वेस्टर है उसको तो रूल सुन लिया ना पूरे होशो आवास में इन्वेस्ट करेगा लेकिन जो बजट के पहले इन्वेस्ट करके बैठा उनको तो शौक लगा ना तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल चीज निकाली किन के लिए उनको क्या बोला चलो देखो हमको भी समझता है कि आपको शौक लगा होगा लेकिन एक काम करते हैं अभी फरवरी का महीना चल रहा है बजट का महीना कौन सा था फेब 2018 तो ओल्ड इन्वेस्टर को मैं क्या बोला फरवरी के पहले का था जैन 31 जन जैन 2018 तक तुम्हारे शेयर्स में जितना भी अप्रिसशन हुआ है ना चलो माफ़ कर दिया तुमको यही दुख हो रहा है ना कि हमने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपया डाला हुआ है और हमारा शेयर्स तो मस्त भाव बढ़ा हुआ है उसका अब बेचेंगे तो टैक्स आएगा नहीं आएगा चाहते थर्टी फर्स्ट जैन तक थर्टी तो फर्स्ट जैन भी कौन सा दो हजार अठारह का बजट ही अठारह का था तो डेट क्या निकाली इन लोग ने जैन भी क्यों फेब में बजट था उसके जस्ट पहले क्या महीना था जैन तो ये देखो हाथ देखो मेरा थर्टी फर्स्ट जैन 2018 तक तुम्हारे शेयर्स में जितना भी अप्रिशिएशन हुआ है माफ़ जैसे मान ले तूने दो रुपये में शेयर लिया था आज सौ रुपये का हो गया है तो दो रुपये का शेयर सौ रुपये का हो गया ना तो जितना भी अप्रिशिएट हुआ चल माफ़ लेकिन अभी सौ रुपये के बाद फर्दर अप्रिशिएट हुआ एंड फिर तूने उसको बेच के कब तो तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा तो इससे पुराने इन्वेस्टर लोग थोड़े शांत हुए फिर भी ख़राब तो लगा टैक्स तो आएगा ना लेकिन क्या उनकी कंप्लेन बंद हो गई कि हमने इतना सारा शेयर मार्केट में डाला था हमारे तो दो दो रुपए वाले शेयर सौ रुपए के होके पड़े अब टैक्स आ जाएगा तो शौक लगेगा तो बोला चल ना रो मत यार तेरा दो दो रुपए का शेयर अभी सौ हो गया ना तो दो का सौ मतलब कितने से बढ़ा है नाइन्टी एट माफ चल लेकिन अभी सौ रुपए का मतलब सौ क्या होने फेयर मार्केट वैजॉन थर्टी फर्स्ट जेनेटे इसके बाद तेरे शेयर में जो भी बढ़ोतरी हुई उस पर टैक्स आएगा तो इससे ओल्ड इन्वेस्टर को थोड़ा शांत करना पड़ा ये देखो ये क्या लिखा है सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा गेंस क्या लिखा है गेंस अप टू थर्टी फर्स्ट जैन टू एटीन गवर्नमेंट एग्जाम कर दिया मतलब जो भी 2018 तक गेन हुआ एग्जाम जैसे मैं बोला था ना दो रुपये में तूने लिया था आज वो शेयर तेरा सौ का हो गया तो जो भी तेरा गेन से है ना अप्रिशिएट होना वाला गेन हुआ है तो जो भी तेरा अप्रिशिएशन हुआ है अप अपटू थर्टी परसेंट वो माफ कर दिया है ना फिर बाद में बोलिया नहीं फ्यूचर में तो टैक्स तो आएगा ना अभी आएगा तो अभी देखो अभी भी टैक्स नहीं बढ़ना है ना सुन बजट सुनते ही तुरंत दे क्योंकि टैक्सेबिलिटी फर्स्ट अप्रैल से इफेक्टिव होगी ये भी देखो गवर्नमेंट ने क्या टेक्निक लगाई थी सी बजट फरवरी में आया था लेकिन इफेक्टिव कब से होता है फर्स्ट अप्रैल तो अगर ये लोग हैं ना अभी भी नाटक कर रहे थे ना तो क्या बोला तेरे को अभी भी रोना आ रहा है काम कर अभी का भी बेच तो शेयर्स तेरा बेच दे क्योंकि टैक्सेबिलिटी वाला रूल इफेक्टिव कब से होगा फर्स्ट अप्रैल से और अप्रैल को अभी टाइम है फरवरी में बजट था बेच दे अभी बेचेगा तो सैम लेकिन तू बजट सुनने के बाद भी तू शेयर्स को जमा करके रखा है होल्ड करके तो भाई अभी तो टैक्स आएगा ना लेकिन वो भी फर्दर अप्रीसी का आएगा बियॉन्ड थर्टी फर्स्ट जैन एटीन जो अप्रीशिएशन हुआ तो ये रूल था तो सुनो इसको बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग ग्रैंड फादरिंग का मतलब क्या नुम है नया रूल होने के बावजूद भी पुराने सेक्शन का फायदा देना ये फायदा ही दिया ना अरे मैंने क्या बताया था तूने दो दो रुपए का शेयर लिया था आज वो सौ रुपया हो चुका है तो दो से जो सौ तक अप्रिशिएट हुआ है उसको गवर्नमेंट माफ ही तो कर रही है मतलब वो तू कभी भी बेचेगा ना ते को माफ मिल रहा है मतलब रूल बदलने के बाद भी तेरे को पुराने एग्जाम्शन का फायदा मिल रहा है इसको बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग ग्रैंड फादरिंग का मतलब इवन दो बजट में अमेंडमेंट आ चुका है स्टिल तेरे को पुराने कानून का फायदा मिल रहा है और मिल ही रहा है ना कि आज मैं दो में भी मेरे कोई शेयर बेचूंगा ना तो मेरे जनवरी दो तक जो भी शेयर डेट है ना ये ये डेट तक मेरा जो भी शेयर अप्रिशिएट हुआ वो आज भी मुझे माफ है जबकि आज की तारीख में कैपिटल गेन माफ नहीं है टैक्सेबल है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पुराने रूल का एडवांटेज दे रही है उसको बोलते ग्रैंड फादरिंग तो ये बेनिफिट ऑफ ग्रैंड फादरिंग होता है मतलब गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ओल्ड रूल, रूल इवन आफ्टर द अमेंडमेंट और बेनिफिट इज वॉट योर टू रुपीज का शेयर हैज बिकम वन हंड्रेड टेक तो द एग्जेपन बट हंड्रेड के ऊपर जो फ्यूचर में अप्रिशिएशन हुआ वो टैक्सेबल हो जाएगा ओके okay? ये वाला ट्राई करो ना ये वाला एग्जाम्पल भी ट्राई करो मान लो मैंने ना सी ये रूल किसके लिए मालूम है जिन लोग ने ओल्ड इन्वेस्टर लोग के लिए सी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी मेहरबानी करके इसको जनरलाइज मत करना ये रूल इज़ ओनली फॉर पीपल हु इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट बिफोर थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन मतलब ऑनर बिफोर थर्टी फर्स्ट जैन एटीन या पहले जो इन्वेस्ट किया ना उसको मैं बोल रहा हूँ ओल्ड इन्वेस्टर तो टेल मी अगर कोई शेयर मार्केट में दो हजार अठारह के बाद नया नया घुसा है, है उन लोग के लिए सब नहीं है दिस इज ओनली फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर याद रहो ग्रैंड फादर मतलब बुढ्ढा बुड्ढे लोग के लिए ओल्ड इन्वेस्टर लोग के लिए ओके ये ट्राई करो अज्यूम करो मैंने सौ रुपये में शेयर्स लिया था कब लिया था ग्रैंडफादर मतलब पुराना इन्वेस्टर हो बहुत पहले लिया था और उसकी थर्टी फर्स्ट जैन अठारह में मार्केट वैल्यू क्या है वन फिफ्टी है और मान लो उसको मैंने ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में बेचा है सी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अपनी एग्जाम में तो सम आया तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में बेचने का माहौल बनाएंगे ना है ना और ये तो थर्टी फर्स्ट जैन एटीन का ही होगा कॉस्ट पहले का होगा क्योंकि ग्रैंडफादर मतलब ओल्ड इन्वेस्टर है ओके तो डेट की क्लैरिटी है कॉस्ट बहुत पहले की होगी और ये तो थर्टी फर्स्ट जैन एटीन का ही फिक्स्ड आएगा और सेल अपना ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में होने वाला है ये ट्राई करो ये वाला एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था कि तुझा तुझे जो भी थर्टी फर्स्ट जैन एटीन तक अप्रिसिएशन हुआ है ना वो तेरा माफ कर देंगे और जो फर्दर गेन हुआ वो टैक्सेबल तो मी ये केस में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना जल्दी बोल माई टोटल प्रॉफिट इज हाउ मच एटी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लेकिन टैक्स मुझे एटी पे आएगा नहीं ये देखो क्या लिखा है फिफ्टी तक मेरा एग्जैम्शन है और मेरे को टैक्स आएगा खाली थर्टी पे ये देखो टी लिखा टी मतलब टैक्सेबल तो मतलब खाली कितने पे टैक्स आया थर्टी पे ओके ऐसे में तुमको ना चार केस बताऊँगा चारों में मुझे आंसर बताना तो ये तो सिंपल केस था और फायदा ये ना अपने को फिफ्टी तक माफ है खाली थर्टी रुपीज पे टैक्स आएगा और सुनो ये भी थर्टी लैक्स ,00 है मान लो तो उसमें एक लाख एग्जेमट है बैलेंस पे टेन परसेंट टैक्स अगर मैं अज्यूम करो ये सब लैक्स है तो तीस लाख ,00 तो मेरा आंसर आया ना तीस लाख ,00 में भी एक लाख तक माफ है बैलेंस पे टेन परसेंट टैक्स आएगा ये वाला ट्राई करो एग्जाम्पल ये वाला ट्राई करो ये मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है सी एक बार इस पे ध्यान मत दो प्रॉफिट टोटल कितना है वो देखो फिर गवर्नमेंट इतनी इतनी हद तक माफ़ कर रही है ना तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बीस का प्रॉफ़िट हुआ है और गवर्नमेंट ने बजट में क्या वादा किया था कि तुम्हारा थर्टी फर्स्ट जैन तक जो भी अप्रिसिएशन हुआ उतने तक माफ उतने तक उतने तक मतलब ये देखो मेरा थर्टी फर्स्ट जैन तक शेयर का भाव कितना बढ़ा था सौ की जी डेढ़ सौ गई थी मतलब पचास तक गवर्नमेंट माफ़ करेगी फिर गवर्नमेंट पूछे तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है बीस बीस ही हुआ है ले माफ़ चल पूरा माफ़ अरे गवर्नमेंट ने अपने को ये आश्वासन दिया था के बजट के पहले जो थर्टी फर्स्ट जैन एटीन था ना तब तक तेरा जो भी शेयर अप्रिशिएट हुआ ना उतने तक माफ और उतने तक मतलब उससे कम हुआ तो पूरा ही माफ उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो टैक्स आएगा जैसे सी इधर उतने तक तो पचास ही था और मेरा प्रॉफिट अस्सी हो गया तब जाके तीस पे टैक्स भी आया था लेकिन इधर क्या हो रहा है लुकेर ये अप टू का मतलब समझता है एग्जाम अप टू पचास पचास तक माफ़ फिर एस एस नहीं मुझे तो बीस का ही प्रॉफिट अरे बीस ही हुआ है अरे बीस क्या पचास तक माफ़ पचास के ऊपर एक रुपया भी आए तो टैक्स आएगा तो ये इसको क्या करना चाहिए टैक्स आएगा कि फुली एग्जाम सी कभी भी लिमिट होती है मतलब उससे ज़्यादा आएगा तो तकलीफ ना कम होगा तो पूरा ही माफ़ है कम हो तो कम ही लो तो ये देखो ये फुल्ली एग्जेम्प हो गया क्यों क्योंकि उसका प्रॉफिट पचास के अंदर ही आ रहा है अगला वाला ट्राई करो ये देखो एक बार इसको मत देखो अपने प्रॉफिट कितना हुआ है चालीस अब ये माफ होगा कि नहीं अपने गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया था क्या प्रॉमिस किया था कि थर्टी फर्स्ट जैन एटीन तक तेरा अप्रिसिएशन हुआ है तो माफ कर देंगे लेकिन सी इसका साथ इसके साथ क्या हुआ है इसको प्रॉफिट तो 40 का हुआ है बहुत खुश है प्रॉफिट कमा के लेकिन 31 फर्स्ट जैन तक उसके शेयरों के भाव बढ़े थे कि उतरे थे उतरे थे सी दुख किसको हुआ था बजट में कि हमारा शेयर्स का भाव बढ़ गया था अभी आप टैक्स मारे हो चीटिंग है चीटिंग है उनको दुख हुआ था तो उनको शांत करना था इसको तो क्या बोलना जब भाई तू क्यों रो रहा है तेरे तो शेयर के भाव गिरे पड़े सौ के शेयर लिए थे तूने और बजट जब आया था तभी तो तेरा शेयर उतरा हुआ था तो इसका तो कोई कंप्लेन ही नहीं होना चाहिए तो इसको गवर्नमेंट कुछ सुख भी नहीं देगी गवर्नमेंट बोले चुपचाप तू टैक्स भर दे चल रो मत ये ग्रैंड का रोना किसका था कि यार अब बजट में आपने शौक दे दिया शौक दे दिया हमारा शेयर बढ़ा हुआ था बढ़ा हुआ था तो जिसका बढ़ा हुआ था उसका जितना बड़ा हुआ उतना माफ लेकिन इसका शेयर बढ़ा हुआ था कि उतरा हुआ था उतरा हुआ था तो इस सी लॉ ने क्या बोला है थर्टी जैन तक अप्रिशिएट हुआ तो 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 ही माफ़ करेंगे लेकिन अप्रिशिएट हुआ तो ना लेकिन इसका शेयर अप्रिशिएट हुआ था कि डेप्रिशिएट हो गया था डेप्रिशिएट हो गया था तो इसको तो माफी भी नहीं मिलेगी इसको चल चुपचाप चालीस रुपए में टैक्स भर दे पूरे पेपर सी फर्स्ट वाले आदमी का क्या है इसका शेयर तो जोरदार बिका है तो उसको बोला चल पचास तक माफ़ ऊपर का टैक्स भर दें दूसरे वाले को ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ने पचास तक तो वादा किया था तो पचास के अंदर ही आ गया तो एग्जाम लेकिन इसका तो शेयर ही नहीं बढ़ा था सी जिनके शेयर अप्रिशिएट हुए ना उसको उतने तक माफ़ किया था ओके तो ये तो पूरा ही टैक्सेबल हो गया ना अब देखो नेक्स्ट लास्ट केस में क्या है देखो इसको देखो प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है लॉस हो रहा है सी पहले ये वाले अमाउंट को बाद में देखने का बीच वाले अमाउंट को पहले कॉस्ट और सेलिंग प्राइस देखो सेवेंटी में बेचा है बेचारे की कॉस्ट क्या थी हंड्रेड तो इसको लॉस हुआ है तो सी जिसको लॉस हुआ है ना गवर्नमेंट ने बोला है चल जा मजा कर सेट ऑफ़ कर लें पूरा सेट ऑफ़ कर ये तो लॉस में गवर्नमेंट चंदीगिरी क्या कर सकती थी नहीं तीस का लॉस हुआ है पूरा क्यों सेट ऑफ देंगे यहाँ तक जो शेयर्स में लॉस हुआ है वो इग्नोर खाली इतना ही सेट ऑफ़ देंगे अरे देखो ना थर्टी रुपीज़ देखो यहाँ से यहाँ तक दस का लॉस हुआ है यहाँ से यहाँ तक बीस का लॉस हुआ है तो गवर्नमेंट चिंदी होती तो क्या बोलती ये वाला लॉस जाने दे क्योंकि इस पीरियड का तो हमने गेन भी माफ़ किया है तो लॉस को भी क्यों सेट ऑफ़ करना जाने दे खाली बीस का ही सेट ऑफ़ मिलेगा गवर्नमेंट ने चिंदीगिरी कर सकती थी लेकिन गवर्नमेंट का बड़प्पन था लॉस वाला है वैसे ही रो रहा है बेचारा तो लॉस वाले को क्या बोला तुम्हारे केस में हम बीच वाली एफ को देखेंगे भी नहीं जो लॉस हुआ दिल खोल के सेट ऑफ कर ये अच्छी बात है नहीं तो गवर्नमेंट खड़ूस होती तो क्या बोलती ये वाले लॉस को हम देखेंगे भी नहीं मतलब फिर खाली इतने का ही सेट ऑफ मिलेगा मतलब वो तो बीस ही आता ना लेकिन सेट ऑफ फुल मिला है कंक्लूजन सुनो ये रो का लॉस फुल्ली सेट ऑफ कंक्लूजन सुनो बजट आने के बाद देखो कंक्लूजन क्या था 2018 का बजट शेयर बेचने पे आपको नुकसान हुआ है ना लॉस पूरा सेट ऑफ करना और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जैन 2018 तक का प्रॉफिट में ऊपर का प्रॉफिट टैक्सेबल लेकिन जैन 2018 तक प्रॉफिट हुआ तो और अगर जैन 2018 तक तुम्हारा शेयर अप्रिशिएटिव नहीं हुआ तो कुछ माफ़ी नहीं मिलेगी और हुआ है तो जितना हुआ है उतना ही एग्जाम करेंगे अब सुनो इधर क्या है इतनी चार वेराइटी निकलती है ना तो ये कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ठीक है लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया उन्होंने इसका एक मैकेनिकल फॉर्मूला बना दिया है सी इधर क्या है जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है मेरा एक्सप्लेनेशन चेंज करना पड़ता है ना लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसा एक फॉर्मेट बनाया ना उस फॉर्मेट में फिगर डाल दो अपने आप अपने आंसर आ जाएंगे सी ये मेरा कॉन्सेपचुअली पढ़ाने का तरीका था अब मैं तुमको मैकेनिकल मेथड बताओ ये देखो लुक कियर गवर्नमेंट ने क्या किया मैं इतना दिमाग नहीं लड़ाना सी दिमाग तो बच्चों का लड़ा सकते हैं ना लेकिन गवर्नमेंट जब बजट में रूल बनाती है वो पब्लिक के लिए और पब्लिक कहाँ समझेगी इतना तो पब्लिक को क्या बोला एक काम करो आप है ना जब कॉस्ट ऑफ एक्विशन माइनस करोगे ना ये फॉर्मूला यूज करो अपने आप अप आपको बेनिफिट महसूस होगा सी इधर मैंने बेनिफिट दिलवाया ना अरे बेनिफिट नहीं था ये देख पचास तक माफ कर दिया और इसका तो गेन पचास से भी कम है पूरा माफ कर दिया ये बेनिफिट था ना लेकिन ये बेनिफिट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन दिस फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इससे सी एग्जाम में तुम लोग को है ना ये मैकेनिकल फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा बाकी सी मैं सर हूं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना पड़ा तो मैंने बता दिया लेकिन ये खाली तुम लोग तक ही सीमित रखना एग्जाम में ये पेश मत करके आना एग्जाम में कैसे करना देखो अब मैं ना यही चार आंसर तुम लोग को है ना मैकेनिकली निकाल के बताऊंगा बिना कोई दिमाग लड़ा सीधा आंसर यही आएगा देखना लुक कैन यू सी वन टू थ्री फोर केसेस थे चारों केस में पहले सेलिंग प्राइस बता दो ना चारों एक साथ बता देना देख लो जल्दी वन एटी वन ट्वेंटी वन फोर्टी याद रहना वन एटी वन ट्वेंटी वन फोर्टी सेवेंटी वन एटी वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन ये हो गया फिर लेस कॉस्ट इंडेक्स क्यों नहीं लिखा इंडेक्सेशन है ही नहीं मैं पता है तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ ये रेड वाला जोन एस टी डी पेड वाला जोन है इस दर इंडेक्सेशन नहीं है लिखा था ना तो इंडेक्सेशन का तो सवाल ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हाँ वो ट्रांसफर एक्सपेंस आता है मैंने लिखा नहीं जाने दो ना ब्रोकरेज वगैरह आता है ना वो जाने दो अब देखो फॉर्मूला क्या है एफ एम बी एज ऑन थर्टी फर्स्ट एंड एटीन और सेलिंग प्राइस पहले दोनों में से लोअर ले लो कंपेयर विद एसी मतलब एक्चुअल कॉस्ट फिर विच इज हायर कर दो एंड जो हायर वाला अमाउंट होगा ना फाइनल कॉस्ट है फिर वो फाइनल कॉस्ट कंपेयर विद द सेल प्राइस आंसर आ जाएगा तो करो ट्राई फर्स्ट केस में एफ क्या था अरे अपने केस वन में एफ क्या था केस वन केस वन देख रहा हूँ 150 और सेलिंग प्राइस कितना था 180 तो दोनों में से लोअर देखो लोअर ना फिर कंपेयर विद ये क्या लिखा है एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कितना था देख केस वन में 100 था है ना? हंड्रेड एक्चुअल कॉस्ट है तो इधर 100 लिखा फिर क्या करना विच एवरेस्ट हायर तो आंसर क्या आ गया देखो ये आ गया ना विचरिजा इसको कंपेयर करना है ऊपर सेलिंग प्राइस से फिर देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहा है थर्टी तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है अरे मतलब ये फॉर्मूला से कौआ आता है कौआ और कौवा को एफ से कंपेयर करना पड़ता है ओके एफ से तो अपने आप अपना आता है आंसर और देखो मेरा आंसर ट्वेंटी आया सॉरी थर्टी आया था ना सेम ही है लेकिन मैंने इधर थोड़ा कॉन्सेपचुअली पढ़ाया था अभी मैं मैकेनिकली कर रहा हूँ फॉर्मूला से और क्या करें अपने को एग्जाम में पेश तो ऐसे ही करना पड़ेगा आंसर सेकेंड केस में डाल के देखो सेकेंड केस में अपना आंसर फुल्ली एग्जैम्ड हो गया देखो आता है कि नहीं चेक करो सब्सटूट करो ना ये देखो पहले एफ कितनी थी 150 देख लो चेक करो वन था एफ फिर कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस 120 था तो दोनों में से लोअर क्या है 120 फिर कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट ये देखो एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट क्या था 100 था है ना कॉस्ट 100 था फिर दोनों में से हायर क्या है 120 तो 120 बन गया फाइनल कॉस्ट फाइनल कौवा कंपेयर विद दिस तो आंसर क्या जीरो मतलब मेरा कैपिटल गेंस जीरो हो गया नील और अपने भी तो वही आंसर आए थे फुली एग्जाम मतलब कैपिटल के नील नील हो गया ना फुल्ली एग्जाम लेकिन ये लॉजिक था और ये मैजिक है थर्ड केस देखो थर्ड केस में सब करो तुम लोग ही बताओ चलो एफ क्या था पहले थर्ड केस में एफ क्या था 90 था तो ये देखो 90 कंपेयर विद सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितना 140 है फिर विचर इज लोअर क्या है 90 आ गया फिर इसको कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट में सब में 100 ही लिया है तो क्या आ गया 100 फिर बेचारे सारे 100 फिर ये बन गया फाइनल कौवा कंपेयर विद से डिफरेंस कितना है 40 तो अपना आंसर 40 आना चाहिए देखो 40 आ गया और वही आया था पहले लॉजिक से है ना फिर लास्ट केस में सब्स्टिट्यूट करो 90 सेली एफएमवी कितना था नब्बे था नब्बे था लास्ट के नब्बे था फिर सेलिंग प्राइस कितना है सेवेंटी दोनों में से लोअर क्या है सेवेंटी फिर कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट हंड्रेड फिर हायर फिर ये फाइनल आंसर अपना कॉस्ट होता है कंपेयर विद दिस सेवेंटी माइनस हंड्रेड लॉस आ रहा है लॉस थर्टी का और अपना आंसर वही आया था देख ले सी ये मैंने कॉन्सेप्टचुअली बताया था वो सर लोग का क्या कॉन्सेप्टचुअली पढ़ाना पड़ता है इससे बताया था लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अपने को ऐसे ही करके आना पड़े ओके okay? लेकिन सी वार्निंग दे रहा हूँ ये खाली ओल्ड इन्वेस्टर के लिए कितने स्टूडेंट क्या करते हैं उनमें ये सर ने ये फॉर्मूला बताया था डाल दो डाल दो अरे वो किधर डालता है उनमें न्यू इन्वेस्टर के सब में भी डाल देता है मेरे को बताओ न्यू इन्वेस्टर मतलब जिसने थर्टी फर्स्ट जैन एटीन के बाद शेयर मार्केट में डाला था तो मेरे को बताओ ये देखो हाथ देखो मेरा जिसने थर्टी फर्स्ट जैन एटीन के बाद शेयर मार्केट में पैसा डाला था तो उसका तो जो कॉस्ट है वही कॉस्ट इतना बड़ा फॉर्मूला जो कॉस्ट है वही कौवा और जो थर्टी फर्स्ट जैन एटीन या पहले का इन्वेस्टर है ना तो उसके लिए फॉर्मूला से बनेगा कौआ तो न्यू इन्वेस्टर का जो कॉस्ट है वही कौआ और पुराने के लिए फॉर्मूला से बनेगा कौआ ये ग्रैंड फादरिंग होता है फिर ये कौआ कंपेयर विद एफ आएगा कैपिटल गेन और ये लटक जिम ही होता है शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी ग्रैंड फादरिंग है ही नहीं शॉर्ट टर्म वाला तो अगर बेचा होगा तो खरीदा भी तो अभी होगा ना वो तो वैसे भी न्यू इन्वेस्टर होगा 23, 24 में बेच के कोई शॉर्ट टर्म किया है उससे खरीदा भी अभी होगा उसका तो कॉस्ट जो है वही ये लॉन्ग टर्म ही होता है और उसमें भी ओल्ड इन्वेस्टर ओके तो ये देखो कमिंग टू दिस मेन चार्ट अपने ये पढ़ रहे थे ना अपना इसका सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है लेकिन टेल मी इधर फायदे क्या क्या बताओ एक फायदा बताओ ना फिर अच्छा पॉइंट बताओ फायदा क्या क्या था खाली 10% परसेंट टैक्स आ रहा है और एक लाख का एग्जेपन भी है और ग्रैंड भी बेनिफिट ही है इफ यू आर एन ओल्ड इन्वेस्टर लेकिन ये बेनिफिट चाहिए तो शर्त क्या मालूम है दोनों टाइम पेड होना चाहिए परचेज के टाइम सेल के टाइम दोनों टाइम मतलब ये इक्विटी शेयर्स है ना सी अभी इक्विटी शेयर्स को बेच रहा हूं तो बेचते टाइम भी एस टी बराबर रहना चाहिए खरीदते टाइम भी दोनों टाइम बराबर रहना चाहिए तो ही गवर्नमेंट तेरे को ये सुने रहा रेड वाला ट्रीटमेंट देगी नहीं तो तेरे को ऑरेंज में धकेल देंगे और ऑरेंज में कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है नॉर्मल ट्रीटमेंट ही मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट ये रेड वाला है ये चाहिए तो शर्त क्या है खरीदते टाइम भी एस टी टी पेड होना चाहिए और बेचते टाइम मतलब खरीदा भी तूने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से था बेचा भी तूने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मतलब वाया स्टॉक एक्सचेंज तूने खरीदा बेचा था दोनों टाइम एस टी टी पेड होगा तो ही लेकिन ये सुन इक्विटी शेयर्स में एक और चीज थी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है ना म्यूचुअल फंड इसमें तो बेचते टाइम भी एस टी डी पेड है तो चलेगा खरीदते टाइम एस टी डी नहीं भरा था मतलब म्यूचुअल फंड में सब्सक्राइब किया था वो टाइम एस टी डी नहीं लेकिन बेचते टाइम एस टी डी भरा तो भी चलता है अरे मैं क्या सिखा रहा हूँ ये सुनहरा ट्रीटमेंट चाहिए तो कंडीशन क्या है एस टी डी पेड होना चाहिए लेकिन वॉट टाइम इक्विटी शेयर्स है तो बहुत टाइम परचेज टाइम सेल टाइम बहुत टाइम और अगर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है एस टी डी शुड बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल दोनों टाइम भरा तो अच्छा ही है बट इवन इफ एट द टाइम ऑफ सेल एस टी डी पे किया तो चलता है ओके okay, ये हो गया फिर सुनो टहलमी इक्विटी शेयर में अगर बोथ टाइम एस टी डी पेड नहीं हुआ तो मतलब या तो खरीदते टाइम ही भरा था या बेचते दोनों टाइम नहीं भरा था तो पता है अपने ऑरेंज वाले एरिया में आ जाएंगे और ऑरेंज वाले एरिया का ट्रीटमेंट अभी तक बताया नहीं है ओके सो so, रेड वाले एरिया में चाहिए तो बोन टू टाइम एस टी टी पेड़ होना चाहिए और एक चीज़ लास्ट चीज़ फिर ये रेड वाला पैच पूरा खत्म हो जाएगा ये देखो ये क्या था ये ग्रैंड फादरिंग में अपने ये फार्मूला यूज करते ना ये का फॉर्मूला देखे बगैर बोलो क्या था एफ एम बी एजाउंड थर्टी फर्स्ट एंड एटीन सेलिंग प्राइस विचर इज लोअर कंपेयर टू एक्चुअल कॉस्ट विचर इज हायर लेकिन सी इधर जो एफ था ना ये फेयर मार्केट वैल्यू में कभी कभी इन लोग ऐसा देते हैं हाइएस्ट ट्रेडिंग प्राइस और लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस सी ये थर्टी फर्स्ट जैन का शेयर मार्केट का प्राइस है ना सी शेयर्स का भाव तो स्टॉक एक्सचेंज से मालूम पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज में मालूम में एक दिन के अंदर भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है सुबह शेयर्स का क्या भाव था दोपहर को भाव अलग है शाम को भाव अलग है अरे भाव फ्लक्चुएट होता है ना इन अ डे भी तो अपने को फ्लक्चुएटिंग भाव में कौन सा भाव लेना है सी गवर्नमेंट ने तो क्या बोला थर्टी फर्स्ट जैन लो लेकिन थर्टी फर्स्ट जैन में भी शेयर का भाव कितना ऊपर नीचे हुआ होगा ना तो हाईएस्ट प्राइस लेना है मतलब थर्टी फर्स्ट जैन के दिन उन शेयर्स का मैक्सिमम प्राइस क्या हुआ था हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब क्वेश्चन में लोग ऐसे दो दो एफ भी देंगे ना लोएस्ट वाला ट्रेडिंग प्राइस बोल के हाइएस्ट वाला और एवरेज भी दे देंगे तो अपने हाईएस्ट को ही पकड़ना तो इधर एफ का मतलब होता है हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस एज ऑन थर्टी फर्स्ट जैन एटीन हाइएस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि इन अ डे देर आर वेरियस प्राइस फ्लक्चुएशन यू टू टेक द हाईएस्ट वन अब सुनो ये रेड वाला एरिया पूरा हो गया ओके अब है ना ऑरेंज वाले एरिया में कब जाते बताओ यार इक्विटी शेयर्स में तुमने दोनों टाइम नहीं भरा होगा ओके okay? एक से इक्विटी शेयर मैंने क्या हो दोनों टाइम भरा होना दोनों टाइम लेकिन इसमें एक्सेप्शन है अगर तूने आईपीओ में शेयर्स लिया था ना पब्लिक इशू में तो एस कैसे लगा होगा वो तो पब्लिक इशू में लिया था सी कभी भी कंपनी ने शेयर्स मेरे को अलॉट किया था ना तो कंपनी से लिया तो एस टी आया ही नहीं होगा फिर तो बेचते टाइम एस टी टी भरा तो भी चलेगा ऐसे गवर्नमेंट क्या चाहती है इक्विटी शेयर्स तेरे को दोनों टाइम एस भरे हुए रहने चाहिए लेकिन कोई बोले नहीं मेरे इक्विटी शेयर्स तो मैंने मार्केट से नहीं उठाए थे वो तो मैंने कंपनी ने अलॉट किया था पब्लिक इशू में राइट्स इशू में बोनस इशू में तो तो एस वैसे भी पॉसिबल नहीं है तो वन टाइम एस पेड भी चलता है अगर कोई बोले मैंने कंपनी से शेयर्स लिया था पब्लिक इशू राइट्स इशू बोनस इशू में ओके अदरवाइज बोथ टाइम चाहिए ओके नाउ टेल मी बोथ टाइम नहीं हुआ तो अपने इधर आ जाएंगे और या फिर सुन इक्विटी के बल्ले को नॉन इक्विटी आइटम है तो भी इधर आ जाता है अब पता है ऑरेंज वाले में क्या होता है लुक टेल मी ऑरेंज में मैंने कोई एस नहीं भरा है ना तो मुझे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाई गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट ने मुझे चुपचाप जो टैक्स आता है भरो क्या टैक्स आता है बताओ लॉन्ग टर्म पे कितना टैक्स आता है ट्वेंटी परसेंट दो हाँ इंडेक्सेशन मिलता है तो ट्वेंटी परसेंट इंडेक्स लेके भरो और शॉर्ट टर्म पे कैसे टैक्स आता है स्लैब रेट्स वगैरह के हिसाब से तो भरो अरे मतलब नॉर्मल टैक्स आएगा क्योंकि एस टी नहीं भरा है तो गवर्नमेंट मेरे को कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं दिखाएगी ना लेकिन से इसमें भी एक अच्छा पॉइंट है ये देखो लुक य पढ़ो क्या लिखा है ऑरेंज वाले एरिया में अगर तुझे लॉन्ग टर्म गेन हुआ है और वो लिस्टेड आइटम है लिस्टेड मतलब उसका शेयर मार्केट में भाव आता है लेकिन तूने शेयर मार्केट के थ्रू नहीं बेचा क्यों शेयर मार्केट के थ्रू नहीं बेचा तभी तो एस टी डी नहीं भरा है तूने जैसे मान लो तेरे पास रिलायंस के शेयर्स है वो तूने अपने फ्रेंड को बेचे और फ्रेंड को बेचे तो तूने एस टी डी नहीं भरा ऑफ मार्केट बेचा है ना तो सी अगर तुम्हारे पास कोई लिस्टेड चीज़ है तो ये देखो रूल क्या है पढ़ो क्या लिखा है अपने दो बार कैपिटल गेन निकालेंगे एक विद इंडेक्स और एक विदाउट इंडेक्स इंडेक्स लेके 20 परसेंट टैक्स आएगा इंडेक्स लिए बगैर 10 परसेंट आएगा फिर दोनों में से जो कमती है वो भरो मतलब ये बट यह बेनिफिट किसके लिए लिस्टेड सिक्योरिटी और वो भी नो एस टीटी पेड मतलब ऑरेंज जोन में आया तो सिर्फ रेड वाले जोन में तो इंडेक्स वैसे भी नहीं है ना यार रेड वाले जोन में तो इंडेक्स वैसे भी नहीं है रेड वाले में लेकिन मैं ऑरेंज वाले में बता रहा हूँ ऑरेंज वाले में तो इंडेक्स मिलता भी है क्योंकि एस टी डी नॉट पेड है ना और इंडेक्स विंडेक्स लेगा तो बीस टका टैक्स भर और इंडेक्स नहीं लेगा तो खाली दस परसेंट और जो पसंद है कर लेकिन ये चॉइस खाली लिस्टेड होगा तो ही मिलेगा अगर वो अनलिस्टेड आइटम हुई ना तो नो चॉइस नो चॉइस मतलब चुपचाप बीस तक टैक्स भरो इंडेक्स विंडेक्स लेके और लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन ले लो ट्वेंटी परसेंट टैक्स भरो अनलिस्टेड बात तो ओके एंड व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट्स अरे ये ना इधर कुछ खास नहीं था खाली एक खास बात क्या थी ये थी देखो ये बाकी सब तो नॉर्मल ही था तो इसलिए सुनो मेरे को पता एग्जाम में क्या है करोगे कैसे सबसे पहले क्या चेक करोगे सम किस पे दिया है अगर तुमको लगा ना इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसका सम है तो आगे चेक करो एस टी टी का स्टेटस चेक करो इक्विटी है तो चेक करो दोनों टाइम एस टी टी पेड़ होना चाहिए और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो एट द टाइम ऑफ सेल पेड़ होना चाहिए और अगर इसका आंसर हाँ है हाँ तो रेड वाली थियोरी यूज करो लेकिन अगर सम में मालूम पड़ा नहीं इक्विटी नहीं प्रेफरेंस शेयर्स का सम है बॉन्ड्स का है डिवेंचर्स का है या फिर इक्विटी का है तो बोथ टाइम एस टी टी पेड नहीं है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो एट द टाइम सेल एस टी टी पेड नहीं है तो अगर ऐसे केस में आ गया तो क्या करोगे फिर चेक करो आइटम लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड हुई तो दो दो कैपिटल गेन निकालना विद इंडेक्स ट्वेंटी परसेंट विदाउट इंडेक्स टेन परसेंट और अनलिस्टेड हुआ तो एक ही बार वर्किंग करना और उस पर ट्वेंटी परसेंट टैक्स विद इंडेक्स और शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल रेट से टैक्स आ जाएगा तो ये चार्ट दिमाग बिठा दो ओके अब है ना इसके बाद अपना क्या बसता है देखो लो कैसे हो गया ना एक सेक्शन 51 है सॉरी 55 है बचाए खत्म ही कर देते देखो हम्म बराबर हाँ, बराबर एक से ना ये देखो लुक लुकियर सेक्शन फिफ्टी फाइव में देखो क्या लिखा है ये देखो पढ़ो इधर छह पॉइंट्स है छः पॉइंट में अपना कॉस्ट क्या होगा वो उसका रूल है मतलब कॉस्ट पे सेक्शन है और कॉस्ट कैपिटल अगेंस्ट पे लेस होता है ना तो ये देखो पढ़ो इसमें फर्स्ट दो पॉइंट तो अपने को पता ही है फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अभी भी परचेज वन फोर टू थाउजेंड वन के पहले होता है तो अपने क्या करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन बेचारे हायर करते हैं ना तो वो रूल तो अपने को पता ही था और ये रूल सेक्शन फिफ्टी फाइव में दिया है फिर एक रूल था इम्प्रूमेंट बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन इग्नोर करते ये रूल तो पता ही था लेकिन ये रूल कहाँ दिया सेक्शन 55 में तो सेक्शन 55 की दो बात तो तुमको पहले से पता थी तीसरी बात सुनो बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स के लिए साथ क्या करना चाहिए सी बोनस पे तो पता है सेली मिस्टेक क्या हो सकती है हाँ बोनस शेयर्स तो फोकट में मिलता है ना तो हम लोग उसका कॉस्ट जीरो ले लेते ले हैं लेकिन केयरफुल रहना अगर बोनस है ना ये पढ़ क्या लिखा है बिफोर वन फोर टू का हुआ तो अपने को इस फॉर्मूला का पालन करना पड़ेगा अरे कैपिटल गेन में तो रूल है हर वो चीज जो बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन है तो उसका क्या है एक्चुअल कॉस्ट और एज ऑन हायर करते तो बोनस चेज में भी करना चाहिए लेकिन बच्चों को स्ट्राइक नहीं होता बच्चे क्या करते गाय गाय में हा बोनस का कॉस्ट तो जीरो होता जीरो ले लेते जीरो लेना लेकिन अगर वन फोर ये देखो अगर ये पढ़ो बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन के बोनस हुए ना तो क्या करेंगे देखो एक्चुअल कॉस्ट और एफ एम भी इज हायर करना और एक्चुअल कॉस्ट तो बोनस शेज़ का नील ही होगा लेकिन एफ एम भी थोड़ी शेष का नील होगा वो क्वेश्चन में देंगे और फिर ये इज हायर करोगे ना तो एफ एम भी हायर आएगी फिर इन टू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफ़र नीचे परचेस और इंडेक्स क्यों हो रहा है क्योंकि बोनस शेज है ही वन फोर टू थाउजेंड वन के पहले का तो लॉन्ग टर्म ही है हाँ नील कब डालोगे अगर ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउन वन बोनस अलॉट हुआ होगा तो ओके तो बोनस का पॉइंट था ये सेक्शन फिफ्टी फाइव में दिया हुआ है फिर राइट्स इस इशू राइट्स इस इश्यू में शेयर फोकट में मिलता है कि सस्ते में सस्ते, सस्ते में तो कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ती है ना तो जो कंपनी ने इशू प्राइस के वक्त मांगा था वो मेरा कॉस्ट है अरे ये सेक्शन कॉस्ट के ऊपर है तो कोई पूछे राइट शेयर का कॉस्ट क्या होता है ज़ीरो तो नहीं होगा राइट्स so, इशू में इश्यू प्राइस में कुछ मैंने चुकाया था तो जो इश्यू प्राइस है वही मेरी कॉस्ट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और राइट्स इशू है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करता है उसको जो राइट्स मिला वो रेनाउंस कर देता है मतलब उसको जो राइट्स इशू में अप्लाई करने का सौभाग्य मिला है वो किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र कर देता है ये देखो जैसे कि लुक यार एक मिस्टर एक्स था उसको राइट्स इश्यू में अप्लाई करने का ऑफ़र मिला था लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे ऑफर बड़ा प्यारा होता है राइट्स इश्यू में सस्ते में मिलता है ना लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे तो सस्ता क्या महंगा क्या पैसा ही नहीं था तो उसने क्या किया अपना ऑफ़र मिस्टर वाई को दे दिया और मिस्टर वाई कोई आउटसाइडर है और इसको है ना राइट्स इश्यू में अप्लाई करने की तलब थी लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि नॉन शेयर होल्डर था तो एक्स ने क्या किया उसने अपना ऑफर वाई को रिनाउंस कर दिया फिर वाई ने इशू प्राइस कंपनी को पे की तो पता है वाई के लिए राइस से थोड़े महंगे हो गए कैसे एक्स ने अपना ऑफर दिया तो फोकट में थोड़ी उसने भी कुछ पैसा मांगा होगा फिर कंपनी भी इशू प्राइस मांग रही है मतलब वाई को दो दो जगह पैसा देना पड़ रहा है कंपनी को देना पड़ा इशू प्राइस और रिनाउंसर को देना पड़ा कुछ कीमत तो पता है वाई के लिए कॉस्ट क्या होगा इशू प्राइस प्लस अमाउंट पेड टू रिनाउंसर ओके तो देखो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है सेक्शन 55 में पढ़ो क्या लिखा है राइस right शेयर्स के लिए आउटसाइडर की कॉस्ट क्या है इशू प्राइस प्लस अमाउंट पेड टू द रिनाउंसर ओके फिर एक और चीज है इधर देखो x ने अपना ऑफर y को दिया ना तो इसमें भी कैपिटल गेन आता है x क्या बोलेगा मेरा ऑफर मैंने दे दिया मतलब एक तरह से x ने रेलिंक्विशमेंट किया पता है ट्रांसफर में था सेल एक्सचेंड रेलिंक्विशमेंट क्विशमेंट तो टू रेलिंग क्विश तो टू गिव अप तो x को मस्त चांस मिला था राइट इशू में अप्लाई करने का लेकिन उसने वो चांस गवा दिया मतलब तो रेलिंक्विश कर दिया लेकिन बदले में दो लाख रुपया छाप लिया ना उसने तो सी इधर भी कैपिटल आता है कैसे आता है? देखो ये कैलकुलेशन देखो ना कैसे किया मैंने ये मिस्टर एक्स को आएगा मिस्टर एक्स क्या बोलेगा दो लाख मुझे मिले हैं क्या बेच के उसने शेयर नहीं बेचा है शेयरों में अप्लाई करने ऑफर दिया ऑफर ऑफर बेच के दो लाख मिला ओके लेकिन ऑफर की कॉस्ट जीरो होती है अरे अकाउंट्स में सेल ऑफ राइट्स बोलते सेल ऑफ राइट्स तो सेल ऑफ राइट्स में हमने शेयर्स नहीं बेचा है हमने हमारा ऑफ़र किसी को दे दिया और ऑफ़र का कॉस्ट ज़ीरो होता है ना वो भी सेक्शन 55 में लिखा है ओके लेकिन ऑफ़र के लिए उसको जो दो लाख मिला उसका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा और ये पता है हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा क्योंकि राइट्स इश्यू है ना दस पंद्रह दिन के लिए ओपन होता है तो विद इन टेन फिफ्टीन डेज शेयर होल्डर लोग डिसाइड करते हैं कि मैं खुद अप्लाई करूं कि रेनाउंस कर दूं तो वो विद इन शॉर्ट पीरियड ही होता है तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा तो ये भी सेक्शन फिफ्टी फाइव में लिखा है फिर देखो सेक्शन फिफ्टी ये देखो इधर पढ़ो क्या लिखा था पांचवा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है राइट्स का जो ऑफर होता है ना उसकी कॉस्ट जीरो होती है मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना ऑफर अनाउंस करता है तो उसका कॉस्ट जीरो है लेकिन जो पैसा मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन पूरा कैपिटल गेन में आता है फिर लास्ट पॉइंट देखो सेल्स जनरेटेड एसेट्स का ये देखो आज अगर मिस्टर एक्स ने गुडविल बेचा है अरे गुडविल अकेला नहीं बिकता धंधा बेचते हैं ना तो धंधे में गुडविल भी बिक जाता है और गुडविल के लिए पता है एक स्पेशल प्राइस चार्ज करते हैं तो मान लो एक्स ने अपना धंधा वाई को बेचा और गुडविल के लिए पांच लाख चार्ज किया तो इसका कैपिटलगेंस्ट कैसे आएगा देखो पांच लाख एफ लेकिन कॉस्ट जीरो है कि गुडविल बनाने में मेहनत बहुत लगी होगी हार्डवर्क लगे लेकिन पैसा थोड़ी लगा है और कॉस्ट का मतलब पैसा कितना लगा तो एक्स बोलेगा पैसा तो नहीं लगा दिन रात की मेहनत लगी थी अरे मेहनत लगी थी ठीक है अच्छा किया तूने पैसा लगा था नहीं क्योंकि गुडविल सेल्फ जनरेट होता है सेल्फ मतलब खुद जनरेट करता है और उसमें कॉस्ट विल बी जीरो और सी लॉ ने क्या बोले बात गुडविल की नहीं है गुडविल पेटेंट कॉपीराइट जो तुमने खुद एसेट जनरेट किया है उसका कॉस्ट जीरो होता है लेकिन ये देखो मेरे एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूं और सी ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है एक्चुअली गुडविल की लाइफ डिपेंड्स अप ऑन बिजनेस की लाइफ गुडविल बिज़नेस का होता है तो अगर कोई बिजनेस मैंने दो साल चला के बेच दिया अरे गुडविल कब बिकता है धंधा बिकता है तब गुडविल जाता है तो धंधा दो साल में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म और तीन साल रखा फिर बाद में बेचा तो लॉन्ग टर्म लेकिन गुडविल बनाने के लिए तो साल बहुत लगे होंगे यूजुअली लॉन्ग टर्म होगा ऐसा तो नहीं है कोई धंधा किया दो तीन साल में फेमस हो होकर धंधा बेच दिया ऐसा नहीं होता है यूजुअली गुडविल कब होता है जब लंबे टाइम तक धंधा चला है और जो भी है लाइफ ऑफ गुडविल इज लाइफ ऑफ बिजनेस अगर बिजनेस तीन साल या कम वाला था तो शॉर्ट टर्म तीन साल या ज़्यादा वाला है तो लॉन्ग टर्म बिजनेस की लाइफ पे निर्भर करता है फिर ये देखो वाई ने क्या किया बना बनाया फेमस धंधा खरीद तो लिया फिर बाद में उसने भी ये धंधा आगे बेच दिया ये देखो किसको बेचा जेड को अब जेड को उसने अपना धंधा बेच दिया और अब जेड से गुडविल का पैसा चार्ज कर रहा है वाई भी कोई रेप्यूटेड बिजनेस बेच रहा है ना अब वाई जेड को क्या बोलेगा भाई तेरे को जो मैंने धंधा बेचा है वो बहुत फेमस है तो मुझे गुडविल के लिए आठ लाख चाहिए तो सी वाई के लिए क्या मालूम है गुडविल के लिए आया आठ लाख गया भी था उसका तो ये देखो वाई के लिए कैपिटल कैसे आएगा अभी वाई क्या बोलेगा गुडविल बेच के आठ लाख मिला तो जो मिला उसके लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो गया और इसकी कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगी क्यों वाई के लिए गुडविल इज़ सेल्फ जनरेटेड के परचेस्ड गुडविल परचेस्ड और परचेस्ड गुडविल की परचेस प्राइस होती है और उसकी परचेज प्राइस क्या थी है देखो कि उसने पाँच लाख दिया था ना वो उसका कॉस्ट है और जो जेड से मिला है वो उसकी सेल प्राइस है इन शॉर्ट कंक्लूजन के हाल में ये भी सेक्शन 55 में दिया है कि अगर चीज़ तुम खुद बनाते हो तो कॉस्ट ज़ीरो है लेकिन अगर तुम परचेस करते हो तो जितने में परचेस किया वो उसका कॉस्ट प्राइस और ये गुडविल के थ्रू मैंने सिखा है लेकिन एक्चुअली देखो रूल किसके लिए देखो गुडविल ट्रेडमार्क ब्रांड नेम पेटेन कॉपी कुछ भी अगर तूने खुद जनरेट किया है ना तो कॉस्ट विल भी निल और अगर तूने परचेस किया है तो परचेस प्राइस इन शॉर्ट ये छोटा सा बेसिक सेक्शन था ये हो गया ना अब सुनो अगला सेक्शन बहुत जोरदार और काम का सेक्शन है ये देखना लेटेस्ट अमेंडमेंट एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट है हियर सेक्शन फिफ्टी डबल ए मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर वालों के लिए मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर वालों के लिए नया सेक्शन आया कैपिटल गेंस में सी वो सेक्शन क्या है फिफ्टी डबल ए सेक्शन फिफ्टी डबल ए कैपिटल गेंस का है अब सुनो दिस सेक्शन इज ऑन मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड सेक्शन क्या बोल रहे बताऊंगा लेकिन पहले याद करो सेक्शन किसके लिए मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक से मुझे कुछ चीजें छुपाने दो तो नहीं तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा पहले समझो ये मार्केट लिंक डिवेंचर्स क्या होता है ये डिवेंचर ऐसे है ना जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ही मिलता है तुम लोग ने जब से डिबेंचर्स को जाना है उसके बारे में क्या पहचान है तुम्हारी क्या डिबेंचर्स होते हैं दस पंद्रह साल में रिडीम हो जाते हैं हर साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यही सुना है ना लेकिन ये अलग डिबेंचर होते हैं ये डिबेंचर्स का पहले तो लाइफ क्या होता है ना मैं दो तीन साल हायर साइड में तीन साल अरे चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह महीने का भी होता है दो साल का भी होता है मतलब एकदम शॉर्ट पीरियड का डिवेंचर है और इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है इस पे रिटर्न्स मिलेगा लेकिन मार्केट लिंक्ड फील कर मार्केट लिंक्ड मतलब जिस कंपनी के डिवेंचर में मैंने पैसा डाला ना वो कंपनी ने मेरे को पहले ही बोल दिया है भाई तू ये मत एक्सपेक्ट करते को दस टका पंद्रह टका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तेरे को रिटर्न मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट और परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट का मतलब क्या नहीं है देखो शेयर मार्केट की जो टॉप फिफ्टी कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा उसको बोलते निफ्टी निफ्टी मतलब निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है एनएससी का टॉप फिफ्टी कंपनी एनएससी का टॉप फिफ्टी कंपनी तो एनएससी से एन उठाते और फिफ्टी में से इफ्टी उठाते तो क्या बन जाता है निफ्टी सुना होगा ना निफ्टी तो एन एस सी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब सी कंपनी क्या बोल रही है तेरे को डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन डोंट वरी तेरे को रिटर्न मिलेगा लेकिन तेरा रिटर्न एकदम कम भी हो सकता है एकदम ज़्यादा भी हो सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप फिफ्टी कंपनी जिसको बोलते हैं निफ्टी का इंडेक्स वो सब कैसे मेजर होता है जाने दो ना एज अ स्टूडेंट तुम लोग खाली इतना याद रखो ना कि ये डिबेंचर में मैं अगर सोचू ना मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले मिलेगा नहीं मिलता है और वो ईयर टू ईयर भी नहीं मिलता है ये पूरा रिडम्पशन के साथ मिलता है एक शॉट में मिल जाएगा जैसे मान लो तुमने डिबेंचर में कुछ सौ रुपया डाला था तेरे को आठ सौ रुपया मिल गया रिडम्पशन पे और पॉसिबल है बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं अरे अपने ट्रेडिशनल डिवेंचर में क्या रिडम्पशन में सौ का सौ ही मिलता है इधर सौ रुपया डाला था सीधा आठ सौ अठारह सौ भी मिल सकता है क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म किया ना क्योंकि ये डिपेंसर का रिटर्न डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 50 कंपनीज और सुनो परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 50 कंपनी को जरूरी नहीं है ये तो मेरा एग्जांपल था कोई कोई कंपनी क्या बोलते हैं गोल्ड मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा फॉरेन करेंसी मार्केट के परफॉर्मेंस पे मतलब योर रिटर्न डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ सम मार्केट नाउ डेट सम मार्केट कैन बी परफॉर्मेंस ऑफ टॉप फिफ्टी कंपनीज परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ यू कैन से क्या बोला था मैंने फॉरेन करेंसी मार्केट मतलब इन शॉर्ट मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स फील द वर्ड मार्केट लिंक्ड मतलब तेरे डिबेंचर्स पे देखो कितना रिटर्न मिलेगा दैट इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट और सी मार्केट परफॉर्मेंस मतलब वो हर कंपनी के अलग रूल होते हैं वो तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है ना तब टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होता है कि तेरा रिटर्न विल डिपेंड अपॉन टॉप फिफ्टी कंपनीज वगैरह वगैरह ओके जो भी स्टूडेंट को क्या याद रखना है, है? फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इधर मिलेगा तो बहुत जोरदार मिलेगा नहीं मिलेगा तो एकदम कम मिलेगा है ना लेकिन अपना प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर होता है ये खासियत है प्रिंसिपल मतलब अगर मैंने डिवेंचर में सौ रुपया डाला है तो वो मेरा सेफ है हाँ ऊपर एक्स्ट्रा एक मिले के लाखों मिले कुछ फिक्स नहीं है लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होता है तभी तो लोग पागल है इसमें मतलब पैसा डूबेगा नहीं रिटर्न नहीं के बराबर मिलेंगे या जोरदार मिलेंगे लेकिन बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है और अमीर लोग तो बहुत पैसा डालते हैं इसमें और पता है इसमें लोगों का अच्छा खासा कमाई होता है इसलिए गवर्नमेंट ने पता इसके लिए क्या किया है इसका कैपिटेंस हमेशा शॉर्ट टर्म रखा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझ के इस पर शॉर्ट टर्म वाला टैक्स लगेगा यूजुअली पता है डिबेंचर जैसी चीज में वन ईयर के बाद बेचूँ तो लॉन्ग टर्म हो जाता है अरे डिबेंचर लिस्टेड सिक्योरिटी होता है ना उस पर वन ईयर का रूल होता है ना लेकिन ये तो वन ईयर के बाद भी बेचा तो भी शॉर्ट टर्म वन ईयर के अंदर बेच तो तो शॉर्ट टर्म है बाद में बेच तो भी शॉर्ट टर्म कभी भी ऑलवेज शॉर्ट टर्म क्यों पता है क्यों गवर्नमेंट चाहती है इस पर गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिले सी लॉन्ग टर्म पे तो गवर्नमेंट को लिमिटेड टैक्स मिलता है ना शॉर्ट टर्म पे तो फुल टैक्स मिलता है आदमी जैसे लोग होते हैं अपने तो स्लैब रेट्स स्लैब रेट्स पे 30 परसेंट जाता है कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टर है तो 40 परसेंट टैक्स रेट है मालूम है पार्टनरशिप फॉर्म थर्टी परसेंट एंड बिकॉज गवर्नमेंट को इस पर ज्यादा टैक्स चाहिए ना एक रूल ही बना दिया है दीज डिचर्स आर ऑलवेज अज्यूम्ड ए शॉर्ट टर्म विच डिचर्स मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स लॉजिक यही है गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा चाहिए और टैक्स ज्यादा क्यों चाहिए क्योंकि लोगों की कमाई भी जोरदार है पहले तो अमीरों का शौक होता है और उसमें भी रिटर्न्स जोरदार आते हैं तो गवर्नमेंट इसमें मुंह मारना चाहती पूरा और मुंह मारने के लिए क्या बोला हम इसको शॉर्ट टर्म ही ट्रेड करेंगे अरे तो एक्सेप्शन क्या हो गया वन ईयर के बाद भी बेचा तो भी शॉर्ट कभी भी बेच खैर ये डिबेंचर की लाइफ वैसे दो तीन साल ही होती है लेकिन यार दो तीन साल मतलब दो तीन साल के अंदर भी बेचा तो ऐसे तो लॉन्ग टर्म होता है ना लेकिन दिस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म और सुनो ये रूल है ना खाली मार्केट लिंक डिबेंचर्स के लिए नहीं है एक और चीज है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ये पता है कैसा म्यूचुअल फंड है ये देखो ऐसा म्यूचुअल फंड जो पब्लिक से पैसा लेके इक्विटी में कम डालती है मैक्सिमम थर्टी फाइव परसेंट इक्विटी में डालती है तो बाकी कहाँ डाले डेट में एक तरह से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया इक्विटी ओरिएंटेड कब होता है सर 65 परसेंट पब्लिक का पैसा इक्विटी में डालते हैं लेकिन इधर तो उल्टा है 65 नहीं 35 मतलब मैक्सिमम 35 परसेंट ये लोग इक्विटी में डालेंगे मतलब पहले म्यूचुअल फंड को पब्लिक से पैसा आएगा फिर वो पैसा म्यूचुअल फंड मैक्सिमम थर्टी इक्विटी में डालेगी तो बाकी सब डेट में और पता है डेट म्यूचुअल फंड वालों का पोर्टफोलियो ऐसा होता है ना पब्लिक का पैसा है ना अलग अलग जगह डालते रहे रिलायंस का डिबेंचर इन्फोसिस का एल का सब जगह तो ये डेट भी चमक चमकने लगता है नहीं तो डेट क्या रद्दी मानते डेट में क्या रिटर्न मिलता है लेकिन ये म्यूचुअल फंड है ना अलग अलग डेट्स में बॉन्ड्स में डालते हैं ना तो ऐसा पोर्टफोलियो बनता है कि इधर रिटर्न्स भी जोरदार होता है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट लालची है तो इधर भी रूल क्या है इधर लॉन्ग शॉर्ट नहीं ऑलवेज शॉर्ट इन शॉर्ट तुम लोग को देखो याद क्या याद रखना ये देखो ये कैपिटल गेन्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है ऑलवेज ये देखो क्या लिखेगा एफ सी में क्या आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी और सेल प्राइस मीन्स अगर तू मेच्योरिटी तक वेट करेगा तो रिडम्शन पे पैसा मिलेगा और तेरे को मेच्योरिटी तक राह नहीं देखना है ओपन मार्केट में बेच रहा है तो बेच दे जो भी है तू मेच्योरिटी की राह दे के बेच दे जो तेरे को रोकड़ा मिलेगा ना वो एफ है और कॉस्ट तो वैसा का वैसा माइनस हो जाएगा हाँ ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह आएगा और जो आंसर है ना वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का जो रेगुलर टैक्स रेट होता है ना स्लैब रेट्स डिपेंडिंग अपॉन एस एस सी में तो थर्टी परसेंट इंडियन कंपनी का थर्टी फॉरेन कंपनी फोर्टी वो हिसाब से टैक्स लगेगा तो ये नया सेक्शन है इन शॉर्ट इन लोग सम डालेंगे ना एक ही चीज याद रखना उसको शॉर्ट टर्म ही करना है और पक्का इन लोग तुमको बहकाने के लिए क्या करेंगे ऐसा दिखाएंगे कि उसने दो साल के बाद बेचा है तो अपने दो साल सुन के लगे रहे लॉन्ग है लेकिन नहीं इसको शॉर्ट ही ट्रेड करना है तो ये था सेक्शन फिफ्टी डबल है लेकिन इसके लिए दो चीज सब में आ सकती है क्या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या फिर क्या बोलेंगे यूनिट्स ऑफ ऐसा यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड देंगे स्पेसिफाइड नहीं लिखा तो बोलेंगे ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में खाली दस बीस टका डालती है मतलब थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं डालती है तो वो देख के समझ जा, हाँ ये वाला ये वाला, ये वाला है एंड फिर उसका आंसर ऑलवेज शॉर्ट टर्म तो फिफ्टी डबल ए वाला सेक्शन खत्म हो गया ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है लेटेस्ट अमेंडमेंट फिर सुनो एक और सेक्शन बचा अपना लास्ट सेक्शन सेक्शन 46 वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अभी क्या किया है तो करके ख़त्म कर डालता हूँ ओके लिक्विडेशन सी लिक्विडेशन पे सुनो कंपनी जब बंद होती है अपने एसेट्स बेचती है फिर लाइबिलिटीज पे ऑफ करती फिर शेयर होल्डर को देती है तो सुनो ध्यान से कंपनी बंद होते ना अपने जो एसेट्स बेचती है ना उसका कैपिटल गेन मैंने सिखा रहा हूँ ये सेक्शन में ना जरा भी ये माइंड में मत लाना कि सर हमको लिक्विडेशन में कंपनी जो एसेट बेचती है उसका सिखा रहे हैं वो थोड़ी सिखाने ऐसा कुछ यार लिक्विडेशन के टाइम बैलेंस शीट के सब एसेट को बेचेंगे तो उसका कैपिटल अगेंस्ट वो सिखाने लायक नहीं अंडरस्टूड है मैं क्या सिखा रहा हूँ ना सुनो शेयर होल्डर के एंगल से कुछ सिखा रहा हूँ एक कंपनी लिक्विडेट हुई उसने अपने एसेट्स बेच दिए उसका कैपिटल अगेंस्ट आया होगा वो सिखा नहीं रहा हूँ समझ जाओ फिर एसेट्स बेच के आउटसाइड लाइबिटी को पे कर दिया बाद में जब शेयर होल्डर को पैसा मिलता है ना उसमें शेयर होल्डर को कैपिटल गेन आता है वो चीज 46 में लिखी हुई है तो पहले तो मैं क्या सिखा रहा हूँ समझो नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा तुम्हारे मन में कुछ और चलते रहेगा तो मैं क्या सिखा रहा हूँ लिक्विडेशन में सारे एसेट्स बेच के जो कैपिटल गेन आया वो नहीं सिखा रहा हूँ वो चलो आ गया फिर आउटसाइड लाइब्रिटीज को पे कर दिया और बाद में जब शेयर होल्डर को चुकता करते हैं ना उसमें शेयर होल्डर के नजरिए से मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूं कि शेयर होल्डर को कुछ गेन आता है और वो कैसे आता है वो बता रहा हूं तो सी विद एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ना ये देखो लुक लुकियर मान लो एक और ये सम में ना शेयर होल्डर का सम आएगा सेक्शन क्या है फोर्टी सिक्स मान लो एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स उसके पास टेन परसेंट शेयर होल्डिंग है ऐसे अज्यूम करो टेन परसेंट और उसके पास कितने शेयर्स है सिक्स थाउजेंड शेयर्स परचेज इन लेवन ट्वेल्व एट अ कॉस्ट ऑफ बारह हज़ार तो बारह हज़ार कॉस्ट मतलब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया और ये जिस कंपनी के शेयर्स है ना उस कंपनी की बैलेंस शीट दी है मैंने क्वेश्चन में ऐसा बैलेंस शीट देंगे यहाँ और ये देखो बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी साइड खाली पड़ा है मतलब लो ये लोग बैलेंस शीट ये स्टेज पे लाके देंगे कि सब आउटसाइड लाइबलिटी को पे ऑफ कर दिया है शेयर होल्डर के साथ सेटलमेंट हो रहा है उस पर समय ना यार तो लाइब्रेरी साइड पूरा खाली हो गया तो मुझे बताओ ये आठ लाख रुपया किसको देना है अरे इक्विटी कैपिटल रिजर्व के शेयर होल्डर को है तो शेयर होल्डर को ही देना है लेकिन अपना शेयर होल्डर कितना होल्डिंग रख रहा है टेन परसेंट तो कंपनी ये उसको पूरा आठ लाख देगी कि टेन परसेंट एक से काम करो ये आठ लाख का टेन परसेंट निकालो ना एटी थाउजेंड तो ये देखो मैंने इधर दिखाया हुआ है देख कंपनी ने अस्सी हजार दिया किसको मिस्टर एक्स को अरे ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया होगा अभी तक तो मैं क्वेश्चन नहीं समझा रही क्वेश्चन में ऐसा दिया है फिर पूछेंगे क्या अरे सम है पूछेंगे क्या शेयर होल्डर को कितना कैपिटल गेन हुआ बता ये पूछेंगे पहले पता इधर कैपिटल गेन क्यों आ रहा है देखो कैपिटल गेंस का देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कैपिटल गेंस में दो कंडीशन क्या थी कैपिटल एसेट होना चाहिए ट्रांसफर होना चाहिए तो मेरे को बताओ इधर कैपिटल असेट है है ना शेयर होल्डर के जो शेयर है वो कैपिटल असेट है अब शेयर होल्डर ने शेयर्स को बेचा नहीं है रेल हुआ है पता है ट्रांसफर के डेफिनेशन में क्या था सेल एक्सचेंज रेल तो रेल मतलब क्या है टू गिव अप और इधर क्या हो गया जैसे ही कंपनी बंद हो गई ना तो शेयर होल्डर का शेयर होल्डर पना बंद हो गया शेयर होल्डर लोग के मान में राइट्स होते हैं राइट टू अटेंड द मीटिंग्स राइट टू रिसीव द डिविडेंड लेकिन कंपनी बंद हो गई तो अपनी शेयर गिरी बंद दादागिरी होता तो है दादागिरी तो अभी शेयर होल्डर का जो शेयर गिरी होता है ना उसको त्यागना पड़ेगा कंपनी बंद हो गया इसको बोलते रेलिंग क्विश करना आज से मेरे शेयर होल्डिंग के राइट्स मैंने गिव अप कर दिए लेकिन उसको बदले में अस्सी हज़ार मिल भी रहा है शेयर होल्डर का कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है जा क्या रहा है कि आज से मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ बड़ी शेयर होल्डर पना मैं दिखाता था मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ लेकिन मुझे अपना शेयर होल्डर पना त्यागना पड़ रहा है तो कंपनी बंद हो गया लेकिन बदली में अस्सी हज़ार मिल रहा है कैपिटल अगेंस्ट में यही तो होता है कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है आ क्या रहा है अस्सी वो तो लिक्विडेशन पर देना ही पड़ता है ना अब इसका कैपिटल अगेंस कैसे आएगा बताओ स्टूडेंट क्या करेगा कैपिटल का फॉर्मेट बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब रिटर्न में क्या मिला जी शेयर होल्डर का शेयर होल्डर पना चला गया लेकिन बदली में क्या मिला अस्सी हजार तो स्टूडेंट क्या करेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अस्सी हजार डाल देगा फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये देखो शेयर की कॉस्ट क्या है बारह हजार है ना एक बार में इंडेक्स में इंडेक्स नहीं कर रहा हूं जान दो रहा एक बार अरे लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स करना पड़ता ना एक बार के लिए ऐसे ही ले रहा हूं तो लोग ऐसे माइनस करके कैपिटल के निकालेंगे इधर ही जीरो मिल जाएगा दिखने में क्या लगता है ऐसा होना चाहिए अरे कोई भी एंगल से तुमको रॉन्ग फील नहीं होगा क्योंकि क्या लग रहा है हाँ अपने शेयर्स खत्म हो गए लेकिन बदले में एटी डाउन मिला और जो बदले में मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन है ऐसा ही लगेगा ना लेकिन सुनो इधर है ना क्या होता है लुक क्या लिखा है उसको जो एटी थाउजेंड मिला है एटी थाउजेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया था बोलना टेन परसेंट आठ लाख और, 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 और आठ लाख में कुछ रिजर्व भी था रिजर्व में से शेयर होल्डर को जो मिलता है ना वो डिविडेंड होता है डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी टू सी एक रूल है जब कभी भी कंपनी अपना हाथ देखो मेरा जब कभी भी कंपनी अपना रिजर्व बांटती है तो रिजर्व का बांटना इंग्लिश में कर रिजर्व डिवाइड हो गया और डिवाइड हुआ मतलब डिवाइडेंड हम लोग डिवाइडेंड नहीं प्रोनाउंस करते डिविडेंड लेकिन डिविडेंड वर्ड में डिवाइड का फील नहीं आ रहा है क्या डिवाइड हो रहा है रिजर्व तो इधर यही तो हो रहा है कोई बोले क्या मजा करे तो कंपनी बंद अरे कंपनी बंद हो रही है मेरे को भी मालूम है लेकिन बंद होते टाइम रिजर्वस का बंटवारा हो रहा है अब रिजर्वस का बंटवारा चाहे चलती हुई कंपनी में हो के बंद होने वाली कंपनी में हो जब जब कंपनी का रिजर्व बटेगा उसको बोलते हैं डिवाइड हो गया और डिवाइड हुआ मतलब डिविडेंड और डिविडेंड तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है ना तो उसका हेड अलग हो जाएगा लेकिन सी ये पूरा दो लाख डिविडेंड नहीं है हाँ कंपनी की नज़र से बोलेंगे कंपनी ने दो लाख का डिविडेंड दिया एक्चुअली पता है इसको डीम डिविडेंड क्यों बोलते हैं क्योंकि एक नॉर्मल आदमी इसको डिविडेंड नहीं बोले नॉर्मल आदमी क्या बोले है? अभी क्या डिविडेंड कंपनी तो बंद हो गया है एक नॉर्मल आदमी डिविडेंड किसको बोलता है एक ऑन गोइंग चलती हुई कंपनी कमा कमा के शेयर होल्डर को डिविडेंड का अनाउंस करके देती है डिविडेंड 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 तो उनको लगता है डिविडेंड है लेकिन ये गलत थिंकिंग है ना छोटी सोच है डिविडेंड मतलब डिवाइड होना और रिजर्व तो लिक्विडेशन पे भी, भी डिवाइड होता है ना तो भी डिविडेंड है लेकिन पब्लिक समझती नहीं इसलिए लॉ ने क्या बोला डीम्ड डिविडेंड और इसका सेक्शन भी है देखो टू ट्वेंटी टू सी में ऐसा लिखा है कि लिक्विडेशन में जब रिजर्व बढ़ता है ना वो डीम डिविडेंड है लेकिन सी मिस्टर एक्स के लिए पूरा दो लाख डिविडेंड नहीं है वो तो कंपनी के लिए बोलेंगे दो लाख का डिविडेंड दे दिया लेकिन शेयर होल्डर तो मिस्टर एक्स अपना टेन परसेंट वाला है ना तो टेन परसेंट इसका कितने आएगा ट्वेंटी थाउजेंड तो ये देखो मैंने ट्वेंटी थाउजेंड लिखा है मतलब पता है सुन ये देख मेरा हाथ देख लिक्विडेशन में जो अस्सी हजार मिला है ना उसमें से बीस हजार को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल बचा हुआ सिक्सटी थाउजेंड कैपिटल गेन्स में आएगा ये देख पीछे अस्सी हजार उसको मिला है ना जो दिखा वही देखना एक्स्ट्रा मत देखना उसमें से क्या लिखा है पढ़ो पढ़ के बताओ हिज शेयर इन रिजर्व हिज मतलब अपना शेयर होल्डर का दस परसेंट हिस्सा था ना हिज शेयर इन रिजर्व विल बी डीम डिविडेंड और उसको मिला एटी था तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर सिक्सटी थाउजेंड वो सिक्सेंड बन जाएगा फिर बाद में शेयर्स का कॉस्ट वॉश माइनस कर दो वो तो सिंपल है देखो मेरे एग्जाम्पल में क्या था शेयर्स की कॉस्ट क्या बारह हजार और वो भी दो हजार ग्यारह बारह में लिया था तो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करना पड़ेगा ओके कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस और पता इधर हंड्रेड एंड ट्वेल्व वो सब नहीं आता है एस टी डी पेड हो गया कि नॉट पेड अरे ये, ये शेयर्स है और ये शेयर्स का कैपिटल लिक्विडेशन पे आ रहा है सी एस टी डी तो कब बढ़ते जब शेयर्स को मैं बेचता हूँ वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इधर ये शेयर होल्डर ने कुछ बेचा बेचा है क्या नहीं ये तो लिक्विडेशन में मिल रहा है तो मेरी वो ड्राॅइंग थी ना उसमें रेड वाले एरिया में आ रहे कि ऑरेंज ऑरेंज वाले एरिया में ऑरेंज ओके ऑरेंज वाले एरिया में क्योंकि रेड में तो कब आता है एस पेड़ और एस टी डी कब पेड़ जब स्टॉक मार्केट में बेचते हैं और यहाँ शेयर होल्डर ने बेचा बेचा दी लिक्विडेशन में मिला हुआ है अरे अभी अभी शेयर्स का बात किया तो रिलेट करके बता रहा हूँ तो मेरे शेयर्स के चार्ट में ऑरेंज वाले एरिया में आएगा ओके okay? और ऑरेंज में भी वो लिस्टेड अनलिस्टेड का होता है ना लिस्टेड hmm. का ट्वेंटी परसेंट एक्स विद इंडेक्स टेन परसेंट एक्स विदाउट इंडेक्स वो वाला रूल आता है ना वो इधर फॉलो कर सकते है ना विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स करना है तो ओके okay? तो ऐसे आएगा तो सी मेन क्या स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होगा वो पूरा एटी थाउजेंड डाल देगा इधर लेकिन एटी थाउजेंड में से ट्वेंटी थाउजेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा ओके ये देखो okay? एक बार चार्ट पढ़ो ना क्या लिखा है मनी और मनी वैल्यू ऑफ अदर एसेट रिसीव्ड मतलब ये देखो शेयर होल्डर को चाहे मनी मिला हो कि कोई एसेट मिला हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो अरे जैसे अस्सी हज़ार मेरे सम में तो उसको रोकड़ा दिया है लेकिन हो सकता है उसको अस्सी हज़ार का लैंड दे दिया है तो लॉ क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है शेयर होल्डर को जो मिला मनी मिला तो मनी ले और कोई एसेट मिला तो उसका मार्केट वैल्यू ले ये पढ़ो क्या लिखा है मनी मिला तो मनी ले और कोई एसेट मिला तो उसका मार्केट वैल्यू ले जो मिला उसको ले और उसको दो हिस्से में बांट और बांटना कैसे उसका जो रिजर्व में हिस्सा है वो डीम डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और बैलेंस एफ में जाएगा टेल मी अगर बैलेंस शीट में रिजर्व होता ही नहीं तो, तो ये डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। फिर तो पूरा एटी थाउजेंड कैपिटल गेन में आता फिर तो सम का मजा ही किरकिरा हो जाता सम में मजा कब आएगा जब इन लोग रिजर्व डालेंगे तब स्टूडेंट का पोवर्ट हो सकता है ओके तो रिजर्वस होना चाहिए तो ये डीम है ना और रिजर्वस नहीं होता ना तो मेरे एग्जामल में जो एटी थाउजेंड है ना पूरा कैपिटल अगेंस्ट में आ जाता है एट्टी थाउजेंड इधर हाँ एफ ई सी बन किया था कॉस्ट वॉस्ट माइनस करना पड़ता है वो तो ये सेक्शन फोर्टी सिक्स था सो नाव वीकेंड से कैपिटल अगेंस्ट का टॉपिक खत्म हो चुका है ओके अगला टॉपिक हम लोग अभी टीडीएस का ले रहे मोस्टली टीडीएस करवाना है कल okay? टीडीएस का टॉपिक ओके लेकिन कैपिटल अगेंस्ट का जितने मैंने पढ़ा है ना उतना हाथों हाथ रिवाइज करके सम प्रैक्टिस करके थरो कर दो ओके okay? सब कुछ कवर हो गया इसमें अमेंडमेंट की खास बातें क्या थी फिफ्टी में दस करोड़ वाला रूल आया और वो नया सेक्शन आया था जो मैंने पढ़ा है ना अभी फिफ्टी डबल ये वाला और ये लेटेस्ट चीज़ है इन लोग एग्ज़ाम में पूछते okay? ही ओके रिवाइज एंड कम प्लीज रिवाइज एंड कम